We learn about a special diagram called a Venn diagram. तो so, sets के केस में एक डायग्राम, special diagram होता है, उसको Venn diagram होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। And in the end, we will learn about operations on sets. कौन-कौन से se different type of mathematical operations हम कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। यदि हम type of sets की बात कर रहे हैं, so there are five different type of sets, and for each set, we will learn कि ये क्या होते हैं। Similarly, ऑपरेशंस की बात करें तो देर आर फोर टाइप ऑफ ऑपरेशंस राइट फ्रॉम यूनियन टू कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट वो क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ सेट्स जब हम डेफिनेशन ऑफ सेट्स की बात करते हैं तो उससे पहले एक चीज़ आती है द थ्योरी ऑफ सेट्स इसी के अंदर सारे सेट्स को डिफाइन किया गया है और ये सबसे पहले किसने किया था एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जियॉर कैंटूर इन्होंने थ्योरी ऑफ सेट्स दी थी जहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया कि सेट्स क्या होते हैं और उनका रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिक्स में कैसे किया जाता है यदि मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूँ कि सेट वर्ड आपने एन नंबर ऑफ़ टाइम सुना होगा हाँ लाइक आपके बोलते हैं मेरे पास एक ज्वेलरी का सेट है आपकी मदर बोलती होंगी बहुत बहुत बार राइट आप बोलते हैं मेरे पास ना कपड़ों का ना एक बहुत बढ़िया एक मेरे अलमीरा के अंदर एक शूज़ का सेट्स है या कपड़ों का सेट्स है आप बोल सकते हैं ये बोलते हैं कपड़े का एक सेट बनाओ मीन्स जिसमें आपकी ट्राउजर्स भी होंगे एंड शर्ट्स भी होंगे एंड सब होंगे पैंट शर्ट सब होती है ना सो यू आर मेकिंग अ सेट मीन्स कम्बिनेशन ऑफ यू थिंग्स बोल सकते हैं सेम वे में यदि एग्जाम्पल लेते हैं हम कि ये क्या है कार्ड्स तो यदि कार्ड है तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ड्स हैं सो दिस इज अ सेट ऑफ कार्ड और डेक ऑफ कार्ड बोलते हैं जिसको या क्या बोलते हैं इसको ताश के पत्तों की गड्डी राइट right? हिंदी में हम ये बोलते हैं ऐसी एग्जाम्पल में यदि ये फोटो आप देखें तो इसमें क्या दिख रहा है आपको तो बहुत सारे लो, लोग लोगों का झुंड अ ग्रुप ऑफ पीपल राइट तो जब हम राइट साइड में इस फोटो को देख रहे हैं तो वी आर सेइंग ग्रुप ऑफ पीपल और लेफ्ट साइड में देख रहे हैं तो वी आर सेइंग डेक ऑफ कार्ड्स सो इन जनरल कैन आई से दिस वे दिज आर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड तो इम्पोर्टेंट क्या है जब हम बात कर रहे हैं लेफ्ट साइड में तो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर द कार्ड्स और जब हम राइट में बात कर रहे हैं वी आर ओनली टॉक अबाउट पीपल नॉट डिफरेंट थिंग्स हाँ जब पीपल के ग्रुप की बात कर रहे हैं तो इसमें एनिमल्स की या uh, और बर्ड्स uh, की बात नहीं कर रहे हैं वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट पीपल तो पर्टिकुलर काइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब यू डिफाइन करते हैं आप सेट्स के जैसे आपने कहा मदर के ज्वेलरी का सेट है राइट right? आपके कपड़ों का सेट है सो यू आर टॉकिंग अबाउट कपड़े यू आर टॉकिंग अबाउट ज्वेलरी सो दैट मीन्स पर्टिकुलर काइंड इज़ इम्पोर्टेंट आप बहुत सी डिफरेंट चीज़ की एक साथ बात कर, नहीं कर रहे हैं उनका सेट नहीं बनाते हैं ठीक है थीके? तो सेम चीज़ मैथमेटिक्स में होती है यदि मैं मैथमेटिक्स में लूँ कुछ एग्जाम्पल लाइक ऑड नंबर्स और नेचुरल नंबर्स लेस देन टेन वो ऑड नेचुरल नंबर्स जो कि टेन से छोटे हैं कैन यू नेम दैम येस यू कैन इजीली यू विल से इट इज़ वन थ्री फाइव सेवन एंड दीज आर द नंबर्स एंड ऑल आर लेस देन टेन सो जब हम ऐसे सेंटेंस में लिखें या ऐसे लिखें तो इट्स मीन्स इट इज़ अ सेट ऑफ पर्टिकुलर काइंड पर्टिकुलर काइंड क्या है कि ऑल आर दीज आर ऑड नंबर्स एंड ऑल आर लेस देन टेन वी कैन से दिट समझ में आ रहा है ना चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं द रिवर्स ऑफ इंडिया तो जब आप कोई कोई बोले द रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो आप किसकी बात कर रहे हैं भारत देश की नदियों के बारे में यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट नील नदी कहाँ पे है अफ्रीका में या मिसिसिपी सी सी कहाँ पर है अमेरिका में तो हम उन नदियों की बात नहीं कर रहे हैं आर टॉकिंग अबाउट रिवर्स ऑफ इंडिया भारत देश की नदियों के बारे में बात करें क्लियर है दैट मीन्स इज अगेन अ पर्टिकुलर काइंडल्स इन द इंग्लिश अल्फाबैट जैसी ये वॉवल्स इंग्लिश अल्फाबैट में आया तो आपके दिमाग में क्या है इट विल बी ए आई यू यू आप बचपन से यही पढ़ते आए वो तो देट मीन्स द मोमेंट वॉवल वर्ड आया और इंग्लिश आया तो वो यदि इंग्लिश वर्ड नहीं भी आता यदि हम वॉवल्स ही किसी ने बोलता वॉवल बोला था अंडरस्टूड है कि ए ई आई यू की बात करें मीन्स इस सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो आप जिसमें पांच चीज़ें होंगी हमेशा ओके इफ़ आई आस्क यू वेरियस टाइंडस ऑफ ट्राइंगल तो आपके दिमाग में आएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल राइट आइसोसलीस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल दैट मीन्स स्पेसिफिक ट्राइंगल्स की हम बात कर रहे हैं ओके इफ आई से द प्राइम फैक्टर्स ऑफ टू हंड्रेड एंड टेन तो आपके दिमाग में क्या होगा टू हंड्रेड एंड टेन के प्राइम फैक्टर की बात कर रहे हैं दैट मीन्स एच सी एफ निकाल लो तो यू विल से इट इज़ यू आर टॉकिंग about टू थ्री फाइव एंड सेवन सो दिस इज अ क्वेश्चन सो वी आर टॉकिंग about टू थ्री फाइव सेवन आर what? These आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 210. हंड्रेड एंड आप ये कह सकते हो क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है चलो एक और एग्जांपल लेते हैं द सल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो यदि आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करना आता ही है सो so एकटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं आपने जब सॉल्व किया यू विल फाइंड कि इसके दो रूट आएंगे एंड दीज आर द रूट्स राइट तो हम किस की बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट सोल्यूशन मीन्स टू और थ्री की हम बात कर रहे हैं कब जब हम इस इक्वेशन की बात करेंगे सो दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऐसे बोल सकते हैं अब मैथमेटिक्स अभी तक आप पढ़ते आए हो यदि मैं कैपिटल एन बोलता हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है ऑटोमेटिकली आता है यू आर टॉकिंग अबाउट कि सर आप बोल रहे हैं द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स तो आपको हमेशा याद रखना है जब कैपिटल एन बोलेंगे इसका मतलब ये होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स सारे नेचुरल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं सेम वे में यदि z वर्ड यदि आएगा जैकि कैपिटल z, सो वी आर टॉकिंग अबाउट वट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हम इंटीजर प्लस माइनस सब तरह के नंबर्स की बात कर रहे हैं जिनको क्या बोला जाता है इंटीजर्स यदि Q बोला जाए तो, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि दीज आर द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर रैशनल नंबर क्या होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो हम उनकी बात कर रहे हैं एग्जैक्टली exactly यदि कैपिटल R वर्ड आता है उसका मतलब क्या होता है द सेट ऑफ रियल नंबर्स तो आपको ये याद रखना है वैसे आपको याद भी है पढ़ते हैं एन मतलब नेचुरल नंबर जेड इन टीजर्स क्यू मतलब रिप्रेजेंट करता है रैशनल नंबर्स आर मीन्स रियल नंबर अब इनके आगे यदि हम थोड़ा प्लस माइनस लगा दें तो क्या होगा यदि मैं जेड प्लस बनूँ जेड मतलब क्या इंटीजर प्लस माइनस इस समय हम क्या बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स सो वी कैन से वी आर टॉकिंग अबाउट सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स हम खाली पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं सेम वे में यदि मैं क्यू प्लस कर दूँ क्यू मीन्स रैशनल नंबर्स अब हम किसकी बात कर रहे हैं सारे रैशनल नंबर की बात नहीं कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स और यदि मैं रियल नंबर में भी यदि प्लस लगा दूँ कि मीनस वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स तो मीन्स वी कैन से वी आर टॉकिंग अबाउट सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स ऐसे बोल सकते हैं सो so इन सारे एग्जाम्पल्स में वेदर वो प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में हो या मैथमेटिक्स फॉर्म में बोलें तो वी आर टॉकिंग अबाउट इन ई सेंटेंस हम किसी में भी बात करें वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर काइंड और इट्स अ कलेक्शन कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर कलेक्शन ऑफ इंटीजर रैशनल नंबर्स वट एवर इट इज़ राइट right? नदी हो पहाड़ हो कुछ भी हो वेरी गुड तो आपको एक चीज क्लियर हो गई okay? तो मैं आपसे अब एक चीज पूछता हूं इफ आई आस्क यू कि कलेक्शन ऑफ फाइव मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड कैन यू नेम इट दुनिया के पांच रिनाउंड मीन्स फेमस वर्ल्ड फेमस मैथमेटिशियन के नाम बताओ तो यू विल से सर इट इज ए बी सी डी वट जो भी आपको याद है राइट right? तो यू विल से कि सब मेरे हिसाब से तो वन टू थ्री फोर फाइव ये हैं पर यदि मैं आपसे पूछूं इज इट वेल डिफाइंड ये क्वेश्चन का जो आंसर है इज इट वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड मीन्स जब भी कोई आदमी ये पूछेगा कि टॉप फाइव रिनाउड मैथमेटिशियंस वर्ल्ड के नाम बताओ तो क्या ये वेल well डिफाइंड है नो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड दुनिया के सात आश्चर्य कोई पूछेगा तो यू नो वेरी वेल दोज आर वेल डिफाइंड बट मैथमेटिशियंस वेल डिफाइंड नहीं है तो यू विल से नो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड क्यों नहीं है वेल डिफाइंड बिकॉज द क्राइटेरिया मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन राम कुमार ने ये नाम लिखा होगा पाँच हो सकता है श्याम कुमार ने फाइव डिफरेंट नेम्स लिखे हो बिकॉज दुनिया में हमने मैथमेटिशियन रिनाउंड मैथमेटिशियन अलग अलग आदमी को अलग अलग याद होंगे पर यदि मैं आपको सेवन वंडर्स की बात करूँगा यू विल क्लियरली राइट कि सेवन वंडर्स कौन कौन से हैं मे बी द सीक्वेंस विल भी डिफरेंट बट अल्टीमेटली यू विल राइट ऑलनी ऑल दो सैवन वनडर्स क्योंकि वो वेल well डिफाइंड है तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज नॉट वेल डिफाइंड एंड इफ इट इज़ नॉट डिफाइंड राइट सो इट इज़ नॉट अ सेट तो हम सेट के केस में क्या बोलते हैं वी सैन शे दैट सेट इज अ वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट जो कि वेल डिफाइंड हैं हम किसकी बात कर रहे हैं पहली बात पर्टिकुलर मैथमेटिशियन की बात कर रहे हैं क्या ये वेल डिफाइंड है नो दे आर नॉट वेल डिफाइंड तो इट इज इट मीन दिस इज नॉट अ सेट बोल सकते हैं हम अभी भी कंफ्यूजन है कोई बात नहीं आप ये याद रखो सेट के लिए जरूरी क्या है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो कि वेल डिफाइंड होना चाहिए एग्जाम्पल लेते हैं तब आपको समझ में आएगा वट इज दिस ए ई आई ओ यू याद आया अभी हमने पढ़ा था क्या है दिस पर्टिकुलर ये क्या है ग्रुप ऑफ या कलेक्शन ऑफ वॉवल्स और सेट ऑफ वॉवल्स हम बोल सकते हैं तो हम अब जब हम सेट की बात कर रहे हैं हम ग्रुप वर्ड यूज नहीं करेंगे वी विल यूज सेट तो दिस इज सेट ऑफ वॉवल्स हम इस सेट की बात कर रहे हैं इज इट वेल डिफाइंड यू विल से यस इट इज वेल डिफाइंड क्योंकि जब भी कोई आदमी बोलेगा सेट ऑफ वॉवल्स तो आपको ए ई e, आई यू यू यही याद आएंगे तो ये क्या हुआ इस डेफिनेशन की को हंड्रेड परसेंट वेलिड है तो सेट भी हो गया इज अ सेट है वेल well डिफाइंड है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट क्या हमारा ए ई आई ओ, यू दीज द ऑब्जेक्ट तो इस सेट को डिफाइन किया जाता है तो यदि सेट को रिप्रेजेंटेशन कोई कैसे दिया जाता है इसका नाम कैसे किया जाता है तो इस सेट का नाम देते हैं सपोज वी से दिस इज सेट ए सेट ए तो कभी भी किसी भी सेट को जब नाम दिया जाता है हम जैसे इसको हमने नाम दिया सेट ए तो ये जो ए है इज बेसिकली दिस सेट जब हम बोलेंगे सेट ए मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस और ए क्या है अल्फाबेट में देखोगे ये क्या है इट इज़ ए स्मॉल और कैपिटल लेटर इज अ कैपिटल लेटर सो द पहला रूल सेट्स का क्या होता है सेट्स आर यूजली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स तो ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है जैसे हमने यहाँ इसको बोल दिया सेट ए अब कोई बोलेगा ना मैं इसको सेट ए ना बोल के यदि वॉगल्स हैं आई कैन से सेट वी नो इशू कोई फर्क नहीं पड़ रहा बट जो V है वो क्या होना चाहिए कैपिटल तो हम सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और ये ए ई आई O यू ये क्या है इसके ऑब्जेक्ट यही तो बोले कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट अब इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं बहुत से लोग कोई बोल सकते हैं इस सेट्स के एलिमेंट्स इनको एलिमेंट भी बोला जाता है कुछ बोल सकता है ये इसकी एंटिटीज़ हैं इतनी सारी एंटिटीज़ मिलके एक सेट बनाया है तो ए आई ई यू कुछ लोग इसको एंटिटीज़ भी बोलते हैं कुछ लोग बोल सकते हैं दीज आर द मेंबर्स मीन्स सेट ऑफ लॉबल्स मींस दीज आर द मेंबर्स इस सेट के हैं ये इस पार्टी वाले हैं तो ये उसके मेंबर्स हैं तो ऑब्जेक्ट बोलो एलिमेंट्स बोलो एंटिटीज बोलो मेंबर्स बोलो इन टोटेलिटी ये सब एक दूसरे के क्या है सिनोनम्स हैं सब एक दूसरे के क्या है सिनोनम्स मीन्स ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स सब एक ही चीज हैं कोई डिफरेंस नहीं है इनमें पर यदि हम मैथमेटिक्स में सेट्स के रिलेटिव जर्नली हम वर्ड यूज़ करते हैं तो वी नेम एलिमेंट्स हम एलिमेंट्स का वर्ड ज़्यादा यूज करेंगे तो जब हम बोलते हैं कि सेट को किसी भी सेट का नाम दिया जाता है तो कैपिटल लेटर से दिया जाता है उसके जो मेंबर्स या ऑब्जेक्ट या एंटिटीज होते हैं उनको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं एलिमेंट्स बोलते हैं ठीक है तो ये सेट के ए ई आई यू क्या है दीज आर एलिमेंट्स तो अब हम ऑब्जेक्ट वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे दो हमने डेफिनेशन में क्या बोला है अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट अब हम क्या बोलेंगे सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और या पर्टिकुलर एलिमेंट्स जिनकी कुछ उनकी विशेषता हो यहाँ इट इज़ इज़ वॉवल्स पहली चीज़ क्लियर तो दो चीज़ हमें क्लियर हो गई कि नाम कैपिटल में देना है और जो उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको मेंबर्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एलिमेंट्स बोला जाता है ठीक है तीसरी चीज़ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एलिमेंट्स होते हैं नॉर्मली हम उनको ना स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं जैसे ए ई आई यू कैपिटल ए कैपिटल आई भी लिख सकते थे हम कोई वॉवल्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ता पर क्योंकि जब हम सेट में बात करेंगे एलिमेंट्स की बात करेंगे तो हम उनको क्या लिखते हैं स्मॉल लेटर में सेट का नाम बड़े अक्षरों में और स्मॉल लेटर्स में उनके एलिमेंट्स का ओके okay, अब हमने नाम दे दिया सेट का नाम वी है ए इसका एलिमेंट है तो वी विल राइट ए बिलोंग्स टू वी मीन्स ए जो एलिमेंट है इट बिलोंग्स टू एलिमेंट वी वी मीन्स इज अ सेट जिसका नाम है वी तो ए किसको बिलोंग करता है जिस इस सेट को बिलोंग करता है जिसका नाम है वी और सेम वे में हम बोल सकते हैं यू जैसे ये है सारे ए ई ओ यू है तो हम ये भी बोल सकते हैं यू बिलोंग्स टू वी और यू बिलोंग्स टू वी ये तो हम सेंटेंस इंग्लिश में लिख रहे हैं मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं हम लिखते हैं यू बिलोंग्स टू ये जो साइन लिखते हैं बिलोंग्स टू वी और ये साइन का मतलब क्या होता है इस साइन का मतलब होता है ग्रीक सिंबल है उसका नाम होता है इप्सीलॉन एप्सिलॉन का प्रिंटर आता है ना एच पी वाला पिप्सिलॉन बहुत बढ़िया क्वालिटी का प्रिंटर होता है तो राइट right? कि दैट एच पी बिलोंग्स टू बिलोंग्स टू एच पी उसका है ये नाम है उसका इप्सीलॉन तो ये इप्सिलॉन इज द फेमस थिंग तो आपको इसको पढ़ोगे यू एप्सीलॉन वी नहीं पढ़ोगे नो यू विल रीड इट दिस वे कि यू ऊपर जो लिखा है बिलोंग्स टू इसका मतलब साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू यू बिलोंग्स टू वी तो ये एक हमारा सेट है जहाँ हम कहते हैं U बिलोंग्स टू इस सेट जिसका नाम V है उसको बिलोंग करता है जैसे बोले एक परिवार है राइट सपोज दे आर ठकुरेलेस तो यू विल से कि ये भाई ठकुरेलेस हैं या चौधरी साहब हैं तो चौधरी साहब के घर में राम खुशाम ये वो सारे चौधरी उस घर के पार्ट हैं उस फैमिली के मेम्बर्स Exactly हम ये सेम वे में बोल रहे हैं कि दीज आर द एलिमेंट्स वेयर वी कैन से यू बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर सेट इस पर्टिकुलर कम्युनिटी या इस पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग करता है तो हम बोल सकते हैं ए को भी ऐसे लिख सकते हैं वी कैन राइट ए बिलोंग्स टू वी तो ये जो साइन है एप्सिलॉन्न इसको आपको यूज़ करना है तो जब ये ये साइन लिखा हो उसका मतलब क्या हो रहा है ए बिलोंग्स टू वी यदि मैं एक एलिमेंट लेता हूँ बी क्या इस एस का पार्ट है नो इट इज़ नॉट तो यू विल राइट नॉट तो इट इज़ नॉट इट डजन बिलोंग्स टू बी तो विल राइट बी डज नॉट बिलोंग्स टू बी मैं ऐसे लिखूं या मैं इथ को यूज करते हुए उसको कट करके लिखूं इसका मतलब सेम ही होता है क्लियर हो गया तो क्या समझे अभी तक कि सेट जो होता है कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का होता है ऑब्जेक्ट्स को हम एलिमेंट्स नॉर्मली वर्ल्ड यूज करते हैं सेट का नाम हम कैपिटल लेटर में देखते हैं एलिमेंट्स का नाम हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में देते हैं सारे जो भी एलिमेंट्स हैं उनको ऐसे ले सकते हैं ए बिलोंग्स टू वी और इफ का यूज़ करते हैं इफ़ इफ इट डजेंट बिलोंग्स तो हम उसको कट कर देते हैं यहाँ तक क्लियर वेरी गुड कुछ और भी चीज़ बची सेट को डिफाइन करने के लिए आर देयर आर डिफरेंट मैथड्स फॉर रिप्रेजेंटिंग अ सेट कितने तरीके से हम किसी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सो देर आर बेसिकली टू वेज एक को बोलते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म रोस्टर मतलब क्या होता है बोलते हैं ना चीज़ें रोस्टर में आती हैं मीन्स एक के बाद एक आती हैं या टेबुलर फॉर्म आते हैं टेबल की फॉर्म में आती हैं तो ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं जब एक के बाद आएंगे तो हम नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं एक के बाद एक मीन्स ये उसके बाद कॉमा आ दिस कॉम आ दिस कॉम दिस दैट इज़ कॉल्ड रोस्टर एंड सेम वे में टेबल के फॉर्म में लिख दोगे आप राइट रोज एंड कॉलम बना दोगे दैट इज़ अ टेबलर फॉर्म तो दोनों का मतलब एक ही होता है वी विल वी विल लर्न दिस कैसे मतलब होता है एंड द सेकेंड इज़ कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म कौन सा फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म वैन वी बिल्ड अ फॉर्म जैसे किसी फॉर्म को आप भरते हो ऐसे याद रख लो तो बेटर है ऊपर वाला याद है तो ऑटोमेटिकली दूसरा आपको याद हो जाएगा चलो पहले वाले को समझते हैं कि रोस्टर या टेबुलर फॉर्म होती क्या है राइट right? कैसे हम एक के बाद एक मीन्स कॉमा कैसे यूज करते हैं या टेबुलर फॉर्म में कैसे डिफाइन करते हैं सो so एक एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल ये है द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन सेवन मीन्स हमको पता लगाना है ऑल इवन पॉजिटिव है वो पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि लेस देन सेवन हो तो आप पता लगा सकते हो इजीली यस यू विल से ब्रैकेट लगाए यू विल राइट इट इज़ टू फोर सिक्स तो दीज आर पॉजिटिव भी हैं इंटीजर्स भी हैं और लेस देन सेवन भी है, है, है। क्लियर है तो हमने इसको क्या लिखा ये जो सेंटेंस था उसको हमने इस फॉर्म में लिखा और देखो ये क्या रोस्टर फॉर्म में हम इस एक के बाद एक कॉमा लगा के लिख रहे हैं और जब कोमल आ कर लिखा तो देखो हमने उसको सेट बनाया तो हमने उसको ब्रैकेट के बीच में रख दिया तो पहला चीज़ कि ऑल द एलिमेंट्स विद इन द ब्रेसेस तो ये जो हमने ब्रेसेस या ब्रैकेट यूज़ किए उसके बीच में और यही ब्रेसेस यूज़ किया जाता है इसी शेप में तो हम क्या लिखते हैं किसी भी सेट को जब लिखते हैं इस फॉर्म में लिखते हैं दैट इज़ कॉल्ड रोस्ट और टेबुलर फॉर्म तो हम ब्रेसेस का यूज़ करते हैं और जो भी नंबर्स लिखते हैं उसके बीच में लिखा जाता है उसके एलिमेंट्स को और उनके क्या होता है कॉमा रोस्टर है तो एक के बाद एक मीन टू कॉमा फोर कॉमा सिक्स तो कॉमा का यूज किया जाता है तो हमें कि में? One, two, हैं, और ये हमने ब्रेसिस का यूज किया है सो दिस बिकम अ सेट ठीक है यार, का मतलब क्या होगा देख के भी आप बोल सकते हैं कि दीज आर ऑल इवन नंबर्स एंड दे आर लेस देन सेवन क्लियर ओके चलो एक और तरीके समझते हैं

वन बी फोर्टी टू को करता है टू भी कर दो ईवन है ये भी करता है थ्री भी करता है सिक्स भी करता है सेवन मीस आपके इसका एच सी एफ निकाल लो और आप फैक्टर्स निकाल सकते हो तो दीज आर द नंबर्स विच डिवाइड फोर्टी टू अब देखो हमने क्या किया इनके नंबर्स लिखे शरीर के बीच में कॉमा लगाया और ब्रेसिस के फॉर्म में लिख दिया तो ये पर्टिकुलर फॉर्म इज कॉल द रोस्टर और टेबुलर फॉर्म किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया रिप्रेजेंटिंग अ सेट तो जहा ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि पर्टिकुलर काइंड है क्या कहना है ऑल आर डिवाइडिंग 42 दे सारे नंबर 42 को डिवाइड करते हैं इस चीज़ को मैं ऐसे लिख दूं यदि कोई बच्चा ऐसे लिख दे 42 21 14 7 ऐसे भी लिख सकता है इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा या कोई ऐसे लिख दे 1 14 6 3 मींस मैंने इसको इधर उधर रैंडम तो मैं इंक्रीजिंग में लिखूं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूं या रैंडम नंबर लिखूं पर ये हैं सारे के सारे देखो एलिमेंट वन इसमें भी है वन इधर भी है वन देखो इधर भी है अब टू ढूंढो इसमें टू है इसमें टू इधर है इसमें टू इधर है तो आप देखेंगे टोटल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सेम एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम ट्वेंटी वन इसमें भी है ट्वेंटी वन इसमें भी है ट्वेंटी वन इसमें भी है फोर्टी टू इसमें भी है फोर्टी टू इसमें भी है फोर्टी टू इसमें भी है मीन्स ऑल सिमरल एलिमेंट ऑर्डर इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट सो दिस इज अनदर थिंग्स की दिस ऑल सेट्स टेबल फॉर्म है ऑल आर सेम राइट तो द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डजेंट मैटर ये जो एलिमेंट्स हैं इनका ऑर्डर इधर उधर तरीके से रखो अब ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं राम कुमार श्याम कुमार ठीक है लक्ष्मण कुमार इनकी बात कर रहे हैं तो वो लक्ष्मण पहले बोलो राम बाद में बोलो सीता बाद में बोलो डजेंट मैटर ठीक है ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है हम किसकी बात कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है हम इस समय किसकी बात कर रहे हैं वो नंबर्स जो 42 को डिवाइड करते हैं तो हम ये भी एक नया चीज़ जाने है, कि रोस्टर टेबल ऑफ फॉर्म में आप लिख सकते हो ऑर्डर इज़ नॉट इंपॉर्टेंट कॉमा होना चाहिए ब्रेसेस के बीच में होना चाहिए एनीथिंग एल्स यस वन मोर थिंग यदि मैं आपसे पूछूँ द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल वो कौन से लेटर्स हैं या वो अल्फाबेट कौन से हैं जो कोई जो स्कूल जो ये वर्ड है एस सी एच ओ ओ एल जो इसको बना रहे हैं तो यू विल राइट प्लेज में क्या लिखोगे एस सी एच ओ एल देखो हमने एक ओ कम कर दिया दैट मीन्स ये एस से सी एच ओ एल मैं यदि आपको ये अल्फाबेट्स दे दूँ तो आप इससे स्कूल बना सकते हो डेफिनेशन यू कैन यूज़ ओ मल्टीपल टाइम्स बट जब आप सेट में लिख रहे हो आप इन्हीं अल्फाबेट की बात कर रहे हो ना हम डबल बार ओ ओ लिखने की जरूरत नहीं है तो वी डू नॉट रिपीट एलिमेंट्स लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स इज वी कैन राइट दिस वे बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी ऑड नंबर्स वी आर टॉकिंग अबाउट सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स मीन्स इनडायरेक्टली वी आर टॉकिंग अब ऑल ऑड नंबर्स तो हम कैसे लिखेंगे ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे वन कोमा थ्री कॉमा फाइव कॉमा क्योंकि इन्फाइनिटी तक जाएगा इन्फिनी तक जाएगा तो जब इन्फिनीटी तक लिखते लिखते पागल हो जाएंगे तो हम क्या करते हैं कुछ नंबर लिखने के बाद वी पुट थ्री डॉट्स वन टू थ्री इसका मतलब ये होता है कि इट इज़ मीन्स इट इज़ अप टू इन्फिनिटी और वन थ्री फाइव से आपको एक वन थ्री फाइव थ्री लिखो या फोल्ड नंबर लिखो वन थ्री फाइव सेवन भी लिख देते कोई फ़र्क नहीं था बट तो उसके बाद में थ्री डॉट्स लगाना इंपॉर्टेंट होता है आप फाइव डॉट भी लगाओगे तो कोई फ़र्क नहीं है बट एक स्टैंडर्ड रूल बन गया है कि इफ़ वी आर पुटिंग नंबर के बाद थ्री डॉट इट मीन्स इट इज़ कंटिन्यूइंग एंड इट इज़ अप टू द इन्फिनिटी चलता ही चला जाएगा तो ये एक और रूल होता है सो इन टोटेलिटी वट वी हैव लर्न वी हैव लर्न कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पॉजेज अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट पॉजेस बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट हम जब सेट की बात करते हैं तो हम ये जो ब्रेसिस हैं हम उन्हीं की बात कर रहे हैं इसके बाहर क्या है जैसे इवन नंबर एट भी हो सकता है टेन भी हो सकता है ट्वेल्व भी हो सकता है हम उनकी बात नहीं कर रहे वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर्स विच आर लेस देन सेवन और जो कि ईवन हो वो यही हैं हम इन तीन की बात कर रहे हैं एग्जैक्टली सेम वे में जब हम इस वाले में बात कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे जो कि जो नंबर्स जो फोर्टी टू को डिवाइड करते हैं और वो कौन है इन दो ब्रैकेट्स के या ब्रेसिस के जो अंदर है उनकी बात कर रहे हैं ठीक है और इनमें सब में कॉमन प्रॉपर्टी है हर एक में कॉमन प्रॉपर्टी है राइट right, मीन्स हम पर्टिकुलर काइंड बोलते थे ना वही चीज़ है प्रॉपर्टी बोलो मैथमेटिक्स में अब हम काइंड ना बोल के नॉर्मली प्रॉपर्टी वर्ड यूज़ करते हैं तो सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए और ब्रेसिस के अंदर के ही एलिमेंट्स की हम बात करते हैं हम इसके एलिमेंट के बाहर की बात नहीं करते हैं वो इसके एलिमेंट होते भी नहीं है पहला चीज़ ओके तो हम रोस्टर और टेबलर फॉर्म बहुत अच्छे से समझ गए तो आप सेट बिल्डर फॉर्म भी समझ लें ये क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म के लिए ना यदि मैं एग्ज़ाम्पल जो हमने अभी लिया था उसी को लेते हैं तो दिस इज़ अ सेट क्या बोल सकते हो ए ई आई ओ यू क्या है ये वॉवल्स तो लेट्स नेम इट तो ईच ऑफ दैम इज़ अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड नो अदर लेटर पॉजिज दिस प्रॉपर्टी कोई और इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वो वॉवल हो ही नहीं सकता है यही हो सकते हैं खाली लेट्स नेम इट सपोज वी इज़ इक्वल टू दिस तो वी इज़ अ सेट सेट का नाम कैपिटल में दिया वी इज इक्वल टू दिस मीन्स वी इज अ सेट विच मींस दिस एंड उसका मतलब क्या है इंग्लिश अल्फाबेट आई वॉब इन इंग्लिश अल्फाबेट। यहां तक क्लियर ओके okay. इसी चीज को यदि मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा तो वी विल राइट दिस वे वी इज इक्वल टू ब्रेसिस लगाए एक्स सेमी x एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट और ब्रेसिस क्लोज अब इसको ऐसे लिखा है तो इसको घबराओ मत इसको पढ़ते कैसे वो समझ लो यदि आप वो समझ गए तो इसको लिखना बहुत आसान है तो लेट्स राइट इट डाउन तो हमने क्या लिखा है वी ये जो डबल साइन है क्या मतलब होता है दो लाइन्स का इक्वल टू ब्रेसिस को भूल जाओ ब्रेसिस का मतलब तो बाउंड्री है कि इसके अंदर की बात करें इसके बाहर की चीज़ों की बात नहीं करें दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वावल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो ब्रेसिस का कोई मतलब नहीं तो क्या हुआ देखो दोबारा पढ़ो वी इज इक्ल टू ये निशान है वी इज इक्ल टू तो हमने लिख दिया इज इक्ल टू उसके बाद क्या एक्स तो वी इज इक्ल टू एक्स और ये जो दो डॉट्स हैं सामिकॉलन इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है सज दैट तो हम इसको कैसे पढ़ना है देखो वी इज इक्ल टू एक्स डॉट का मतलब सज दैट एक्स जो आगे लिखा है बस उसको वैसे ही लिखना है एक्स इज़ अ वॉबल इन इंग्लिश अल्फाबेट तो आप इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ो ऊपर वाले को आप पढ़ोगे कैसे कि v इज़ इक्ल टू x सज दैट x इज़ अ वावल इन इंग्लिश अल्फ़ावेट मीन्स v जो है एक्स के बराबर है और x जो है क्या है इज़ अ वॉवल इन इंग्लिश alphabet दिस इज़ what इट मीन्स चलो कुछ एग्जाम्पल लेंगे तब आपको पढ़ना भी ईजी हो जाएगा बस ये याद रखो इजिकल टू तो आपको मालूम है इजिक्वल टू होता है और ये जो सेमी कॉलन होती हैं इसका मतलब होते हैं मैथमेटिक्स में या इंग्लिश मैथमेटिक्स में सेमी कॉलन यहाँ पे मतलब होता है such that यदि आप ये याद रखोगे तो आप इस टाइप के जब सेट बिल्डर फॉर्म में जब भी लिखा जाता है किसी सेट को तो आप इजीली समझ पाओगे उसका मीनिंग वो एग्ज़ाम्पल लेते हैं और बहुत बार यदि मैं ये वी हटा दूँ कौन सा वी ये वी इज इग्ल टू जो इसको हटा दूँ बहुत बार ऐसी इसका हमने नामकरण नहीं किया है ठीक है बच्चा पैदा हो गया पर वी हैव नॉट नेम डेम ने। बच्चा तो है ही वो बेबी तो है ही तो ये हमारा सेट तो है ही क्योंकि ब्रेसेस में भी है और उसके बीच में लिखा हुआ है किस फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे बहुत इजी, वी विल राइट दिस वे द सेट ऑफ ऑल एक्स द सेट ऑफ ऑल एक्स इस एक्स की बात कर रहे हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स उसके बाद सेमी कॉनल सज दैट एक्स इज अ वर्वल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, पढ़ सकते हैं इसको दोबारा पढ़ो द सेट ऑफ ऑल एक्स हम किस एक्स की बात में? वो एक्स की बात कर रहे हैं वो सारे सेट ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं जो कि सच दैट एक्स इज अ वर्वल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एक्स इस केस में क्या है ये इंग्लिश अल्फाबेट ए ई आई यू यू हम इन सारी ए ई आई यू की बात कर रहे हैं अब ए ई -E आई यू यू बोलूँ मैं खाली अजीज़ एक्स रिप्रेजेंट कर देता हूँ तो हम उन सारे एक्स की बात कर रहे हैं वो एक्स की वैल्यू क्या है वैल्यू कभी ए हो जा रहा है कभी ई e हो रहा है कभी आई कभी ओ कभी यू हम इन वोबल्स की बात कर रहे हैं जो कि वर्बल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट है तो समझ में आ रहा है कितना ईजी है नहीं है तो कोई बात नहीं एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं फिर और अच्छा होगा चलो अब हमने एक सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखा है अब पढ़ो इसको आप जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही पढ़ो ए इज इक्वल टू इज इक्वल टू ब्रेसिस की बात नहीं कर रहे हैं ए इज इक्वल टू एक्स सच देट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एक्स क्या है एक नेचुरल नंबर है एंड एक्स की वैल्यू क्या है एक्स इज ग्रेटर देन थ्री एंड लेस देन टेन तो आप इससे एक सेट बना सकते हो रोस्टर फॉर्म में यू कैन राइट ध्यान से देखो ए जो है किसके बराबर है एक्स उन एक्स के बराबर है जो कि क्या है जहाँ पे x जो है एक नेचुरल नंबर है और वो नेचुरल नंबर क्या है ग्रेटर देन थ्री है लेस देन टेन है तो ग्रेटर देन थ्री लेस देन टेन कौन कौन से नेचुरल नंबर्स होंगे दो कंडीशन को सेटिस्फाई करिए x तो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और वो x थ्री से बड़ा होना चाहिए नेचुरल नंबर थ्री से बड़ा क्या हुआ फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो वी कैन से ए इज इक्वल टू ब्रेक ब्रेसिस के अंदर में फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो वी आर टॉकिंग अबाउट वाट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वेयर ए इज़ द सेट दिस यदि हम ए सेट की बात कर रहे हैं हम बात किस की कर रहे हैं हम इसकी बात कर रहे हैं इन नंबर्स की बात कर रहे हैं मैं इसको ऐसे लिखूं देश इज द रोस्टर और टेबलर फॉर्म और या सेट बिल्डर फॉर्म में बोलूंगा तो वी से वी राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट्स का यूज़ करते हैं सेंटेंस फॉर्म में जो हमने यहाँ लिखा है दोनों का मतलब एग्जैक्टली exactly सेम है बस लिखने का तरीका अलग है और पढ़ते हैं अगेन कैसे पढ़ते हैं ए इजिकल टू एक्स Such that x is a natural number and x is greater than 3 less than 10 तो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना है हमने उससे निकाले है कि वो नेचुरल नंबर होना चाहिए तो सब ये नेचुरल नंबर है और ये सारे नेचुरल नंबर क्या है देखो थ्री से बड़े और टेन से छोटे हैं क्लियर है कोई बात नहीं घबरा मत पहली बार मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता ही है आप दोबारा पढ़ोगे तो आप धीरे धीरे समझने लगोगे लेट्स एक वन मोर एग्जाम्पल आप थोड़ा उल्टा लेते हैं चलो एक ये सेट है इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं बी इज अ सेट जिसका नाम है बी सेट का नाम है जो किसके बराबर है जो उसमें नम्... उसमें जो एलिमेंट्स क्या है वन टू थ्री सिक्स सेवन फोर्टीन ट्वेंटी वन फोर्टी टू अभी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में ये एग्जाम्पल लिया था ये एक सब क्या है नंबर्स जो कि फोर्टी टू को डिवाइड कर रहे हैं तो हाउ वी विल राइट वी विल राइट दिस वे इन अ सेट बिल्डर फॉर्म बी इज इक्वल टू ब्रेसिस में b इज़ इक्ल टू एक्स हम उन x की बात कर रहे हैं सच देट x इज़ अ नेचुरल नंबर ये सब नेचुरल नंबर x इज़ अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड फोर्टी टू ब्रेसिस बंद तो ये कौन सी फॉर्म हो गई सेट बिल्डर फॉर्म ये रोस्टर और टेबलर फॉर्म चलो एक एग्जांपल और लेते हैं c इज़ एकल टू ब्रेसिस बंद वन थ्री फाइव सेवन डैट डॉट डॉट अभी हमने पढ़ा था डॉट 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 मीन्स इन्फिनी तक नंबर है वन थ्री फाइव सेवन दीज आर नेचुरल नंबर बट कैसे नेचुरल नंबर है ऑड नेचुरल नंबर तो वी कैन से सी इज इक्वल टू जेड दीज आर इंटीजर्स बोलूँ जेड बोल सकते हो आप एक्स भी बोल सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है तो so, वो जेड सजेड जेड इज एन ऑड नेचुरल नंबर और यू कैन पुट एन सज जेड एन इज एन ऑड नेचुरल नंबर यू कैन पुट एक्स सी इज़ इक्वल टू एक्स सज दैट एक्स इज एन और नेचुरल नंबर यहाँ जस्ट मैंने लिखने के लिए हर बार एक्स एक्स ना लिखे वी कैन टेक वाई भी लिख सकते हैं जेड भी लिख सकते हैं बट द पॉइंट इज कि जो हमने ऊपर लिखा है कॉमा लगा के जब ऐसे लिखते हैं उसको बोलते हैं रोस्टर या टेबलर फॉर्म और जब हम इस सेंटेंस फॉर्म में लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म क्लियर वेरी गुड यदि ये क्लियर है तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल दिस एग्जाम्पल नंबर वन Write the solution set of an equation x square plus x minus 2 is equal to जीरो in the roster form. इसके सल्यूशन का जो सेट बनेगा उसको आपको किस फॉर्म में लिखना है रोस्टर फॉर्म में लिख दो यार बहुत आसान x square plus x minus 2 is equal to जीरो is एन quadratic equation. इसका आप सोल्यूशन निकाल ही सकते हैं That means roots तो आप निकाल लो तो राइट दिस वे द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटर्न जो इक्वेशन दी है इट कैन बी रिटर्न कैसे लिख सकते हैं एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू इजिकल टू जीरो और थोड़ा सोल्व कर लोगे तो क्या होगा एक्स इजिकल टू वन एंड एक्स इजिकल टू माइनस टू दैट मीन्स एक्स इजिकल टू वन और माइनस टू क्या हो गए इसके सल्यूशन या रूट्स सो यू विल राइट द सल्यूशन का सेट हमको सेट बनाना है सेट किस में होता है ब्रैकेट फॉर्म में तो विल राइट द सल्यूशन सेट ऑफ अ गिवन इक्वेशन कैन बी रिटर्न इन द रोस्टर फॉर्म रोस्टर फॉर्मिंग स्टेबलर फॉर्म में एक के बाद एक लिखना है तो विल राइट बेसिस वन कॉमा माइनस टू तो जब हम वन कॉमा माइनस टू की बात कर रहे हैं इस इक्वेशन के रेस्पेक्ट में वो इसके क्या है सल्यूशन तो आप अपन समझ समझ सकते हैं ऑटोमेटिकली कि जब हम इस सेट की बात कर रहे हैं इस इक्वेशन के रेस्पेक्ट में तो वो क्या है उसका सल्यूशन सेट है तो इनडायरेक्टली टेबुलर फॉर्म से हम किस में चले जा रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेंटेंस बना सकते हैं आप इजीली कर सकते हो क्लियर लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल दिस एग्जांपल नंबर टू राइट द सेट कैसे लिखना है राइट द सेट ये जो लिखा हुआ है इन द रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है और ये कौन सा है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है क्या दिया है यदि आप पढ़ना ठीक से कर लोगे कर लोगे द सेट ऑफ ऑल एक्स ऐसी पढ़ते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स क्योंकि इसका नाम नहीं है तो ऐसे पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स वो एक्स का सेट सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर तो एक्स का पहली तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए एंड दूसरी इस कंडीशन सेटिस्फाई करें कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन फोर्टी तो वो वैल्यू ऑफ एक्स जो पॉजिटिव हैं वो यहाँ एक्स की वैल्यू डालते जाओ जो लेस देन फोर्टी में हो तो मैं क्या ले सकता हूँ पॉजिटिव इंटीजर पहला क्या आता है वन वन स्क्वायर इज इक्वल लेस देन फोर्टी यस टू स्क्वायर टू टू जो फोर फोर इज लेस देन फोर्टी ये भी सेटिसफाई थ्री थ्री नाइन लेस देन फोर्टी फोर 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 जो सिक्सटी लेस देन फोर्टी फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव लेस देन फोर्टी सिक्स सिक्स इज थर्टी सिक्स लेस देन फोर्टी सेवन 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 जो फोर्टी नाइन लेस देन फोर्टी नो दैट मीन्स अप टू सिक्स वो सारे पॉजिटिविटीजाना गए तो कैसे लिखेंगे आंसर विल राइट सोल्यूशन दिस वे द रिक्वायर्ड नंबर्स आर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्योंकि उनको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है पॉजिटिव हो तो हमने देखो सारे पॉजिटिव हैं इनका यदि स्क्वायर करूँगा फोर्टी से कम होना चाहिए हमने करके देख ही लिया सब फोर्टी से कम है राइट right? तो रोस्टर फॉर्म में अब लिख दो बस रोस्टर फॉर्म में क्या करना है हमको ब्रेसिज यूज़ करना है देखो आपको याद है जैसे ऊपर लिखा था हमने ब्रेसिस यूज़ करते हैं और कॉमा लगा के उनको लिख देते हैं तो विल राइट सो द गिवन सेट इन द रोस्टर फॉर्म इज ब्रेसिस वन कामा टू कॉमा थ्री कॉमा फाइव कामा फाइव सिक्स और कुछ सो दिस इज द आंसर वेरी सिंपल लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल थोड़ा सा और इजी इसमें आपको समझ में आएगा ना ये एग्जांपल आपको समझाने के लिए है सो राइट सेट एजिकल टू वन फोर नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव इन दैट बिल्डर फॉर्म अब हम उल्टा कर रहे हैं कि ये हमको किस फॉर्म में दिया रोस्टर फॉर्म में दिया इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है ए वन है फिर फोर है नाइन है सिक्सटीन कुछ पैटर्न दिख रहा है ध्यान से देखो यस yes, दिख रहा है ये हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या तो वी विल राइट सोल्यूशन दिस वे वी कैन राइट ए इज इक्वल टू वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर फोर स्क्वायर फाइव स्क्र यही चीज़ है ना ये आपको कैसे मेरे को दिमाग में आ गया या आपको कैसे आएगा जब आप इन नंबर को ना रोज देखोगे तो ऑटोमेटिकली ये नंबर आपको ना फोर नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव जो है ना वो आपको इसी फॉर्म में आपके दिमाग में आएंगे यू विल नॉट जो आपको दिख रहा बेशक ऐसा है फोर नाइन सिक्सटीन पर तो जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ ना मेरे को फोर नाइन सिक्सटीन जैसे ही मैं देख लिया ना एक बार तो मेरे को अब ऑटोमेटिकली आ रहा है कि अरे ये तो नंबर्स का स्क्वायर है और ये कैसे नंबर है नेचुरल नंबर है सो so, इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं वी कैन राइट इस वे में ए इज इक्वल टू एक्स वो एक्स सच दैट एक्स इज़ द स्क्वायर ऑफ़ नेचुरल नंबर्स क्या है एक्स इज़ द स्क्वायर ऑफ़ नेचुरल नंबर्स और देखो डॉट 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 क्या आई मीन दिस इज इन्फाइनिट तो हमको इनफिनिटी लिखने का मतलब नहीं है तो हम सिंपल लिख रहे हैं कि ए वो सेट है वैसा सेट जिसमें एक्स है एक्स सच दैट जो एक्स है इज़ अ स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर्स ये अल्टरनेट एक और तरीका है लिखने का वी कैन राइट वी कैन राइट दिस वे ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर एन क्या होता है नेचुरल तो विल राइट वेयर एन बिलोंग्स टू एन एन बिलोंग्स टू एन एन कैपिटल एन मतलब क्या हुआ इज अ नेचुरल नंबर यदि आप ऐसे कैपिटल लाइन लिखे उसका मतलब ये है कि जो एन है वो नेचुरल नंबर है और जो एक्स है वो ऐसा है कि एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर तो मीन्स एन है नेचुरल तो मीन्स वन रखूंगा वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर सो दीज आर द टू वेज फॉर डिफाइनिंग दिस सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म क्लियर हुआ कि नहीं हुआ चलो एक बार एग्जाम्पल ले लेते हैं दिस इज एग्जाम्पल नंबर फोर राइट द सेट ये आपको एक सेट दिया हुआ है इन द सेट बिल्डर फॉर्म तो देख के घबराना नहीं है ठीक है ना तो सल्यूशन देखो ध्यान से हम कैसे लिखेंगे आप ध्यान से, से सेट को देखो कि क्या हो रहा है देखो ऊपर नंबर क्या है ये कैसे रखें नैशनल फॉर्म में पीओपन क्यू पर ध्यान से इन सबको नंबर को देखो ये वन टू थ्री फोर फाइव ये बढ़ते हुए जा रहे हैं और ये नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं टू मीन्स फिर थ्री फोर फाइव सिक्स मीन्स ये स्टार्ट हो रहे हैं वन से ये नीचे वाले स्टार्ट हो रहे हैं टू से यही है ना कुछ तो वी कैन राइट दिस वे इसको यदि आपने ध्यान से देख लिया वी कैन राइट क्या है वी सी दैट ईच मेंबर इन द गिवन सेट हैज़ अ न्यूमिनेटर वन लेस देन द डिनोमिनेटर भाई ये वन है तो ये टू है ये टू है, है तो ये थ्री है ये थ्री है तो ये फोर है द मीन्स डिनोमिनेटर जो है न्यूमिनेटर से एक ज़्यादा है ये एक रिलेशन निकल रही है दूसरा स्टार्टिंग न्यूमिनेटर की कहाँ से है वन से हो रही है इसकी टू से हो रही है राइट तो वी कैन रे आल्सो द न्यूमिनेटर बिगनस विद वन एंड डज नॉट एक्सीड सिक्स न्यूमिनेटर वन से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहे हैं सिक्स तक जा रहे हैं डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से एक ज़्यादा हैं ये दो चीज़ें हमको देखने से मालूम चल रही हैं वेरी गुड हैंस इन द सेट बिल्डर फॉर्म द गिवन सेट जो ये गिवन सेट है हम इसको कैसे लिख सकते हैं वी विल राइट दिस वे ब्रैकेट चलो इसका कोई नाम तो नहीं है नहीं है। तो हम ब्रेसिज यूज़ करेंगे ये सारे क्या हैं वी विल से हम हमेशा एक्स लेते हैं तो विल राइट एक्स सच देट एक्स कैसे है एक्स इज इक्वल टू हम किसी एक नंबर को पकड़ें ध्यान से किसी एक नंबर को पकड़ लो यही हमने समझा था कि न्यूमिनेटर डनोमिनेटर है तो ये एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम बोल रहे हैं कि एक्स सच देट एक्स कैसा है एक्स इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन यदि ये एन है तो नीचे वाला क्या है एन प्लस वन तो एक्स इज इक्वल टू एक्स मीन्स ये पहला एलिमेंट जो पहला एलिमेंट है एक्स का इस सेट का पहला एलिमेंट एक्स मतलब वो पहला एलिमेंट वो एक्स इज सच दैट एक्स इज एकवल टू एन अपॉन एन प्लस वन और एन क्या है एन इज अ नेचुरल नंबर वेयर एन इज़ अ नेचुरल नंबर पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि एन जो एक नेचुरल नंबर है यदि ये एन वन है तो नीचे क्या होगा गया वन प्लस वन टू हो जाएगा तो यही आएगा पहला एलिमेंट यदि ये एन टू है तो ये क्या हो जाएगा टू प्लस वन थ्री इज अ सेकेंड एलिमेंट तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और ये कहाँ तक जा रहा है एक इंपॉर्टेंट कंडीशन अप टू सिक्स न्यूमिनेटर सिक्स तक जा रहा है तो एंड एन इज़ ग्रेटर दैन इज इक्वल टू वन और लेस दैन इक्वल टू सिक्स वन से स्टार्ट होगा सिक्स तक एंड हो जाएगा तो अनब्रेक्सिस क्लोज सर में आया नहीं आया हमने क्या किया हमने देखे कि जो एलिमेंट है वो कैसे डिफाइंड है हमने पहले देखा कि ये पहली बात पी अपॉन क्यू फॉर्म में रैशनल नंबर है पहला नंबर जो रहा है वन से है और सारे नेचुरल नंबर है न्यूमिनेटर्स वन से लेके सिक्स तक जा रहे हैं डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर्स है हर एक केस में एक ज़्यादा है तो इसलिए हमने फॉर्मूला लिखा लिया एन अपॉन एन प्लस वन फॉर्म में है वेयर एन यदि नेचुरल नंबर है और एन की जो वैल्यू मिनिमम वन से स्टार्ट होकर सिक्स तक जा रही है तो एन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू वन लेस दैन इक्वल टू सिक्स दो दिस इज वॉट सेट बिल्डर फॉर्म सो दिस वे वी हैव सॉल्ड इट नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल इससे थोड़ा सा और क्लियर होगा दिस एग्जाम्पल नंबर फाइव मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट ये जो लेफ्ट में दिए हुए हैं डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म ये सब किस फॉर्म में देखो रोस्टर फॉर्म सब में कॉमा है या टेबलर फॉर्म है विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन दैट बिल्डर फॉर्म ये देखो इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्म में लिखे हैं तो जो रोस्टर फॉर्म को आपको सेट बिल्डर फॉर्म से मैच कराना है, है कि नहीं सिंपल तो आप कैसे सॉल्व करोगे तो यू विल राइट दिस वे पहले को मैच कराओगे यहाँ देखोगे देखो देखों, सबसे आसान ये कि लिखा है पी आर आई एन सी आई पी एल तो कहीं दिख रहा है इधर तो देखो इजा राइट में देखो कि आपको यहाँ दिख रहा है तो ये तो बहुत इजी है मीन्स ये वाला तो इससे ही लिंक्ड है बोल सकते हैं आप देखो पढ़ भी सकते हो कि ये प्रिंसिपल सेट क्या है? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल राइट ये बोल सकते हो तो ये इससे रिलेटेड तो हम बिल राइट कि सेंस डी सेंस इन डी दि डी मीन्स दिस देर आर नाइन लेटर्स ये नाइन लेटर हैं इन वर्ड प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल जो है लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये इससे मैच कर रहा है ये तो इजीली बिना आग बंद करे भी मैच कर सकते थे अब यदि ये जीरो है इससे इधर करो तो आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगी तो क्या करते हैं हम लोग एक पहला वाला तो इधर से कर लिया फिर दूसरा वाला इधर से पढ़ के देखो जो ईज़ी लगे उधर से करते हैं देखो पहले ऊपर से इधर से स्टार्ट करते हैं यहाँ क्या देखो एक्स अब आप इसको पढ़ो नहीं पढ़ो एक बार को यहाँ से डायरेक्ट भी पढ़ सकते हो कि एक्स इज़ अव पॉजिटिव इन चीज़ कि x पॉजिटिव होना चाहिए एंड इज़ डिवीज़र ऑफ 18 डिवीज़र ऑफ 18 मीन्स वो नंबर जो 18 को डिवाइड करते हो पॉजिटिव हो और 18 को डिवाइड करने वाले हों तो यहाँ देखो कुछ हैं ऐसे 18 वेटीन कहीं दिख रहा है देखो यहाँ दिख रहा है एटीन एटीन को डिवाइड करने वन से भी एटीन डिवाइड होता है टू से भी होता है दैट मीन्स ये किससे मैच कर रहा है तो यू कैन मैच डायरेक्टली विद दिस ओके हमने पहले वाले का आंसर पूरा नहीं लिखा था तो विल we'll लाइट पी एन आई तो इसमें प्रिंसिपल हम रिपीट हो रहे हैं रिपीट से कोई फर्क नहीं पड़ता सो वन मैच विद डे अब सेकेंड को देख लो तो ये आगे हमने निकाल ही लिया एटीन किससे मैच कर रहा है थर्ड वाले से ठीक है तो विल राइट थर्ड का निकाल लें पहले आंसर वन टू थ्री सिक्स एटीन आर ऑल पॉजिटिव ये सारे पॉजिटिव हैं जो हमारी पहली कंडीशन एंड सब किस को एटीन को डिवाइड कर रहे हैं एंड डिवाइड्स एटीन सो वी से थ्री जो है मैच किससे कर रहा है ए से सो थर्ड मैच विद ए अब देखो फिर सेकेंड यहाँ वाले पढ़ो x इज एन इंटीजर पहली बार एक्स क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए एंड एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन को राइट right में ले जाओगे एक्स स्क्वायर इजकल टू नाइन एक्स की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस थ्री क्योंकि थ्री का स्क्वायर है राइट right? तो यहाँ कहीं थ्री प्लस माइनस थ्री दिख रहा है देखो यस yes, लेफ्ट में ये दिख रहा है दैट मीन्स ये फोर वाला किससे मैच करेगा ये इससे मैच करेगा तो राइट इट डाउन तो हमारे को मिल गया फोर्थ का आंसर एज एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्ल टू ज़ीरो इम्प्लाईज दट एक्स इजिकल टू थ्री प्लस माइनस थ्री वो ये है सो so आंसर क्या होगा फोर्थ मैच विद बी तो मैच करा दो भाई ये भी मैच करेगा तो ऑटोमेटिकली जो लास्ट बच्चा उसका आंसर क्या होगा ये आप बिना ना भी सोल्व करो तो यही आंसर है बट स्टिल सोल्व इट तो ये जीरो है तो देखो एक्स इज एन इंटीजर एक्स क्या है इंटीजर तो जीरो इज एन इंटीजर तो है एंड एक्स प्लस वन इजिकल टू वन मीन एक्स जीरो होगा तभी तो इज बन होगा वन इजल टू वन तो ये तो हैंड्स प्रूफ तो यू राइट एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन तो ये राइट में ले जाते ज़ीरो एक्स इक्वल टू जीरो हो गया सो यू विल राइट कि सेकेंड मैच इज़ विथ सी तो मैच कराते समय एक रूल याद रखना वो मैथ्स में हो साइंस में हो किसी में भी आए ऐसा नहीं लेफ़्ट से राइट right को ही मिलाना है आप राइट right से लेफ्ट को मिलाओ इससे उसको मिलाओ और तीन मिल गए चौथा अपने आप मिल जाएगा ओके वेरी गुड सो वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट

तो एम टी सेट सेट आपको मालूम है एम टी मतलब क्या होता है खाली खाली पेट ना चूहे कूदने लगते हैं खाली रूम है दैट मीनस एम टी है ऐसी सेट्स भी कुछ एम टी होते हैं सेट एम टी कैसे हो सकते हैं सेट के अंदर क्या होते हैं एलिमेंट्स यदि एलिमेंट ही ना हो उसके अंदर मैंबर्स ही ना हो तो क्या हो जाएगा है? वो खाली सेट यस यही होता है एम टी सेट का मतलब चलो एक एग्ज़ाम्पल समझते हैं एक सेट है क्या दिया हुआ है ए इज इसको हमेशा ऐसे ही पढ़ना ऐसे डायरेक्ट

तो द सेट कंटेन्स ऑफ फाइनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें फिक्स नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं एलेवंथ क्लास में वो बच्चे जितने बच्चे एलेवन क्लास में पढ़ते हैं वो बच्चे हैं इस सेट का मतलब दैट मीन्स देर अ फाइनेट नंबर पर यदि मैं ऐसे बोलूँ इस सेंटेंस को थोड़ा चेंज करके सेट को कि एक बी एक सेट है इज इक्वल टू एक्स दैट एक्स इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लास टेंथ एंड एलेवेंथ मीन्स वो स्टूडेंट जो कि टेंथ में ही पढ़ रहा है और एलेवंथ में पढ़ रहा है ऐसा कोई स्टूडेंट हो सकता है नहीं हो सकता है दस सेट बी कंटेंस नो एलिमेंट एलो मैं कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं हो सकता स्कूल में जो एक ही साथ टेंथ में ही पढ़ रहा हो इलेवेंथ में पढ़ रहा हो किसी एक ही क्लास में पढ़ रहा होगा दोनों में नहीं पढ़ सकता देट मीन्स इस इस जो डेफिनेशन के हिसाब से बी के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है मीन्स कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है स्कूल के अंदर जो कि एक साथ टेंथ में ही पढ़ रहा हो अलेवेंथ में पढ़ रहा हो दो स्टूडेंट हो सकते हैं वो एक टेंथ में पढ़ रहा हो एक इलेवेंथ में पर एक स्टूडेंट नहीं हो सकता जो एक दोनों क्लास में एक साथ पढ़ रहा हो राइट तो ऐसा एलिमेंट ऐसे जो सेट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम एम टी सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो खाली हो क्योंकि सेट के लिए एलिमेंट जरूरी है ये मान लो आपका कमरा है बी से इट इज एम टी खाली है बिल्कुल बहुत बार एक वर्ड यूज होता है वाइड वाइड क्रिएट हो गया है वाइड मीन्स खालीपन क्रिएट हो गया है या बहुत बहुत बार वर्ड यूज़ करोगे दीज आर डिफरेंट इंग्लिश वर्ड्स हाँ एम टी खाली वाइडनेस वाइडनेस क्रिएट हो गया खाली क्रिएट हो गया जिंदगी में खालीपन आ गया वाइडनेस आ गया गईड तो सच टाइप ऑफ सेट्स यदि इसकी डेफिनेशन पूछोगे कम्प्लीटली वाइड का मतलब होता है वाइड स्पेसिस अराउंड सराउंडिंग द टैंक जैसे टैंक में पानी भरो ऊपर जो हिस्सा खाली रह जाता है ना उसको बोलते हैं वाइड एमटीनेस और खाली है ऊपर का हिस्सा खाली है जो नीचे पानी भरा हुआ वो पानी भरा हुआ है ठीक है तो एक डेफिनेशन हमारी आ गई क्या डेफिनेशन हुई a सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एनी एलिमेंट इस कॉल empty set सेट या उसको बहुत बार बहुत बोलते हैं नल नल मतलब भी क्या होता है खाली आपने आई थिंक फिजिक्स में आप पढ़ोगे या पढ़ा होगा आपने टेंथ में या एलेवंथ में पढ़ोगे नल सेट या नल वैल्यू नल वैल्यू में जहाँ पे वैल्यू आपकी जीरो आ जाए तो एम बोलो या नल सेट बोलो या क्या बोलेंगे द वाइट सेट तो जब हम एम सेट का तीन तरह के नाम होंगे वाइट नल या एम कुछ भी बोलो सिंपल मतलब यही है उसकी डेफिनेशन ये बोलेंगे अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, उसका कोई मेंबर नहीं होता है खाली होता है ठीक है और जब खाली सेट है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल यू विल राइट दिस वे ऐसे जीरो पे ऐसे करके कट कर देते हैं इसको क्या बोलते हैं फाइ ऐसे जीरो कट कर दिया जीरो बनाया ऊपर से कट कर दिया कि मीन्स कोई एलिमेंट नहीं है या और एक और आसान तरीका क्या हुआ दो ब्रेसेस लो क्या बनाए दो ब्रेसेस बनाए और उनके बीच में कुछ नहीं लिखा खाली ब्रेसेस हैं दो तो ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं है सो इट रिप्रेजेंट वाट इज दिस कॉल एन एम टी सेट आप ऐसे लिखो फाइव फॉर्म में या ऐसे लिखो इसका मतलब ही है इट इज एन एमटी सेट खाली सेट है ये बिल्कुल इसका एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो लेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वन लेस देन टू वन से बड़ा हो टू से छुटाओ और एक्स क्या एक और कंडीशन है एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर तो कोई ऐसा नंबर है नेचुरल नंबर जो वन से बड़ा हो और टू से छोटा हो फैक्ट वो रैशनल नंबर तो हो सकता है पर नेचुरल नहीं हो सकता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव तो वन और टू के बीच में और कोई नेचुरल नंबर नहीं है तो दैट मीन्स जब हमने ऐसा लिख दिया एक सेट तो वो क्या सेट है एम टी सेट है एक और एग्जाम्पल लेते हैं बी इज ईक्ल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस टू इज़ इक्ल टू जीरो आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो एक्स की वैल्यू निकालोगे हो क्या होगा प्लस माइनस रूट टू पर यह क्या बोल रहा है कि एक्स इज अ रैशनल नंबर और प्लस माइनस रूट टू क्या हुआ इरेशनल नंबर एक तरफ तो बोल रहा है वो एक्स है वो इसको सेटिस्फाई करेगा और दूसरी तरफ बोल रहा है वो रैशनल नंबर ऐसा रैशनल नंबर कोई हो ही नहीं सकता है वो तो इरेशनल ही हो सकता है जो इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे मीन इस पार्ट को सेटिस्फाई करे वो एक्स जो इसको सेटिस्फाई करे वो इसको, इसको ऐसा हो ही नहीं सकता है. दोनों कंडीशन को कोई सेट नहीं दैट मीन्स इस सेट का मतलब ही क्या होगा इज एन एम सेट एक और एग्जाम्पल लेते हैं सी इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ईवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन टू प्राइम नंबर्स में तो टू ही एक प्राइम नंबर होता है जो ईवन होता है अदरवाइज टू के बाद क्या होता है थ्री फाइव सेवन नाइन दैट मीन्स सब क्या होते हैं प्राइम नंबर्स होते हैं कोई भी पर उसमें ईवन नहीं होता है तो इसका मतलब क्या हुआ हम उन प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं जो कि टू से बड़े हों बट वो ईवन भी हो ऐसा कोई होता ही नहीं है दैट मीन्स सी इज अ एम टी सेट लेट्स एक वन मोर एग्जाम्पल डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर इज एकवल टू फोर इसके आंसर क्या होंगे एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टू प्लस माइनस टू टू क्या ई वन एक्स इज एन ऑर्ड मीन्स यहाँ से तो हमारा आंसर है प्लस माइनस टू और यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या ऑडनी चाहिए ऐसा हो ही नहीं सकता कभी जब हो नहीं सकता दैट मीन्स डी में कोई एलिमेंट ही नहीं है ऐसा दैट मीन्स डी इज है ना एम टी सेट तो क्लियर हो गया भाई एम टी की डेफिनेशन वेरी गुड लेट्स कम्स टू द सेकेंड टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड फाइनेट एंड इनफाइनेट सेट इनके नाम से क्या समझ में आता है फाइनेट मीन्स कुछ फाइनेट एलिमेंट्स हो एम टी मतलब खाली यहाँ बोल रहे हैं फाइनेट मींस उसके कुछ काउंटेबल हो इनफाइनेट मीन्स जिसमें आप काउंटिंग ना कर पाओ उसके एलिमेंट्स को तो जब भी हम सेट्स की बात कर रहे हैं ना तो बेसिकली इनडायरेक्टली हम टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स एक वो जिसमें कुछ नहीं थे वो एम था यहाँ बोल रहे हैं फिक्स नंबर हो और या इनफाइनइट नंबर्स हो तो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स की काउंटिंग फाइनेइट नंबर में हो तो वो फाइनेट सेट हो जाएगा जिसके इनफाइनइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उसको फाइनेट इनफाइनइट सेट बोलेंगे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू ये सेट है वन टू थ्री फोर फाइव कैन यू काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यस यू कैन काउंट देयर हाउ मेनी फाइव एलिमेंट्स इसको लिखते कैसे हैं फ़ाइव एलिमेंट्स ऐसे लिखो या हम लिख देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ब्रैकेट में ए मीन्स एन इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू फाइव एक और एग्जांपल है जैसे बी इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ ये जो है तो आप एलिमेंट्स काउंट कर सकते हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए सिक्स एलिमेंट्स या मैं लिखूँ एन बी बी इज़ द नेम ऑफ द एलिमेंट हाँ तो एन इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ किस सेट की बात करें बी कितने हैं टोटल इज इक्वल टू सिक्स तो सिक्स एलिमेंट ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूँ मतलब दोनों का एक ही है एक और लेते हैं सी इज इक्वल टू सी इज एन सेट जिस सेट में क्या है मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दुनिया में जितने भी आदमी हैं दुनिया में पूरी दुनिया में वर्ल्ड के अंदर जितने भी आदमी हैं उसको हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इट इज़ फाइन कैन यू काउंट यस यू कैन काउंट तो एक्स नंबर ऑफ मान लो एल एलिमेंट्स हैं इसके फिक्स नंबर हैं काउंट कर सकते हैं हम दुनिया में कितने आदमी हैं राइट या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन ब्रैकेट में सी सी क्या है ये एलिट ये सेट की बात करें किस सेट की सी की तो नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर द सेट सी इज इक्वल टू एक्स क्योंकि हम एक्स बोल रहे हैं और एक्स क्या है काउंटेबल है तो इन सारे सेट्स में देखें तीनों के अंदर वी कैन काउंट द नंबर्स तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फिक्स काउंटेबल है तो तो इनको हम क्या बोलते हैं इस टाइप के सेट्स को ए बी सी को भी बोलते हैं फाइनेट सेट्स अब ये एक एग्जाम्पल लेते हैं कंसिडर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कैसा सेट है नेचुरल नंबर्स का सेट है कोई हमने नंबर डिफाइन किया एलिमेंट्स नहीं द इन्फाइन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है क्योंकि इन्फिनिट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं यदि मैं नंबर लिखूंगा नंबर ऑफ एस एस के सेट से डिफाइंड कर रहे हैं सपोज हमने बोला इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्योंकि इन्फाइनट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स तो इस तरीके के सेट को क्या बोलते हैं इनफाइनेट सेट तो हम डेफिनेशन बना सकते हैं अ सेट विच इज़ एम खाली हो या कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनेट सेट तो फाइनेट सेट के अंदर खाली भी होगा खाली है मैं समय मालूम है खाली है वी कैन काउंट इट्स खाली या तो वन होगा या टू होगा या थ्री होगा या काउंटेबल होगा तो कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ़ एलिमेंट उसको फाइनेट सेट बोलते हैं अदरवाइज वी कॉल द सेट इज़ इनफाइनट जिसके नंबर्स ऑफ एलिमेंट को अब काउंट ही ना करना जिंदगी लग जाएगी करते जाओ काउंट करते रहो खत्म हो जाएगी जिंदगी क्लियर हो गया बहुत सिंपल है इसका एग्ज़ाम अब एग्जाम्पल लेते हैं देखो आप अपने आप ही समझोगे लेट W बी द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक एक सेट है W जिसका नाम है W और उसके अंदर क्या है सेट ऑफ डेज ऑफ वीक एक वीक में कितने दिन होते हैं सेवन

नंबर ऑफ पॉइंट्स जितने भी हैं उनका सेट है तो आप एक लाइन पे पॉइंट काउंट करते जाओ तो पागल हो जाओगे दैट मीन्स द जी इज़ अ इंफाइनेट टाइप ऑफ अ सेट जैसे एग्जांपल ले वन टू थ्री उसके बाद डैश 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 दैट मीन डैश 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 मीन इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इट इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स वन टू थ्री नेचुरल हैं पर ये नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है इज एन इन्फाइनइट सेट सेम वे में वन थ्री फाइव सेवन ये ऑड नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स हैं डॉट 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 मतलब क्या हुआ तक है तक हैं दैट मीन्स अगेन है इन्फाइनिट सेट यदि ऐसे लिखूँ डॉट 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 मीनस लेफ्ट साइड में भी इन्फिनिटी है माइनस थ्री टू जीरो वन दैट मीन्स इंटीजर है इज़ अ सेट ऑफ इंटीजर्स सो इसे क्या समझे यदि लेफ्ट में ब्रैकेट्स में ब्रेसेस के बीच में इस टाइप से लिखे हैं विद डॉट डॉट या हम राइट right साइड में जो ऐसे लिखा है कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सेट ऑफ आर्ट नंबर सेट ऑफ इंटीजर्स सो बेसिकली ऑल दीज आर वाट दीज आर ऑल इन्फाइनिट सेट्स इसका मतलब ये होता है क्योंकि इनमें इनफाइनइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है क्लियर है यदि ये क्लियर है तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल थोड़ा चेक कर लें आपको कितना आया सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर सिक्स स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनेट और इनफाइनइट सेट फर्स्ट वन को देखें द सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एन मीन्स नेचुरल नंबर है एंड एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो कहने का मतलब कि आपको ये जो सेट दिया हुआ है पहले तो x का वेरिएबल जो है उसमें x है x जो है वो नेचुरल नंबर है बिलोंग्स टू मीस नेचुरल नंबर है और वो सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो यदि आप किसी में भी देखें सब क्या है सारे के सारे x जो है उसमें वेरिएबल है x जो है नेचुरल नंबर है सब अंदर एंड देर इज अट सेकंड कंडीशन जो दी हुई है उसको सेटिस्फाई कर रहा है सो लेट्स सी द फर्स्ट वन कैसे लिखेंगे तो फर्स्ट वन क्या है नेचुरल नंबर है x माइनस वन और x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो सो इको इक्वेशन इसकी दो रूट्स आएंगे x इज इक्वल टू वन और x इज इक्वल टू टू तो सेट क्या बन गया आंसर वन और टू तो इसको मैं ऐसे लिखूं या मैं ऐसे लिखूं इट मीनस द सेम थिंग तो यदि ये ब्रेसेस के बीच में दो एलिमेंट हैं दीज आर फाइनेट एलिमेंट तो वी से इट इज अ फाइनेट सेट क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल ओके नेक्स्ट वन नेचुरल है एक्स स्क्वायर इज इक्ल टू फोर तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर है तो एक्स की वैल्यू तो तो क्या, so तो क्या है प्लस माइनस टू दो वैल्यू होगी और ये एक्स क्या है नेचुरल नंबर तो मीन्स नेगेटिव नहीं होगा तो एक्स इज ऑलरे क्या होगा टू सो द गिवन सेट इज़ टू एंड टू मींस अगेन इज अ फाइनेट सेट थर्ड की बात करते हैं एक्स नेचुरल है टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जी तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया वन बाई टू अब मैं इसको सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज नाउ यू आर इन एलेवं क्लास यू कैन डू इट मेंटली आल्सो टो वी आर डूइंग मेंटली तो वन बाई टू वन बाई टू इज़ अ रैशनल नंबर राइट सो इट्स नॉट ए नेचुरल नंबर सो सेट क्या हो गया खाली एम टी एन एम टी सेट भी क्या होता है इज़ अ फाइनेट हमने जाना ही था वेरी गुड थर्ड वन नेचुरल है एक्स इज़ अ प्राइम सो बहुत सारे हो सकते हैं तो एन नंबर ऑफ़ देन हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं क्योंकि इनफाइनेट नंबर ऑफ़ प्राइम नंबर्स हैं नेचुरल है तो मीन्स वो सारे प्राइम नंबर जो नेचुरल हैं तो दे आर इन्फाइनट सो द सेट इज़ इनफाइनेट लास्ट वन एक्स नेचुरल नंबर है एक्स इज एन ऑड सो देर आर एक्स इज एन ऑड नंबर ऑड नेचुरल नंबर तो क्या बीज हमने सीखा था ना इनफाइनइट सेट्स क्योंकि उसमें इनफाइन नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो हैंस वील राइट हैं गिवन सेट इज अ इनफाइनइट सेट क्लियर वेरी गुड नाउ द थर्ड टाइप ऑफ सेट्स आर कॉल इक्वल सेट्स इक्वल का मतलब आपको मालूम है इक्वल मीन्स बराबर मीन्स एवरीथिंग दो चीज़ें बराबर हैं मीन्स एवरीथिंग इज सेम सो यदि सेट्स की यदि हम बात करें लेट्स से देर आर टू सेट्स ए एंड बी दो सेट्स आपको दिए हुए हैं सो वी कैन से दैट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी ए के सारे एलिमेंट बी में भी हों और सेम वे में इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए तो सच टाइप ऑफ सेट ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट तो हम बोलेंगे दोनों के दोनों सेट हमारे इक्वल हैं या दूसरे तरीके से बोले दू टू सेट्स हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट बिल्कुल एक जैसे एलिमेंट्स हैं तो सेट्स क्या हुए इक्वल सेट्स तो इसकी डेफिनेशन यदि हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं द टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट ए इज इक्वल टू बी ए इज वन सेट अनदर सेट दोनों बराबर हैं इज इक्वल टू का साइन लगा दिया एम इफ दे आर नॉट इक्वल तो वी विल से दे आर नॉट इक्वल और अन एकवल का साइन लगाते हैं तो मक्वल को कट कर दिया यहाँ तक क्लियर सो लेट सेक एन एग्जाम्पल कि एक सेट है ए वन टू थ्री फोर उसके ये एलिमेंट है बी इज अ सेट उसके एलिमेंट है थ्री वन फोर टू क्या ये दोनों इक्वल हैं यस दे आर एग्जैक्टली इक्वल क्योंकि इसमें भी देखो वन है इसमें भी वन है टू है टू है थ्री है थ्री है, 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 है फोर है फोर है द ऑनली डिफरेंस इज कि लिखते समय इसको हमने सीरीज वन टू थ्री फोर्स में तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया इसको हमने रैंडम फॉर्म में लिख दिया आगे पीछे उल्टा सीधा बट हमने क्या सीखा था किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स का वे ऑफ राइटिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट परिवार में कितने लोग हैं वो इम्पॉर्टेंट है कौन छोटा है बड़ा है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है इन इन टर्म्स वैन यू आर काउंटिंग यू आर कि दिस इज अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ सो मैनी पीपल क्लियर सो ए और बी क्या हो गया इक्वल सेट तो हम कैसे लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी एक और एग्जांपल लेते हैं लेट ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन सिक्स ए कौन सा सेट है वो प्राइम नंबर जो कि सिक्स से कम है एंड पी द सेट ऑफ प्राइम प्राइम फैक्टर ऑफ थर्टी जो पी सेट है वो है प्राइम फैक्टर ऑफ थर्टी तो निकाल लो सेट ऑफ प्राइम प्राइम नंबर्स लेस देन सिक्स क्या होते हैं टू थ्री तो होंगे टू थ्री फाइव तीन ही होंगे इससे ज़्यादा नहीं सेवन होगा तो वो तो सिक्स से बड़ा हो गया सो टू थ्री फाइव आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए यदि पी के इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो थर्टी के एच सी एफ निकालो सो यू विल फाइंड इट इज़ टू थ्री फाइव सो क्या हुआ ये दोनों सेट्स ये तो सेंटेंस में हमने लिखा हुआ है तो वी कैन से द सेट ए इज इक्वल टू सेट पी ये हम बोल सकते हैं तो बोथ द सेट्स आर एग्जैक्टली सेम हम ऐसे बोलें या ऐसे बोलें दोनों का मतलब सेम ही है सो लेट्स सेकेंड एग्जाम्पल दिस इज एग्ज़ाम्पल नंबर सेवन फाइंड द पेयर ऑफ इक्ल सेट इफ़ एनी गिवन रीजन ए इज ईक्ल टू जीरो बी इज ईक्ल टू दिस सी इज ईक्ल टू दिस डी नी सी आपको ए बी सी डी चार डिफरेंट सेट्स दिए हुए एंड वट वी हैव टू फाइंड वी हैव टू फाइंड पेयर ऑफ इक्वल सेट्स कौन किसके बराबर है यही निकालना है सो so, इसको कैसे लिखेंगे बहुत सिंपल तरीके से ए इज इक्ल टू जीरो ये तो हमें मालूम ही है ये तो दिया ही हुआ है इसमें कुछ करना है ही नहीं है दूसरे में देखो इसको हमको टेबलर फॉर्म में लिखना है सो बी क्या है एक्स बी इज़ इक्ल टू एक्स सज देट एक्स इज़ ग्रेटर देन फिफ्टीन एंड एक्स इज़ लेस देन फाइव अब मैं ऐसे पढ़ूँ या तो अब आप क्योंकि सीख चुके हो तो आपको पता है कैसे पढ़ना है आप कैसे पढ़ना है एक्स का वेरिएबल है एक्स जो है फ़िफ्टीन से बड़ा होगा और फाइव से छोटा होगा तो कौन कौन से नंबर्स होंगे यू कैन फाइंड आउट बी तो बी का क्या होगा एम टी कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो फाइव से तो छोटा हो और फिफ्टीन से बड़ा हो कोई हो ही नहीं सकता ऐसा नंबर तो इट इज एन एम टी सेट तो बी क्या हो गया एम टी सी एक्स माइनस फाइव इजल टू जीरो एक्स इजल टू क्या हो गया फाइव तो हमारा सी एलिमेंट आ गया दिस फाइव तो दिस सी इज अ सेट यहाँ देखो एक्स स्क्टी फाइव तो एक्स इजल टू क्या होगा प्लस माइनस फाइव तो वी कैन राइट डी के एलिमेंट क्या होंगे फाइव कॉमा माइनस फाइव ई के देखो एक्स इज एन इंट्रीगल पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन दिस तो इसकी इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो इसके आप रूट्स निकालो और वो भी क्या बोल रहा है इंट्रीगल पॉजिटिव रूट्स नेगेटिव रूट्स की बात नहीं कर रहा है यदि कोई नेगेटिव आ गई तो सो लेट्स फाइंड आउट तो हमने निकाले ई e की रूट्स आए माइनस थ्री एंड फाइव बट बोल रहा है पॉजिटिव तो नेगेटिव वाला नहीं रहेगा तो so, ई e क्या हो गया ई इज इक्वल टू ऑनली फाइव नाव ए बी सी डी आपने सबको क्या लिख लिया ए की फॉर्म में लिख लिया विच इज़ टेबुलर फॉर्म अब आप मैच करा लो हमको इक्वल पता लगाने थे देखो ए किससे मैच कर रहा है बी से है सी से है डी से किसी से नहीं मैच कर रहा है तो वी कैन राइट ए इज नॉट इक्वल टू बी ए इज़ नॉट इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू डी और नॉट इक्वल टू ई तो यू हैव टू राइट दिस वे बी को देख लो बी सी डी इधर किसी से ये भी किसी से मैच नहीं कर रहा है तो वी कैन राइट बी इज आल नॉट इक्वल टू एनी अदर रिमेनिंग सेट्स अब सी को देख लो c ये फाइव है ये फाइव माइनस फाइव है c e के बराबर है देखो ये फाइव है ये फाइव है तो वी विल राइट c इज ईक्ल टू ई अब d बचा है बचा दो इन दोनों को चेक करो तो वील we'll से d इज़ नॉट इक्वल टू ई सो दिस वे यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम तो कितना सिंपल है जो भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है उसको टेबलर फॉर्म में कर लो एंड देन इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू सी कि वेदर सेट्स आर इक्वल इन फाइनाइट और वट एवर वी हैव लर्न अब तक आप आंसर इजीली दे सकते हो So in the end, we will write this way. Thus, the only pair of equal sets is C and E. बस ये ही दोनों ही match करते हैं और कोई match नहीं करता है. Clear? Let's take one more example. This is example number eight. Which of the following pair of sets are equal? Justify your answer. तो ये जो दो question दिए हैं, इनमें दो-दो set दिए हुए हैं. वो दोनों set equal हैं कि नहीं हैं? ये हमें पता लगाना है. और यदि ये इक्वल है तो वी हैव टू गिव द जस्टिफिकेशन और द रीज़न कि वाई वी आर सेइंग दे आर इक्वल क्लियर ओके लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन एक्स एक सेट है द सेट ऑफ लेटर्स इन अलॉय अलॉय के अंदर जितने लेटर्स हैं या अल्फ़ाबेट हैं वो सेट है एक्स तो वी कैन राइट एक्स इज इक्वल टू ए एल एल ओ वाई ऐसे लिख सकते हैं सिमिलरली द बी द सेट ऑफ लेटर इन लॉयल तो बी के एलिमेंट क्या होंगे एल ओ वाई ए एल सब में कॉमा लगा दिया क्योंकि इन्हीं अल्फ़ाबेट से बना है ये वर्ड राइट right. अब यदि आप मैच कराएं यदि इक्वल सेट्स बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हर एलिमेंट जो ऊपर वाले में है वो दूसरे में होना चाहिए या जो दूसरे में है वो पहले में होने चाहिए तो ए इसमें भी है इसमें भी है एल इसमें भी है देखो इसमें भी है एक सेकेंड एल इसमें भी है इसमें भी है ओ है ओ है वाई है वाई है दैट मीन्स इसमें फाइव एलिमेंट्स हैं इसमें भी फाइव एलिमेंट्स हैं ऑल आर सेम सो वी विल से कि देन एक्स एंड बी आर इक्वल सेट और यदि आप देखें हमको एक चीज़ हमने पढ़ी थी क्या पढ़ी थी हमने पढ़ा था कि जो डुप्लीकेट सेट्स में एलिमेंट होते हैं उनको नॉर्मली नहीं लिखा जाता है तो हमने यहाँ से एक काटा यहाँ से एक काट सकते हैं राइट right? तो एज़ रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इन सेट डू नॉट चेंज अ सेट क्योंकि कोई भी सेट यदि हम बोलेंगे उसमें रिपीटिशन नहीं होना चाहिए और रिपीटिशन जो है उसको हटा देने पर भी सेट सेम ही रहता है दैट मीन्स एक्स इक्वल टू यदि एल हटा दिया तो क्या बचा? ए एल ओ वाई कि इन अल्फ़ाबेट से वो सेट बना है एक्स तो आप ए एल ओ वाई को यूज करके यू कैन स्टिल मेक अ वर्ड अलॉय ए एल एल ओ वाई लिख सकते हो आप राइट और सेम में देखो नीचे क्या होगा ओ वाई ए एल दैट मीन्स इज इक्वल टू बी तो दैट मीन्स बोथ ए एंड बी आर इक्वल क्लियर नाउ लेट्स टेक द सेकेंड वन अब इसको भी क्या करना है बेसिकली क्या होता है इक्वल सेट्स के अंदर जो भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है उसको आपको करना है टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कर लो यार इसको तो देखो सेकेंड में क्या हुआ है एन तो एन जो है जेड मीन्स जेड मतलब क्या होता है इज इंटीज़र तो एन इज़ एन इंटीज़र और एन ऑल्सो सेटिसफाइड दिस इक्वेशन क्या है एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फोर तो आप एन की डिफरेंट वैल्यू डाल के देखते हो इंटीज़र मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों यदि मैं वन माइनस टू रखता हूँ चलो तो माइनस टू रखा टू टू जब फोर तो एन की वैल्यू वैसे आप निकालते तो दो आंसर आते प्लस माइनस टू मीन्स एन की जो वैल्यू है वो माइनस टू से प्लस टू के बीच में है तो माइनस टू से प्लस टू के बीच में और भी इंटीजर्स आएंगे क्या आएंगे माइनस टू से टू के बीच में माइनस वन जीरो और वन ये और आएंगे दैट मीन्स द ए सेट जो हो गया वो ये हो गया वेयर एज बी में देखो ज एक्स इज अ रियल नंबर और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन का आप रूट root, निकालो रूट्स तो वो वैल्यू ऑफ एक्स जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं उन्हीं को तो रूट्स बोलते हैं तो वी कैन से बी इज इक्वल टू हमने जब सॉल्व किया इट इज़ वन कॉमर टू मैं इसमें सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये आप बहुत नाइन्थ टेंथ में बहुत बार सॉल्व कर सको तो यू कैन डू इट पर एग्जाम में आप ऐसे नहीं डायरेक्टली लिख नहीं सकते बी इज इक्वल टू वन टू तो टीचर बोलेगा आपने रटा हुआ है तो इन दैट केस यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड देन यू हैव टू टेल कि बी के जो रूट्स हैं वो ये आए वन एंड टू दैट इज़ वाई जो बी हुआ सेट वो हुआ इन दोनों रूट्स के मिलने से बना जो सेट अब ये दोनों सेट्स को देखो इसमें एलिमेंट्स हैं दो इसमें एलिमेंट्स हैं पाँच माइनस टू माइनस वन जीरो एंड वन एंड टू तो ये दोनों सेट क्या इक्वल हो गए नो तो दीज सेट्स आर नॉट इक्वल दिस मीन्स ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट्स दिस वे यू विल राइट एंड वट एवर आई एम टेलिंग की कि ये इसमें दो एलिमेंट हैं इसमें एफ आई दैट यू हैव टू राइट मैं तो आपको समझा रहा हूँ क्योंकि उसने कहा ना जस्टिफाई योर आंसर तो यू हैव टू गिव दैट जस्टिफिकेशन जो मैं आपको बोल रहा हूँ मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ क्लियर वेरी गुड नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ सेट्स आर कॉल्ड सब सेट्स अब सेट्स हमें मालूम था सबसेट्स क्या होते हैं थोड़ा समझ लेते हैं समझने के लिए ना एक एग्जांपल लेते हैं सपोज ये एक स्कूल है जो ये पूरी बाउंड्री दिखा रहे हैं दिस इजन स्कूल ओके स्कूल के अंदर क्या होती हैं क्लासेस होती हैं सपोज लेट्स टेक वन क्लास सपोज आप ही की क्लास लेते हैं सपोज इधर एलेवेंथ क्लास सो ये एक अलेवेंथ क्लास है ऐसी बहुत सारी क्लास हैं तो स्कूल के अंदर बहुत सारी क्लासेज हो सकती हैं और हर क्लास के अंदर और स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स होंगे तो स्कूल के अंदर सपोज दे आर आर एक्स स्टूडेंट्स और क्लास के अंदर सपोज़ दे आर आर वाई स्टूडेंट तो यदि कोई पूछे आपके स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं तो यू विल से कि द सम ऑफ ऑल स्टूडेंट जितने स्टूडेंट हैं डिफरेंट क्लास में उनको ऐड करते जाएं दैट इज़ इक्वल टू एक्स और यदि पूछे आपके क्लास में कितने हैं यू विल से वाई वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है फिफ्टी सिक्सटी वट एवर इट इज़ राइट ऐसे एक्स की वैल्यू हंड्रेड थाउजेंड टू थाउजेंड कितनी भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा आपका स्कूल है तो मैं यदि मैथमेटिकली यदि हम लिखना चाहें तो कैन वी से दिस वे कि एक्स जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है इन अ स्कूल की इज़ अ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल ऐसे बोल सकते हैं सेम वे में यदि क्लास में वाई स्टूडेंट हैं वी कैन से सो वाई इज़ इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास और यदि ऐसा है तो हमारी जो क्लास है या आपकी जो क्लास है वो स्कूल का पार्ट है तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ वाई कि एवरी स्टूडेंट ऑफ़ वाई इज़ एन एलिमेंट ऑफ एक्स मीन्स इज इज़ ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ एक्स वो स्कूल का भी स्टूडेंट है इसमें कहीं कन्फ्यूज़न नहीं है और यदि ये, ये, ये ट्रू है और ये हैवी ट्रू तो मैथमेटिकली में हम कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे y इज अ सबसेट ऑफ x मीन्स आपकी क्लास स्कूल का पार्ट है स्कूल का पार्ट वर्ड ना यूज़ करके हम क्या यूज़ करें क्योंकि हम सेट पढ़ रहे हैं वी आर यूजिंग अ सबसेट कि वाई मीन्स इलेवेंथ क्लास जो है यदि एक क्लास है जो सेट y स्टूडेंट है y इज़ अ पार्ट ऑफ x या y इज़ अ सबसेट ऑफ x यहाँ तक बोल सकते हैं यदि ये, ये बोल सकते हैं तो इसको इतना लंबा ना लिख के इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है और सबसेट के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं c तो विल we'll राइट y इज़ अ सबसेट ऑफ x तो पढ़ते कैसे हैं जैसे ऊपर लिखा है y इज़ अ सबसेट ऑफ x दैट मींस एवरी एलिमेंट ऑफ y इज एलिमेंट ऑफ x सारे जो बच्चे क्लास के हैं वो स्कूल के भी स्टूडेंट हैं करेक्ट वेरी गुड तो हम एक डेफिनेशन बना लेते हैं इससे तो डेफिनेशन विल बी लाइक दिस अ सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ बी कोई एक सेट जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ क्या बोल रहा है कि ए सेट जो है वो सबसेट है किसका सेट बी का तो हमने क्या सीखा था हम यहां पे एक्स वाई की जगह हमने क्या यूज कर लिया ए बी कर सकते हैं क्योंकि नाउ वी आर मेकिंग इट इज जनरेट डेफिनेशन बना रहे हैं तो एक सेट ए है वो सबसेट है बी का दैट मीन्स द एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी हम बोल सकते हैं ये वही तो है जैसे कि सारे बच्चे जो इलेवेंथ क्लास के हैं वो स्कूल के भी स्टूडेंट हैं यही चीज मतलब हो रहा है दैट इज वट वी हैव लर्न और इस चीज को मैथमेटिकली मैं लिखूं तो हमने क्या सीखा कि ए जो है वो बी का सबसेट है तो सिंपली वी विल रहे ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं बट वी वी ऑल्सो वॉन्ट टू राइट कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी इसको भी मैथमेटिकली लिख दो तो कैसे लिखते हैं हम ऐसे लिखते हैं इफ़ वैन एवर एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए एक ए जो है स्मॉल ए इज एन एलिमेंट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एवरी एलिमेंट को मान लो ए से हमने डिनोट कर दिया यदि कोई एलिमेंट ए का वो ए को बिलोंग करता है दैट मीन्स ए जो है वो ए का एलिमेंट है इसका मतलब क्या हुआ देन ए आल्सो बिलोंग्स टू बी हम ये बोल सकते हैं यही तो लिखा है एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी यदि कोई भी एलिमेंट जैसे इस केस में हमने ए ले लिया और हमने क्या बताया था सेट्स में कि एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है तो हमने कोई भी एक जेनरिक ले लिया तो ए हमारा सेट है एलिमेंट को हमने जेनरिक ए बोला यदि ए एलिमेंट जो है वो ए सेट को बिलोंग करता है तो ये एलिमेंट बी को भी बिलोंग करेगा ऐसे लिखे इसको और शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं वी कैन राइट दिस वे ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी इफ वैन अगर हटा दो इफ ए बिलोंग्स टू ए ए क्या है एलिमेंट ये एक एलिमेंट जो है ए जिसका नाम है वो यदि ए को बिलोंग करता है देन देन को भी हटा देते हैं वी राइट दिस वे इम्प्लाइज Implies that दैट also बिलोंग्स टू बी तो देखो कितना और छोटा लिख दिया सेम चीज़ को हमने छोटा लिखा है तो वैन then ये हटा के बाद ऐसे ले ए हड़ेंगे दोबारा दुबार, पढ़ देते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू बी कि वो बी को भी बिलोंग करता है दोबारा पढ़ लें ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू ज आल्सो बिलोंग्स टू बी तो ये जो डेफिनेशन लिखी है उसको हमने पहले छोटा किया उसको और छोटा किया मैथमेटिक्स में नॉर्मली इंग्लिश कम बोलनी पड़ती है लिखना ज़्यादा पड़ता है राइट right? तो आप ऐसे लिखो या एस टाइप से लिखो एवरी इज सेम चलो तो ऐस, दूसरी तरीके से ऐसे लिख सकते हैं इफ़ ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी यदि ए बी का सबसेट नहीं है तो इसका मतलब क्या हो रहा है वी विल राइट ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी तो ये जो सी है उसको ऐसे कट कर देते हैं जैसे इक्वल टू में नॉट इक्वल टू हो जाता है ऐसे कट कर दिया मीन्स नॉट जैसे यहाँ लिखा वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स तो क्या मैं लिखूँ उल्टा लिख सकता हूँ कि एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई मीन्स जो क्लास है वो तो स्कूल का पार्ट है तो पर मैं उल्टा नहीं बोल सकते स्कूल क्लास का पार्ट है ये नहीं हो सकता ना दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग तो विल राइट एक्स इज नॉट सबसेट ऑफ वाई वेयर एज वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स क्लास तो स्कूल का पार्ट है पर स्कूल क्लास का पार्ट नहीं है ठीक है क्योंकि स्कूल एक बड़ी चीज हो गई सेम वे में यदि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए यदि ऐसी कंडीशन दे आ जाए कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी ए जो है बी का सबसेट है और हम बोले बी जो है ए का सबसेट है क्या ऐसा हो सकता है यस yes, हो सकता है कब इसका मतलब ये होता है इट्स इट दिस विल हैपन कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है इफ एंड ओनली इफ ये जो लिखा है ना इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी यदि ए बी के बराबर है मीन्स दोनों एक दूसरे के बराबर है पूरक बोलते हैं ना यदि पूरक है समझ में आया कि नहीं आया कि ए जो है बी के वजह से मैं एक सिंपल जेनरिक चीज है थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है इससे कि राम कुमार जो है श्याम कुमार का भाई है और श्याम कुमार राम कुमार का भाई है दैट मीन्स मतलब क्या हुआ उसका दोनों एक दूसरे के भाई हैं इसका मतलब क्या हो रहा है उनके मम्मी पापा सेम है मतलब यही हो रहा है तो बस वही चीज़ है समझ लो कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए इसका मतलब है इट दैट ए इज इफ इफ एंड ओनली यही ये कंडीशन सेटिफा कि ए और बी दोनों बराबर हैं दोनों एग्जैक्टली exactly सेम है डुप्लीकेट हैं दूसरे के है. तो इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ ये कंडीशन तभी ये जो लेफ्ट साइड है तभी ट्रू होगी जब ये राइट साइड की कंडीशन ट्रू होगी इसको इफ एंड ओनली इफ को ना थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में हम बहुत बार बोल देते हैं इफ आई एफ एफ मतलब दो बार इफ हो गया इफ एंड ओनली इफ कि ये कंडीशन ट्रू तभी है जब ए और बी दोनों बराबर हैं कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी और इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ ए इज अ सबसेट ऑफ ए मीन्स हर सेट एवरी सेट इज सबसेट ऑफ स्टेल इस केस में ए है तो वी कैन से इज अ सबसेट ऑफ स्टेल अभी यदि हर सेट अपने का खुद का सबसेट है तो इसका कैसे समझें एक एग्जांपल लेते हैं तब आपको अच्छा समझ में आएगा इफ़ आई से देर इज़ अ सेट ए उसके एलिमेंट है से वन टू थ्री ये उसके एलिमेंट है सो दिस इज़ अ सेट उसका नाम है ए अब मैं आपसे बोलता हूँ प्लीज़ राइट ऑल सबसेट ऑफ ए सारे सबसेट लिखो ए के तो आप यदि सबसेट लिखने को जैसे ही आप लोगे तो आपको मालूम है कि हर सेट खुद का ही सबसेट होता है यही तो अभी हमने पढ़ा तो हम लिखेंगे कि वन टू थ्री एन बेसिस के अंदर मीन्स दिस सेट इज सबसेट ऑफ ए पहला और भी कुछ सबसेट होंगे यस yes, बहुत सारे सेट्स होंगे तो so, देखो इन एलिमेंट को यूज करते हुए वन टू थ्री को यूज करते हुए वी कैन मेक नंबर ऑफ सेट्स कौन कौन से सेट्स होंगे वन बना के एक एलिमेंट लेके बना दें सिंगल एलिमेंट्स लेके सो वी हैव थ्री सेट्स यदि मैं दो दो एलिमेंट ले लूँ तो कौन से one, two ले सकता हूँ वन टू ले सकता हूँ वन थ्री ले सकता हूँ या टू थ्री ले सकता हूँ तो मीन्स वो मैंने सेट बनाया जिसमें ऊपर वाले गिवन सेट्स के एलिमेंट्स लिए कोई भी दो एलिमेंट तो मीन्स दो दो एलिमेंट के सेट बना दिए तो ये सारे क्या हुए ए के सबसेट ही हुए कि मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट्स आर इन ए है कि नहीं वेरी गुड एक चीज़ और पढ़ी थी हमने हमने पढ़ी थी कि हर सेट का ऐसा कोई खाली ब्रेसेस वाला क्या बोलते हैं इसको एम टी सेट यू आर राइट एम टी सेट को हम फाइव से भी शो करते हैं तो एम टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट वी कैन से दैट हमने बोला था ना एम टी सेट जो होता है हर सेट का पार्ट होता है वो पार्ट वर्ड ने यूज़ करके वी कैन यूज़ द वर्ड सबसेट तो इस तरीके से ए सेट के यदि कोई सबसेट लिखने को बोलेगा तो हाउ मेनी वी हैव क्रिएटेड इसमें एलिमेंट कितने वन टू थ्री तो वी हैव क्रिएटेड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट दैट मीन्स एट इसके क्या हो गए सबसेट्स हो गए थ्री एलिमेंट है टू की पावर थ्री टू टू द फोर फोर टू द एट मीन्स टू की पावर में होते हैं सबसेट्स सिंपल फॉर्म में ऐसे बोला जाता है जितने एलिमेंट्स उसकी पावर टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स That is the number of subsets you can generate if a subset a set is given. Clear? Okay, इसको और जो हमने इस, वो सेट्स जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट है उनको एक और नाम भी देते हैं उसको बोलते हैं सिंगल टन सेट जैसे खाली का नाम दे दिया एम सिंगल वाले का दे दिया सिंगल टन सेट ये भी एक कभी कोई पूछ लेता है तो याद रहे वैसे कोई खास रिलीवेंस नहीं है बट स्टिल क्वेश्चन कैन कम ना कुछ सेंटेंसेज लेते हैं जिससे आप और अच्छे से समझोगे

Q is a subset of R. ये लिख सकते हैं. This is true also. Very good. Same way में if we say if A is a set of all divisors of 56 and B the set of all prime divisors of 56 क्या A और B में कोई relation है? कौन किसका subset है? तो पहले इसको simple form में लिखें. A is a set of all divisor of 56. कौन-कौन से number हैं जो divide करते हैं 56 का? तो we can say 56 सिक्स इज़ डिविज 1, वन डिविज 2, टू डिज 7, 14, 28 ट्वेंटी एंड 56. सिक्स मीन्स इसका एस निकालो तो उसमें प्राइम फैक्टर्स के अलावा भी और एक दूसरे को मल्टीप्लाई करो बेसिकली आएगा 1, 2, 7 आया, फिर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 7 टू 14 फोरटीन फिर 14 को 2 सेवन आएगा फोटी टू 28 ट्वेंटी को 2 सेम ट्वेंटी एट टू जैर तो इस तरीके से हमने ऑल डिविजन लिखे वो नंबर्स जिनसे फिफ्टी डिवाइड होता है दिस इज़ वॉट इज सेट ए नाउ द सेट ऑफ ऑल प्राइम डिवीजर्स प्राइम डिवीजर्स यदि निकालोगे तो एस सी एम निकालो या एल सी एम निकालो एक ही मतलब है सिंगल का तो क्या कहेंगे टू 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 सेवन इन टू वन या बोले जाए टू सेवन वन तीन ही होंगे एलिमेंट्स सो दिस वे विल से इसमें कितने एलिमेंट हैं टू तो बी इज़ द सबसेट ऑफ ए क्योंकि देखो इसमें टू भी है इसमें सेवन भी है और इसमें यहाँ वन है तो इसमें वन भी है तो ए सेट के अंदर बी सेट के सारे एलिमेंट आते हैं तो इस केस में हमने आंसर के लिखा b इज सबसेट ऑफ a क्लियर तो वी विल राइट b c ऐसे करके सबसेट ऑफ a लिख दिया एक और एग्जांपल इससे आपको और क्लियर होगा लेट a इज a इज इक्वल टू दिस एक उसके एलिमेंट कितने है? 1 3 एंड 5 वेयर एज b क्या दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको पहले आपको क्या करना होगा टेबुलर फॉर्म में लाना होगा क्या है एलिमेंट एलिमेंट है इसके x

और यदि ये एक दूसरे के सबसेट हैं वी कैन से ए इज़ इक्वल टू बी क्योंकि ये दोनों बिल्कुल ही सेम है तो इक्वल टू इक्वल बोलते हैं ना सेट्स तो बोथ ए एंड बी आर इक्वल सेट और एक दूसरे के सबसेट्स भी हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं देखो ए इज़ इक्वल टू दिस बी इज इक्वल टू दिस अब देखो ए इन दोनों के बारे में बताओ देखो ए तो इधर ए है इधर बी नहीं है इधर पर बी है इधर सी है इधर सी नहीं है इधर डी दैट मीन्स ये दोनों के दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं हैं तो वी विल राइट ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी या बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए सिंपल फॉर्म में लिखेंगे क्या लिख सकते हैं हम इनको ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी और ऐसे लिखो बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए नॉट सबसेट में हमेशा काट देना नॉट इक्वल टू काटते हैं ऐसे ही कट कर देना स्ट्रेट लाइन से लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं ए इज इक्वल टू दिस बी इज इक्वल टू दिस अब बताओ ए के देखो वन टू थ्री है इसमें वन टू थ्री सारे हैं तो क्या होगा कौन किसका सबसेट है ए इज सबसेट ऑफ बी यस यू आर राइट

सेम वे में सेट्स में भी ऐसे होता है कि ए तो सबसेट है बी का तो बी क्या है ए का वी कॉल इट बी इज द सुपर सेट ऑफ ए उसका ऊपर वाला सेट है राइट right? और ऊपर वाला इज कॉल सुपर सेट तो हमने इस स्लाइड में हमने क्या क्या सीखा वर्ड्स वी लर्न सबसेट्स वी लर्न सिंगल सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट है एम सेट प्रोपर सबसेट एंड सुपर सेट्स इतना समझ गए तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल सो दैट यह भी क्लियर हो जाएगा हम सीखे ही नहीं सके सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर नाइन कंसीडर द सेट्स फाइव ए बी सी दैट मीन्स फोर सेट्स आर गिवन एंड वी हैव टू एंसर द सिंबल सबसेट और नॉट अ सबसेट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स पहला है क्वेश्चन दिस दैन सेकेंड थर्ड फोर्थ ओके सो कैसे सॉल्व करेंगे बहुत सिंपल है द फर्स्ट इज फाई और बी के बीच में रिलेशन पता लगाए वेदर ये इसका सबसेट है कि नहीं है एंड वी नो एम टी सेट फाइव इज एन एम टी सेट हर एम टी सेट किसी भी सेट का क्या होता है सबसेट होता है तो वी विल राइट फाइव इज अ सबसेट ऑफ बी बिकॉज़ फाइव इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट क्लियर ओके सेकेंड क्या है ए और बी के बीच में रिलेशन अब ए क्या दिया हुआ देखो वन थ्री बी क्या दिया हुआ वन फाइव नाइन अब वन तो है इसमें पर थ्री नहीं है तो वी विल से ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी राइट क्योंकि थ्री जो है एग में तो बिलोंग करता है बट थ्री डजेंट बिलोंग्स टू बी डजेंट बिलोंग मीन्स ये जो बिलोंग का साइन को कट किया है ये हमने रीज़न भी दे दिया थर्ड लेते हैं थर्ड है ए और सी के बीच में रिलेशन ए है हमारा वन एंड थ्री सी है हमारा वन थ्री फाइव सेवन नाइन तो डेफिनेटली ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी वी कैन राइट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी वाई बिकॉज वन एंड थ्री बिलोंग्स टू एंड आल्सो बिलोंग्स टू सी वन और की जो एलिमेंट है ए के वन और थ्री वो सी में भी है और ए में भी है नाउ दफ लास्ट वन इज पी और सी के बीच में रिलेशन बी क्या है देखो वन फाइव नाइन यहाँ सी क्या है वन फाइव नाइन इसमें भी है तो विल राइट बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी वाई बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सी आप ऐसे लिखो या बिलोंग्स टू का साइन लगा के लिखो मतलब एक ही है ठीक है चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं से दिस इज एग्जाम्पल नंबर टेन ए इज इक्वल टू दिस बी इज इक्वल टू दिस क्वेश्चन है इज ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी क्या ए जो है सबसेट ऑफ बी का है तो बी का सबसेट कैसे हो सकता है देखो ये ए या यू ये तो वावल्स हैं और यहाँ ए बी सी डी डिफरेंट है नो इट इज़ नॉट अ सबसेट इज़ बी अ सबसेट ऑफ ए बी के एलिमेंट ए में हैं नहीं है सारे के सारे सो ना इधर एल राइट ए इज नॉट एस ए हो गया बी ए हो गया ए अब हम अब ऐसे करके काट के देखना है तो मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ ए ए हो गया आपको नॉर्मली क्या होता है ना या तो हम डायरेक्टली सॉल्व करें नॉर्मली आप कैसे लिखोगे ए लिखोगे बी लिखोगे जो जो एलिमेंट कॉमन है लिख लोगे बच्चे हैं दैट मीन्स दे आर नॉट सबसेट सबसे ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी एंड सिमिलरली बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए हैंस वी हैव प्रूव्ड इट लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल दिस इज एग्जाम्पल नंबर इलेवन लेट ए बी सी बी थ्री सेट्स इफ ए बिलोंग्स टू बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी इज़ इट ट्रू दैट ए इज अ सबसेट ऑफ सी इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल सो क्वेश्चन आपको समझ में आया गया होगा और यदि नहीं आया तो लेट्स रीड इट अगेन कि क्या दिया हुआ है लेट ए बी सी आर थ्री सेट्स ए बी सी तीन सेट्स आपको दिए हुए हैं और उनके बीच में रिलेशन दिया हुआ है ए जो है सेट वो बिलोंग्स टू बी को करता है बी जो है सी का सबसेट है अब वो बोल रहा है क्या ए जो है सी का सबसेट है और यदि ऐसा है यदि तो ये ट्रू है देन इट इज़ ओके और इफ़ इफ इज नॉट ट्रू देन वी हैव टू गिव एन एग्जाम्पल अब इसको सॉल्व करने से पहले ना एक चीज़ को आपको समझना होगा ये याद रखना होगा जब हम लिखते हैं ए बिलोंग्स टू बी मीन्स स्मॉल ए बिलोंग्स टू बी मीन्स एलिमेंट ए बिलोंग्स टू बी बी का जो ये ए है वो एलिमेंट है वो बी का पार्ट है और यदि हम ऐसे लिखते हैं कैपिटल ए बिलोंग्स टू बी मीन्स वी आर ऐसे कैपिटल ए में क्या बोलते हैं पूरा सेट द फुल सेट बिलोंग्स टू बी इसका मतलब होता है ये यहाँ पे एलिमेंट है यहाँ पे ये सेट है तो इस चीज़ को ध्यान रखना है और यदि आप इस चीज़ को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को यदि पढ़ोगे देन यू विल से द सल्यूशन टू दिस क्वेश्चन इज कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी दैट मीन्स आंसर इज नो ए इज़ नॉट अ सबसेट यहाँ बोल रहा है क्या एक ए सी का सबसेट है वी एस नो इट इज़ नॉट अ सबसेट क्यों नहीं है एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको लेट से ए जो सेट है उसको हम उसका एक ही एलिमेंट है सपोज वन है तो वी कैन राइट दिस वे अब दिया हुआ है पूरा पूरा सेट जो है वो बिलोंग्स टू बी तो वी कैन राइट बी इज इक्वल टू अ सेट हैविंग एंड टू और जहाँ पे ए क्या है इज दिस क्लियर हो रहा है ना दोबारा देखो ए तो हमारा ये है सेट बी सेट ए बिलोंग्स टू बी तो हमको बी ऐसा ही तो लेना होगा उसमें ए भी हो पूरा पूरा सेट हो क्योंकि हम ये बोल रहे हैं वी आर नॉट से स्मॉल ए बिलोंग्स टू बी वी आर सेंग ए बिलोंग्स टू बी मीन्स पूरा पूरा सेट तो पूरा पूरा सेट ए बिलोंग्स टू ए तो ए की जगह क्या लिखेंगे दो ब्रेसेस में वन दिस वी कैन राइट यहाँ तक क्लियर अब यदि ये केस है तो आप तो इसको देख के सबसेट समझ ही गए हो तो आप बोल सकते हो कि ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी क्यों बिकॉज ए तो बिलोंग्स टू बी करता है एज ए इज इक्वल टू सी बट ए इज़ नॉट सबसेस ऑफ बी बिकॉज ए का एलिमेंट वन जो है बी का एलिमेंट नहीं है पूरा पूरा सेट तो एलिमेंट है पर बी नहीं है एलिमेंट मतलब वन एलिमेंट नहीं है बी का ओके यदि इसको और अच्छे समझना है ना तो बी के यदि खाली मैंने आपको बी को देखो बी को ले लेते हैं इसके मैं बोलता हूँ आप सबसेट लिखो तो यू विल राइट सबसेट फुल सेट ये जो सेट है वो खुद ही है पहला फिर ए सब पहला क्या होगा खाली एलिमेंट फिर वन वन एलिमेंट वन वन एलिमेंट क्या होगा देखो वन आ गया मीन्स ए फिर टू आ गया और टोटल तो हम वन एंड टू ले ही चुके हैं तो टोटल सेट्स कितने हुए यही सबसेट्स सेट्स हो गए इसके अंदर कहीं ए आ रहा है ऐसा वाला सेट दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा है दैट इज़ बाय वी आर ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी ठीक ओके okay. अब हमको लेना है कि ऐसा सेट लेना है बी तो ये है अनदर सेट सी सो दैट बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी तो मीन्स उसके ये एलिमेंट्स बी के एलिमेंट सी में भी आने चाहिए सो विल राइट सी इज इक्वल टू बी के एलिमेंट वन और टू ब्रेसेज में वन सेट ए और टू एक मैं मान लो थ्री लिख देता हूँ तो इस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वी कैन से बी इज़ द सबसेट ऑफ सी राइट बोल सकते हैं ओके अब इसको भी समझने के लिए क्या ना सी के ना सबसेट लिखते हैं चलो सी के सबसेट लिख के वन टू तो, थ्री तो इसके सबसेट क्या होंगे पहला खुद ही सेट होता है हर सेट अपने का खुद का सबसेट फिर क्या होगा सिंगल मित एम टी सेट वहाँ सिंगल एलिमेंट डबल एलिमेंट टू एलिमेंट सब लिखेंगे यही होंगे अब ध्यान से देखो यहाँ पे आपको बी मिल रहा है बी क्या है ये वन एंड टू ब्रेसिस में वन एंड टू यहाँ कहीं दिख रहा है देखो ये रहा ब्रेसिस में वन एंड टू तो वी कैन से बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी यहाँ तो कोई कन्फ्यूज़न है वेरी गुड नाउ सो वी कैन से ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी बोल सकते हैं ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी क्योंकि ए में क्या है वन बिलोंग्स टू ए है बट वन डज़ नॉट बिलोंग्स टू सी सी में वन नहीं है सी में ब्रेसेस के साथ वन है समझ में आया सो द क्वेश्चन जो हमसे पूछा था ए इज़ नॉट सब्स ए इज़ ए सबसेट ऑफ सी वी एस है वन तो बिलोंग करता है ए को पर वन डजेंट बिलोंग्स टू सी सी सेट को बिलोंग नहीं करता है क्लियर चलो यदि ऐसे होता है यदि ये ब्रेसिस नहीं होते तो क्या होता है ऐसे समझ लेते हैं सपोज तीनों सेट लेते हैं ए लेते ए सेट बी सेट हम ऐसे लेते हैं सी सेट ऐसे लेते हैं टू थ्री सेट्स लिए ए बी सी अभी भी तीनों सेट्स हैं बट द ओनली डिफरेंस हेयर इज नाव लुक ए बिलोंग्स टू बी मीन्स वन बिलोंग्स टू ए का एलिमेंट है वन वन बिलोंग्स टू टू बी तो हम यहाँ बोल सकते हैं ना ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी इजीली और बी के एलिमेंट्स क्या हैं वन एंड टू वो सी में भी हैं तो वी कैन तो से बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी और ध्यान से देखो ए इज़ सबसेट ऑफ सी राइट बट यहाँ इसके अंदर ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी ए कैपिटल ए यदि मैं स्मॉल लिखता तो लिख सकता था ए बिलोंग्स टू बी पर मैं कैपिटल लिखा है तो ए पूरा सेट ड बिलोंग्स टू बी क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है जैसे हमने ऊपर लिखा था राइट right? तो यहाँ क्या है कैपिटल ए फुल सेट डजेंट बिलोंग्स टू बी क्लियर कोई बात नहीं है आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा बहुत ही सिंपल था ये नाउ लेट्स मूव टू द सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स क्योंकि रियल नंबर्स को ना बहुत तरीके से आप सबसेट्स बना सकते हो रियल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल नंबर्स राइट तो रियल नंबर हमने पढ़ा था रियल नंबर किससे होते हैं आर से होते हैं एंड रियल नंबर इंक्लूड्स ऑल रैशनल नंबर प्लस इट रैशनल नंबर्स ये हमने एट्थ क्लास में पढ़ा था तो यदि मैं बोलूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स किस को रिप्रेजेंट करते हैं एन से एंड इट इज़ वन टू थ्री फोर फाइव डैश 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 मीन इट अप टू इन्फिनिटी सिमिलरली z लिखेंगे द सेट ऑफ z मीन्स इंटीजर्स माइनस में इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सेट ऑफ रैशनल नंबर्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं q अब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो या यू कैन राइट दिस वे दिस इज द बेटर वे इसको आप पढ़ोगे कैसे यू विल रीड दिस वे q इज इक्वल टू एक्स सच देट एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इन टीज एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो दैट इज वट यू विल रीड एंड दिस इज द राइट वे ऑफ रीडिंग वेरी गुड और यदि हम इेशनल नंबर्स की बात करें उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं टी से तो आप याद रखना इर नंबर्स को सेट्स के फॉर्म में जब भी आप करेंगे टी करेंगे जैसे नेचुरल नंबर्स को मैथमेटिक्स में ऑलवेज एन से करते हैं इंटीजर को जेड से रैशनल को क्यू से तो इर नंबर्स को टी से अब इर नंबर्स को देखो हम कैसे लिखते हैं इर नंबर्स टी से जो रिप्रेजेंट हो रहा है इज इक्वल टू एक्स सच दैट कॉलम का मतलब सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स जो होगा वो रियल नंबर भी होगा एंड एक्स नॉट इक्वल टू क्यू मीन्स इट इज़ इट विल नॉट बी अ रैशनल नंबर रियल नंबर तो होगा क्योंकि इर रैशनल नंबर मिलकर ही रियल नंबर बनता है रैशनल प्लस रियल तो मीन्स इ रैशनल नंबर रियल तो होगा पर रैशनल नहीं होगा यही तो लिखा है ऊपर तो वही चीज़ हमने यहाँ लिख दी इैशनल नंबर्स के यदि एग्जाम्पल लें तो क्या होता है प्राइम नंबर्स के रूट टू रूट्स ले लो रूट टू का रूट रूट थ्री का रूट रूट फाइव का रूट पाई इज़ अ इर नंबर्स ये हमने एथ क्लास में प्रूव भी किए थे तो दीज आर कॉल इर नंबर्स वो नंबर जो क्या होता है इसके यदि आपको सॉल्व करोगे जैसे 1.41 तो ये चलता जाएगा इन्फिनीटी तक और इसमें नंबर्स क्या होते हैं रिपीट भी नहीं होते हैं जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है 22 टू सेवन ये तो अप्रॉसीमेट वैल्यू है पर डिवाइड करोगे यू विल फाइंड इट इज़ 3.14 आगे चलता ही चला जाएगा एंड द नंबर्स विल नॉट रिपीट

या बोलूँ होल नंबर्स भी हैं डब्ल्यू से होल नंबर्स करते थे हैं जीरो वन जीरो ले लेते हैं तो होल नंबर होता है नेचुरल नंबर होता है वन से तो वन टू थ्री फोर फाइव ये आ रहे हैं तो बो ऑटोमेटिकली बोलेंगे नेचुरल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स ये बोल सकते हैं ओके इंटीज़र इज़ अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स सारे इंटीजर्स कोई भी इंटीज़र हो उसके नीचे डिनोमिनेटर तो वन होता ही है पर हम लिखते नहीं है दैट मीन्स क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो राइट डिनोमिनेटर इज़ नॉट जीरो तो इंटीजर जो होते हैं किसके सबसेट होते हैं रैशनल नंबर्स के सबसेट होते हैं पहला रिलेशन ये होता है और क्या होता है यदि रैशनल नंबर की बात करें रैशनल नंबर्स जो होते हैं आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर ये देखो ये रिलेशन तो हमें मालूम है जो सबसे ऊपर से सेंटेंस क्या है रियल नंबर्स सब इज़ सम ऑफ रैशनल नंबर इ रैशनल नंबर दिस रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स सेम वे में हम लिख सकते हैं कि इेशनल नंबर्स इज़ अ सबसेट ऑफ वट रियल नंबर्स राइट ये लिखने के तरीके हो गए प्लस हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं नेचुरल नंबर्स आर नॉट सबसेट ऑफ टी इैशनल नंबर्स का सबसेट नहीं होता है दिस अ नेगेटिव वे ऑफ सेइंग ओके वेरी गुड अब इस जो रियल नंबर जो सबसेट्स जब हम बनाते हैं तो इनके में एक वर्ड आता है इंटरवेल ऑफ अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स और इसको समझने के लिए ना एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं एंड द बेस्ट वे समझने का एक है कि आप स्केल ले लो स्केल में देखो ये नंबर लिखे हैं वन टू थ्री फोर फाइव दीज आर वॉट कॉल ऑल नेचुरल नंबर्स या वी कैन से आर रियल नंबर्स राइट ऊपर की साइड में यदि वन और टू लें तो मैं आपको बोलूँ वन और टू के बीच में डिस्टेंस कितना है यू विल से वन से लेके टू के बीच में क्योंकि टॉप में सेंटीमीटर में है तो वन टू टू के बीच में डिस्टेंस इज हाउ मच टेन सेंटीमीटर और यू विल से टेन मिलीमीटर बोल सकते हो यदि मैं सेम चीज़ नीचे में लेता वन और टू के बीच में डिस्टेंस लेता तो इट इज़ एन इंच यू विल से द डिफरेंस बिटवीन वन एंड टू इज़ वन इंच कह सकते हैं तो दिस इज द डिस्टेंस सेम चीज़ होता है इंटरवल में अब चलो मान लो वन एन टू को एक स्ट्रेट लाइन पे मैं डिनोट करता सपोज मैं ए बी से रिप्रेजेंट करता तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन भी उसमें दो पॉइंट किए मैंने जान पूछ के ना पॉइंट थोड़े बड़े बड़े दिखाए हैं डॉट मैं डॉट से भी दिखा सकता पर इसमें जान पूछ के दिखा रहा हूँ इसका पर्पज़ है सपोज एक पॉइंट है ए ये पॉइंट है बी इनके बीच का यदि मेरे को डिस्टेंस बता लगाना है बीच का डिस्टेंस विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ ब्लू लाइन वी विल से इसको इस तरीके से लिखते हैं दो ब्रेसिस करते हैं दो ब्रैकेट ए कॉमा बी ठीक है यदि मैं इसी चीज़ को यदि मैं इसको डार्क कर देता डार्क करता तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं ब्रैकेट में इस टाइप से लिखता ब्रैकेट में जब मैं इस टाइप से कौन से ब्रैकेट लिखता हूँ देखो ये अब मैंने ब्रैकेट की शेप चेंज कर दी पहले मैंने ये मेरे सिंपल सी टाइप के ब्रैकेट्स थे अब मैंने कौन सा स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर रहा हूँ जब मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब होता है कि ए ये जो डिस्टेंस है मैं ए और बी के डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ बट इट इंक्लूड्स ए इट आल्सो इंक्लूड्स बी यदि यहाँ ऊपर देखें स्केल में वन और टू के बीच में डिस्टेंस लूँ तो ये उस पहले वाले केस में क्या हो रहा है वो वन को इंक्लूड नहीं कर रहा ना टू को इंक्लूड कर रहा है वो बोल रहा है यहाँ से लेके इस जगह तक इस पॉइंट तक बीच टू से पहले और वन के बाद से तो इसलिए उसको कैसे लिखते हैं जो हमने पहले एग्जाम्पल लिखा है ए बी यदि हमने गोले बनाए जो सर्कल्स बनाए दे आर एम टी इसका मतलब ये हो रहा है कि ए कॉमा बी मैं ऐसे एम टी करके दिखाऊँ इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है बस मैं बीच वाले डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं ए और बी उसमें इंक्लूडेड नहीं है तो उसको ब्रैकेट्स में ऐसे लिखा जाएगा यदि मैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करूँगा तो इसका मतलब ब्लू भी है, है और ए भी इंक्लूडेड है और उसमें बी भी इंक्लूडेड है इफ़ आई यूज़ दिस वे अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन तो मैं कैसे यूज़ करूंगा इस साइड ए इंक्लूडेड है तो मीन्स मैं ब्रैकेट यूज़ करूंगा स्क्वायर ब्रैकेट ए कॉमा बी और सी ब्रैकेट लगाया सिंपल ब्रैकेट दैट मीन्स इस साइड में बी जो है इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इफ आई यूज़ दिस वे ऑपोजिट कर दूँ तो इसका मैं कैसे लिखूंगा ऐसे लिखूंगा ब्रैकेट ए कॉमा बी अगेन स्क्वायर ब्रैकेट बट इस टाइम में बी इज इंक्लूडेड मैं जब डायग्रामेटिक फॉर्म में बहुत बार रिप्रेजेंटेशन आप करेंगे उसका मतलब ये होता है कि डार्क ब्रैकेट का डार्क सर्कल का मतलब होता है दीज पॉइंट्स आर ए एंड बी आर इंक्लूडेड यदि ये सेट फॉर्म में बोलें तो इस सेट के अंदर ये दोनों चीज़ ए और बी इंक्लूडेड है यदि इसमें बोलें लेफ्ट हैंड साइड में तो ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड वेयर राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है एक एक साइड इंक्लूडेड इस साइड में ए है इंक्लूडेड है इस साइड में बी इंक्लूडेड है कुछ समझ में आ रहा है तो वी विल से कि द डिस्टेंस और द इंटरवल बिटवीन ए एंड बी इस केस में इट इज एन ओपन इंटरवल यहाँ से यहाँ तक का जो इंटरवल है इट इज़ एन ओपन इंटरवल ओपन इंटरवल को ए और बी उसमें इंक्लूड नहीं है जब ए और बी इंक्लूडेड जाते हैं वी विल से इट इज़ अ क्लोज इंटरवल मीन्स ए जो जो भी दिखाया हुआ है वो इसमें इंक्लूडेड है और ये क्या है हाफ ओपन या हाफ़ क्लोज बोल सकते हैं राइट right? और जो ये ब्लू लाइन है इज़ द इंटरवल जो ए और बी के बीच में डिस्टेंस दिखा रहा है जैसे वन से लेके बीच में टू का ये डिस्टेंस दिखा रहा है अब वो डिस्टेंस उसमें वन और टू इंक्लूड हो सकते हैं जो एंड पॉइंट्स हैं या वो नहीं हो सकते हैं तो इंटरवल दो तरह के वो ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल और हाफ क्लोज या हाफ ओपन कुछ भी बोल सकते हो आप यहाँ तक क्लियर हुआ है okay. ओके एंड दिस इज़ कॉल्ड द लेंथ ऑफ इंटरवेल इसकी एक लेंथ होगी जैसे यहाँ से वन से लेके टू में इंचज़ में बोल दिया अपने वन इंच राइट सो दिस इज एन इंटरवल और लेंथ ऑफ एन इंटरवल ए बी राइट अब हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो अब हम रियल नंबर्स ऐसे लिखेंगे एंड देन वी विल सी लेट ए एंड बी जो है दोनों रियल नंबर ए बी रियल नंबर जैसे हमने स्केल में लिया हुआ है एंड ए इज़ लेस देन बी ए जो है वो लेस देन बी है जैसे हम यहाँ ले रहे और वन टू यदि वन जो है ए है ये टू है तो ए जो है टू से छोटा है वन इज लेस देन टू क्लियर है यहाँ तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं ओके okay. यदि ये क्लियर है तो इस ब्रैकेट को सेट फॉर्म में लिखना है ए कॉमा बी एंड are रियल नंबर्स और ऐसे हमने लिखा है सेट को तो हम इसको क्या समझेंगे कैसे तो ए बी इज़ अ सेट वे दिस इट बिलोंग्स टू एक्स ए बी बिलोंग्स टू एक्स सज दैट एक्स आर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्स जो है वो रियल नंबर है एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन ए लेस देन बी मीन्स एक्स की वैल्यू कहाँ होगी यदि मैं इससे रिप्रजेंट कर रहा हूँ एक्स जो है इन बिटवीन होगा वो नाइदर ए होगा नाइदर बी होगा क्योंकि इट इज़ एन ओपन इंटरवेल राइट सो इट इज़ एन ओपन इंटरवेल फ्रॉम ए एंड बी बट एक्सक्लूडिंग बोथ ए एन बी एंड बी को इंक्लूड नहीं कर रहा है तो जो सेट बना इस द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन ए लेस देन बी इसका सेंटेंस में मतलब यही हो रहा है कि ए और बी उसमें इंक्लूडेड नहीं है वेयर एज यदि इस वाले को बात करें स्क्वायर ब्रैकेट्स को यदि इसकी बात करें तो कैसे लिखेंगे सेम वे में लिखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी मीन्स ए और बी क्या है उसमें इंक्लूडेड है सो इट इज़ अ क्लोज इंटरवल तो इसमें ही इंक्लूड हो गए वेयर एज इस केस में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे दोनों केस में इधर क्या है ए इंक्लूडेड है बी नहीं है तो वी विल राइट एग्जैक्टली एक्जैक्टलीम एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बट लेस देन बी राइट तो इट इज़ इंक्लूडेड क्या है ए इंक्लूडेड है बी एक्सक्लूडेड है यदि इसका ऑपोजिट लिखेंगे तो ऐसे कैसे कैसे लिखेंगे इस तरीके से एक्स बिलोंग्स टू आर सेम चीज एक्स इज ग्रेटर देन ए लेस देन इक्वल टू बी सो इट इज़ एन ओपन इंटरवल दोनों दोनों ही ओपन है क्योंकि एक तरफ से ओपन है हाफ ओपन बोल दो या हाफ क्लोज बोल दो तो इंक्लूडेड बी बी तो इंक्लूडेड है पर ए नहीं है यही मतलब है तो ये बहुत सिंपल बेसिक चीज़ है पर यह बहुत बार ना आपकी जब आप ना कंस्ट्रक्शन uh, ड्राॅइंग्स वगैरह करे होते हैं इंजीनियरिंग में जब आगे पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ का थोड़ा काम आता है अदरवाइज डे टू डे लाइफ में वैसे यूज़ नहीं आता है क्लियर यदि एक ऐसे सेट दिया हुआ है आपको बेसिस में माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी इसका मतलब क्या है माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी तो माइनस से प्लस तक है पर माइनस इन्फिनीटी और प्लस इन्फिनिटी इसमें क्या है दोनों इंक्लूडेड नहीं है एक्सक्लूडिंग दिस मींस मैं माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करूँगा पर माइनस और प्लस इन्फिनिटी दोनों इंक्लूडेड नहीं है सो डिस्क्राइब द सेट ऑफ रियल नंबर इन रिलेशन टू अ लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी बोल सकते हैं हम वेरी गुड चलो एक एग्जाम्पल समझ लेंगे और अच्छा लगेगा जैसे देखो आप ए बी की जगह हम लिखते हैं नंबर्स माइनस फाइव सेवन इसका मतलब क्या है माइनस फाइव इंक्लूड नहीं है सेवन इंक्लूडेड है तो विल राइट एक्स इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सज देट एक्स बिलोंग्स टू आर दोनों नेचुरल नंबर है एक्स इज ग्रेटर दैन सॉरी रियल नंबर है एक्स इज़ ग्रेटर दैन माइनस फाइव क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है बट एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू सेवन मीन्स सेवन इंक्लूडेड सेवन और सेवन से कम यहाँ पे क्या है ग्रेटर दैन फाइव माइनस फाइव या आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स देट एक्स ग्रेटर दैन माइनस फाइव लेस देन माइनस सेवन मीन्स अंडरस्टूड है कि फाइव और सेवन क्या है रियल नंबर तो इसको भी आप और शॉर्ट फॉर्म करके लिख रहे हो दोनों का मतलब एक है बट दिस वे इज़ द बेटर वन कंपेयर टू दिस वन ना द फिफ्थ टाइप ऑफ द सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट ठीक है दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ अ सेट यूनिवर्सल सेट मतलब क्या हुआ यूनिवर्सल मैं चीज़ बोलूँ तो आपने कहाँ से वर्ड आएगा यूनिवर्स सुना है ब्रह्मांड दिस इज अवर यूनिवर्स ऐसी इमेज देखें यूनिवर्स के ये एक रिप्रेजेंटेशन है हमारे ब्रह्मांड का यूनिवर्स का रिप्रेजेंटेशन है इसमें ढूंढोगे ना हम भी कहीं पर होंगे मान के चलो यहाँ कहीं पर होंगे यदि मैं इसको एनलार्ज करूँ इट विल लुक समथिंग उसमें पता नहीं कितने सारे सोलर सिस्टम ये क्योंकि जो साइज़ मैंने लिया है इट इज़ सो बिग इसमें सो मैनी थिंग्स सो मैनी अर्थ सन सो मैनी थिंग्स आर देयर सो यूनिवर्स का हमने एक छोटे से हिस्से को देख रहे हैं और उस हिस्से को भी देख रहे हैं ना आर एन नंबर ऑफ प्लान सेटेलाइट गैलेक्सी सो एंड सन एंड सो मैनी थिंग्स तो यूनिवर्स यूनिवर्सल सेट जब हम बात करते हैं या यूनिवर्स की बात करें तो इसको यूनिवर्सल सेट को हम हमेशा यू से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर कुछ भी चीज़ देखेंगे तो हर चीज़ इस ब्रह्मांड का पार्ट है राइट सो वी कैन से यदि नंबर्स के फॉर्म में बात करें मैथ्स में क्या होता है यूनिवर्स क्या है इस नंबर्स ऑल आर रियल नंबर्स तो उसके अंदर क्या हो सकते हैं नेचुरल नंबर हो सकते हैं एंटीज़र हो सकते हैं रैशनल नंबर हो सकते हैं ये सारे नंबर्स एक रियल नंबर का पार्ट है तो रियल नंबर यदि खाली रियल नंबर बोलूंगा तो इट इज़ अ यूनिवर्सल सेट फॉर नंबर्स जिसके अंदर हर चीज़ समाई हुई है जैसे कि इस यूनिवर्स के अंदर सब कुछ समाया हुआ है और इसमें भी आप ध्यान से देखेंगे ना तो बहुत सारी बॉडीज़ हैं आपको बहुत सारे प्लानेट्स दिख रहे हैं सन दिख रहे हैं बट इन बिटवीन देर इज़ आर स्पेसिस देर इज अ गैप देर इज एन एम्प्टीनेस तो बीच में खाली पन भी है, है कि नहीं ऐसा नहीं है यूनिवर्स पूरा भरा हुआ है तो देर इज अ वैक्यूम इन बिटवीन राइट तो सेम नंबर यदि मैं सेट्स में भी हम बात करते हैं ना तो हम ऐसे ही बात करते हैं तो चलो हम यदि बात करते हैं कि हमने अभी पढ़ा था नेचुरल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ वॉट जेड इज इंटीजर्स राइट जेड इंटीजर्स ऑल इंटीजर्स आर सबसेट ऑफ रैशनल नंबर क्योंकि सब इंटीजर्स को हम रैशनल नंबर्स फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि डिनोमेटर हम वन होता है एक का दो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो तो यदि मैं ऐसे लेता हूँ कि एक मेरा पूरा यूनिवर्स है यदि मैं बात करूँ रैशनल नंबर्स की तो सारे रैशनल नंबर्स के अंदर दो तरह के नंबर्स आएंगे एक उसके अंदर क्या आएंगे इंटीजर्स और इंटीजर्स के अंदर मैं बात करूंगा तो उसके अंदर मेरे को क्या मिलेंगे नेचुरल नंबर्स तो हमने क्या बोला एक बड़े कैनवास के अंदर जो कि सारे रैशनल नंबर्स को बता रहा है तो सब रैशनल नंबर के अंदर पहले आए जेड सारे इंटीजर और इंटीज़र के अंदर आया नेचुरल नंबर तो इस टाइप का हम डायग्राम बना सकते हैं जो कि एग्जैक्टली exactly सेम है जैसे ये हम पूरे यूनिवर्स को दिखा रहे हैं पूरे यूनिवर्स यूनिवर्स के अंदर गए तो ये इसके अंदर गए तो और, और यदि अर्थ पे आ गए अर्थ के अंदर क्या है वी हैव सी एंड ओशियंस एंड लैंड एंड दिस एंड देट और उसके अंदर जाएंगे तो मीन्स वी कैन वी कैन गो इन साइड एंड इन साइड एंड इन साइड तो वी कैन फाइंड मैनी मैनी थिंग्स हम बोल सकते हैं ना अर्थ इज़ अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम आपका यदि एड्रेस लिखते हैं तो आप कैसे लिखते हो अपना एड्रेस आप लिखते हो कि आपका नाम क्या है दैन यू वेल राइट यू आर सन ऑफ सो एनसो दैन यू राइट द क्वार्टर नंबर दैन यूट राइट द बिल्डिंग नंबर दैन लेन नंबर दैन सिटी नंबर दैन सिटी के बाद उसका पिन कोड सिटी का पिन कोड क्या है देन यू राइट द स्टेट आप उत्तर प्रदेश में हो कि कर्नाटका में हो राइट देन यू राइट द कंट्री कि इंडिया में हो कि पाकिस्तान में हो राइट मान लो आप लेटर पोस्ट करना है आपको लिखना होगा ना अब मान लो ये लेटर जो पोस्ट कर रहे हो आप यूनिवर्स में कहीं से कर रहे हो दैन यू हैव टू राइट अर्थ प्लानट इज़ अर्थ और यूनिवर्स में बहुत दूर से किसी और सोलर सिस्टम से करते हो यू विल राइट द सोलर सिस्टम नंबर एक्स वाई जेड यदि हमारे सोलर सिस्टम का यदि कोई नाम है एंड देन if you are outside the galaxy you will द the galaxy milky way right so, क्या कह keh हो कि means एक के अंदर एक के अंदर कि galaxy के अंदर हमारा solar system है solar system के अंदर हमारे earth है earth के अंदर hamara बहुत sari countries, continent हैं continents में बहुत sari city, countries हैं countries में city है city के अंदर एक lane है राइट right? उस लेन के अंदर पर्टिकुलर आपका घर बिल्डिंग है बिल्डिंग में आपका एक घर है घर के अंदर एक कमरा है उस कमरे में आप रहते हो सो देर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन मीन सब एक दूसरे के सबसेट हैं सो एक्जैक्टली यही चीज़ें डायग्राम फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो और जब इस तरीके के डायग्राम रिप्रेजेंट करते हो कि एक ब्लॉग बनाते हो विच रिप्रेजेंट अ यूनिवर्सल सेट इस केस में हमने सपोज क्यों बोल दिया और उसके दो सबसेट्स हैं दो सेट्स हैं जो उसके पार्ट हैं तो सच डायग्राम इज कॉल वैन डायग्राम ये एक साइंटिस्ट uh, थे या मैथमेटिशियन थे उनका नाम था जॉन वेन इन्होंने इन डायग्राम्स को बनाया था क्यों बनाया था इट इज़ वेरी इज़ी टू अंडरस्टैंड सेट्स एंड सबसेट्स बहुत इजी होता है राइट right? इन्होंने कहा फॉर एग्जांपल यदि ऐसे आपको मैं बोलूं कि एक ये यूनिवर्स है यूनिवर्सल सेट बोलूं इस केस में नंबर्स के केस में तो एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर ये नंबर सपोज डेले हुए हैं आपको जो दिख रहे हैं तो वन है नाइन है टू है थ्री है फाइव सेवन फोर सिक्स टेन मीन्स वन टू लेकर टेन तक नंबर दिए हुए हैं और दो सर्कल दिए हुए हैं एक ये येलो वाला और येलो के अंदर एक पिंक वाला तो इफ़ समवन विल आस्क यू तो यू विल से यू रिप्रेजेंट अ सेट कंसिटे नंबर फ्रॉम वन टू टेन तो यह सारे नंबर हैं यू के अंदर यदि बोला कोई ए सेट बोलूँ तो ये ए कौन सा है येलो वाला तो आप बोलोगे उसमें कौन कौन से एलिमेंट है यू विल राइट टू एट टेन फोर सिक्स तो ए के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं तो दिस इज़ अ सेट ए सिमिलरली मैं ये लिख सकता हूँ कि बी जो पिंक कलर का है उसके जो सेट में जो एलिमेंट्स हैं आर फोर एंड सिक्स यही हैं दोनों तो यदि ए बी और यू इन तीनों के बीच में रिलेशन यदि हम देखें तो वी कैन से एंड बी एंड बी आर सबसेट ऑफ यू ये यू का पार्ट है राइट एंड बी के यदि बात करूं तो वो ए के अंदर है तो बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए दिस कैन बी रिटर्न तो देखो कितना ईजी हो गया यदि मैं ऐसे लिखूँ या डायग्राम में शो करूँ तो इन वन टाइम इट इज़ वेरी इजी टू रिप्रजेंट ओके okay? राइट right. तो जब हम वेन डाइग्राम बनाते हैं ना तो उसमें ऑपरेशन्स हम करते हैं कुछ बेसिकली ऑपरेशन किस पे कर रहे हैं ऑन सेट्स तो डिफरेंट टाइप के आप वेन वैंडग्राम्स बना सकते हैं ऐसे बोलो ऑपरेशन बोलो या टाइप्स ऑफ सेट मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ वन डाइग्राम्स यू कैन मेक बाई यूजिंग सेट्स एंड वैन यू यूज सेट्स यू आर डूइंग सर्टेन इन ऑपरेशन तो इनको ऑपरेशन ऑफ सेट बोला जाता है तीन तरह के होते हैं वन इज़ कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट यूनियन होती है ना यूनियन बनानी लोगों ने लोग मिल गए इकट्ठे इकट्ठे हो गए तो राइट right? तो यूनियन ऑफ सेट जो बहुत सारे सेट्स मिलके कुछ बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट रिप्रेजेंट किया जाता है ए यूनियन बी ए यू यूनियन का यू और बी ए यूनियन बी इसको ऐसे पढ़ते हैं सेकेंड इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट लड़ाई झगड़े हो गए दो सेट्स के बीच में राइट right? एक दूसरे को मारकाट हो गई तो दे आर इंटरसेक्टिंग मारपीट हो रही है तो वी विल राइट अपोजिट ऑफ यूनियन वो यूनियन नहीं है लड़ाई झगड़े हो गए सो इसका अपोजिट ऑफ यू तो उसका इन्वर्टेड यू ए इंटरसेक्शन बी हम उसको ऐसे पढ़ते हैं एंड द थर्ड फॉर्म इज कॉल द डिफरेंस ऑफ सेट दो सेट में ना तो यूनियन बनी ना लड़ाई झगड़े दोनों अलग अलग हो गए तो दैट मीन्स देर इज़ अ डिफरेंस सो वो डिफरेंस कैसे लिखते हैं ए माइनस बी जब ए माइनस बी बोलेंगे तो वी विल रीड इज द डिफरेंस ऑफ सेट दो सेट के बीच में देर इज अ डिफरेंस दूर दूर है इंटर एक दूसरे से मारपाट हो गई कटाई हो गई इंटर यूनियन मीन्स दोनों जुड़ गए तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑपरेशन इन सेट वेन वी वी टॉक अबाउट वेन डायग्राम्स तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं सो ए यूनियन बी की बात करें द यूनियन ऑफ सेट्स अब यूनियन ऑफ सेट्स दो लोग मिलकर भी एक यूनियन बना सकते हैं दस लोग मिलकर भी बना सकते हैं सौ लोग मिलकर भी बना सकते हैं लाइक यदि हम अपनी कंट्री को देखें सो इंडिया इज अवर कंट्री इसके अंदर वी हैव सो मैनी स्टेट्स तो इतने सारे स्टेट्स को मिल के तो वी से इंडिया इज अन ऑफ स्टेट्स सो दे आर सो मैनी स्टेट्स उनका ये यूनियन है मिलके बनाया उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है इफ़ समन विलास क्यों जम्मू कश्मीर कौन सा है तो ये टॉप में आप बोलोगे इस ये येलो पार्ट जो दिख रहा है इट इज़ जम्मू एंड कश्मीर इफ़ समवन समलास यू आंध्र प्रदेश तो यू विल से दिस पिंकिश कलर या स्लाइटली रेडिश कलर जो है इज आंध्र प्रदेश सेम वे में द गुजरात इज़ दिस वन राजस्थान इज़ इन वाइट कलर राइट सो दिस वट इज़ कॉल्ड इट्स यूनियन ऑफ स्टेट्स इसलिए हम इसको यूनियन बोलते हैं तो so, मैथमेटिक्स में बोलो या जनरल भी हमारे डे टू डे लैंग्वेज में भी यूनियन मतलब होता है जोड़ना राइट कंपनीज़ के अंदर यूनियन बन जाती है आपने बहुत सारी पिक्चरें देखी होंगे ना जिसमें यूनियन होती है, है। so, एक नेता होता है और बहुत सारे मजदूर होते हैं सो मजदूरों की एकता हो गई यूनियन बना ली लोगों ने मिल गए ग्रुपबाजी हो गई राइट बट फॉर फॉर अ बेटर पर्पज़ ओके यहाँ तक क्लियर है तो हमने क्या बोला था किसी भी सेट को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो यदि स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो यू होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है तो कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है यदि हमारे पास तीन चार तरह के सेट्स से हैं एक सेट सपोज ए है एक बी है एक सी है अब ये साइज से आपको ये मालूम है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है इसमें थोड़े ज़्यादा है इसमें थोड़े और ज़्यादा है राइट और इनका कलर यदि सेम है तो हम क्या बात कर रहे हैं एक ही टाइप के सैट्स की बात कर रहे हैं जैसे कि यहाँ बात कर रहे हैं यहाँ पे हम आप बोलोगे कि यूनियन ऑफ स्टेट्स की हम बात कर रहे थे तो ये जम्मू एंड कश्मीर येलो था राजस्थान यदि वाइट था गुजरात ब्लू था तो ये तो हमने डिफरेंट कलर दिखाया है वेयर एज यू आर सेम कि ए बी सी जो है तीनों सेम कलर होने चाहिए यू आर राइट बट मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि जब हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं हम इनको एक कलर से दिखा सकते हैं जस्ट टू रिप्रजेंट कि आपको क्लियरली विजिबिलिटी के लिए हमने कर दिया कि राजस्थान मतलब ये वाइट वाला जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि ये राजस्थान है कोई कन्फ्यूज़न नहीं मैं सबको यदि बिलीव करता तो मैं यहाँ पर जो बाउंड्री है हर एक स्टेट की वो थोड़ा और डार्क करके दिखाता तो इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन बट द पॉइंट इज वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट्स ओनली हम सिर्फ स्टेट्स की बात कर रहे हैं हम लोगों की बात नहीं कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं स्टेट द सब्जेक्ट इज स्टेट्स सेम वे में जब हम सेट्स की बात कर रहे हैं और हमने सेम कलर में दिखाया है दैट मीन्स जो भी मैं सेट की बात करूंगा उसके जो एलिमेंट होंगे दे वर सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट यदि नेचुरल नंबर होंगे तो हो सकता है नेचुरल नंबर की बात करूँ मैं आदमियों की बात नहीं करूँगा वी विल नॉट टॉक अबाउट डॉग्स और कैट्स है ना यदि मैं एनिमल्स की बात करूँगा तो ये सारी चीज़ों में डिफरेंट नंबर ऑफ एनिमेंट्स में डिफरेंट एलि नंबर ऑफ एल नंबर ऑफ मतलब एनिमल्स हो सकते हैं हर सेट में मे बी सी के अंदर ज़्यादा एनिमल्स हों बी में कम हो ए में कम हो बट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट एनिमल्स पर से हाँ ओके okay. तो यूनिवर्सल सेट है U और वी हैव थ्री सेट ए सी अब हमको A यूनियन B दिखाना है तो वी कैन पुट A, वी कैन हैव B सेट तो यहाँ पे क्या हो रहा है A और B आर द सबसेट ऑफ वट कम्प्लीट यूनिवर्सल सेट बट अभी ये ये ए यूनियन बी नहीं हुआ इन दोनों में यूनियन मिलने के लिए क्या होना था जुड़ने चाहिए ऐसा तो हो नहीं सकता ना जैसे पाकिस्तान था एक पाकिस्तान ये था बांग्लादेश यहाँ था और एक ईस्टर्न पाकिस्तान था एक वेस्टर्न पाकिस्तान था बाद में दोनों अलग अलग हो गए नाउ दे आर टू डिफरेंट कंट्रीज़ राइट ऐसा नहीं होगा कि एक पाकिस्तान यहाँ एक पाकिस्तान यहाँ दूर नहीं होने चाहिए दो देश हमेशा साथ साथ होते हैं नॉर्मली ऐसा ही होता है राइट अपार्ट फ्राम को साइलेंट्स को छोड़ दो तो यूनियन तभी बनता है ओके okay, तो हम सेट्स पे आ जाते हैं वापस तो हमने ए और बी दो सेट्स हैं इनका हमको क्या बनाना है ए यूनियन बी तो इनमें मिलना चाहिए दूसरे से लेट्स सी तो विल से अभी फर्दर टाइम नहीं वी कैन से अभी जब तक ये मिले नहीं है वी कैन से ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू एंड सिम सेम वे में बी इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ यू बी बी इसका सबसेट है अब हमको ए यूनियन बी बनना है द यूनियन ऑफ ए बी क्या होगा उसको लिखेंगे ए यूनियन बी हम ऐसे लिखेंगे और जब यूनियन होगा तो इन दोनों में क्या होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग हो चाहिए मिलने चाहिए और यदि ये दोनों मिल गए तो ये कुछ देखने में ऐसे लगेंगे कि जिससे यदि मैं ए के बारे में बात करूं तो मैं समझ सकता हूं वो ये जो सर्कल दिखा रहा है स्मॉल सर्कल इज़ ए वेर इज बी इज़ दिस सर्कल बट जब ए यूनियन बी की बात कर रहा हूं तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कंप्लीट ग्रीन एरिया जिसमें कुछ पार्ट ए का भी आया यहाँ बीच वाले कुछ कॉमन पार्ट भी आया कुछ खाली ए में है कुछ दोनों के बीच में है और यह है तो कुछ कॉमन एरिया और कुछ दोनों का अलग अलग एरिया राइट right? बट जब हम टोटेलिटी में बात करेंगे ए यूनियन बी जब हम यूनियन की बात करते हैं हम मजदूरों की बात करते हैं तो इट डजेंट मैटर कि वो कहाँ के मज़दूर हैं राइट पर्टिकुलर फैक्ट्री में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं पर तो जब हम यूनियन बोलते हैं तो उन सब डिपार्टमेंट के मज़दूरों का एक संघ इस यूनियन द सेम वे में ए और बी ये पूरा ग्रीन पार्ट है जो वी से इट्स ए यूनियन बी मीन्स टोटेलिटी में क्लियर एंड वी विल राइट दिस वे A यूनियन B इज इक्वल टू इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू A. x जो है वो A को भी बिलोंग करेगा और x बिलोंग्स टू B. यदि वो इस यूनियन का पार्ट है A यूनियन B का पार्ट है तो आइडर जो है x A को बिलोंग करेगा या B को बिलोंग करेगा ठीक है क्लियर तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा पूरा क्लीन कर Very वेरी गुड तो A यूनियन B बोलूँ या B यूनियन A. ए बी से मिले या बी ए से मिले मतलब तो एक ही है दो लोगों का मिलना जरूरी है मीन्स दो सेट का मिलना ज़रूरी है तभी हम ये बोल सकते हैं तो हम यूनियन में ए यूनियन B या बी यूनियन में मतलब दोनों का आप इन दोनों का जो डायग्राम बनाएंगे वेन डायग्राम वो ऐसा ही बनेगा और इस टाइप की लॉ को जब ए प्लस ए यूनियन B या बी यूनियन होता है उसको बोलते हैं क्यूमिटेटिव लॉ और ये हमने पढ़े थे प्रीवियस क्लासेस में कम्यूटेटिव लॉ मीन्स ए प्लस बी इजिकल टू बी प्लस ए वन प्लस टू इजिकल टू टू प्लस वन मतलब दोनों का एक ही होता है एंड सच जब हम रीअरेंज करते हैं और आंसर हमारा सेम आता है उसको क्या बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ओके ओके अब हम एक और ले लेते हैं और ये तीसरा सेट भी ले लिया ए यूनियन बी ब्रैकेट लिया पहला पहले हम क्या करेंगे ए यूनियन बी ए और बी के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई ये तो हो ही चुकी है अब एक और पार्टनर आ गया सी हमारा सी सेट आ गया तो ए यूनियन सी तो ये भी आ गया तो ए बी सी में अब देखो तीनों का बन के यूनियन अभी हमारी बड़ी हो गई तो वी विल राइट ए यूनियन बी इज यूनियन सी और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए पहले यूनियन बी और सी में हो जाए इस और इसमें हो जाए ये बना सकते हैं एंड तो देन विद ए तो वैंडैंग बनाते समय पहले बी और सी बनाया उनके बीच में यूनियन की और फिर हमने उसके ए के साथ भी यूनियन कर दी दैट मीन्स ये मतलब लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड आप यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी ऐसे लिखो या ए यूनियन बैकेट में बी यूनियन सी ऐसे लिखो बोथ आर सेम और इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हमने पढ़ा था इसको एसोसिएटिव लॉ द एसोसिएशन इज़ वेरी सिंपल उस एसोसिएशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पहले ए और बी मिले बाद में उसमें यूनियन ऑफ़ सी का हो या बी और सी का पहले यूनियन हो जाए और उसका ए के साथ यूनियन हो तो कोई बोले कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सेट्स इन यूनियन क्या होता है इट्स इज़ ऑलवेज ट्रू एंड इट आल्सो फॉलो द एसोसिएटिव लॉ और ये जो दो चीज़ हमने पढ़ी क्यूमिटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ दीज आर वाट प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स सेट्स का जब यूनियन हम बनाते हैं ये उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं क्यूमिटेटिव लॉ असोसीटिव लॉ इसके अलावा भी और होती हैं यस दीज आर फ्यू प्रॉपर्टीज एंड देर आर मैनी मोर्स तो हमने दो दो पढ़ ली कि ए यूनियन बी इज इक्ल टू बी यूनियन है या हमने क्या पढ़ा दूसरा ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन सी इज इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी पहले इनका यूनियन फिर इसके साथ एंड दिस इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ द थर्ड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ए यूनियन फाई फाइव मीज एन एम टी सेट एक सेट है ए एक सेट है फाइव एम टी सेट और हमने बोला था ना एम टी सेट जो होता है हर सेट का पार्ट होता है तो ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए अब मैंने आपको यूनिवर्स में ही बताया था यूनिवर्स में बताया था यदि हम एक छोटे से पार्ट को देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और इन बिटवीन क्या होता है स्पेस दैट मीन्स यदि हम ब्रह्मांड की बात करते हैं यूनिवर्स की बात करते हैं तो इट्स कंसिस्ट ऑफ सो मैनी प्लान्स गैलेक्सी एंड सो मैनी थिंग एंड इन बिटवीन स्पेस आप ऐसे याद रख सकते हो दैट मीन्स वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेस और मतलब यूनिवर्स यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेस एंड प्लान्स एंड गैलेक्सी एंड वट नॉट तो ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ऑलवेज ए तो इसको क्या बोलेंगे लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट या फाई इज आइडेंटिटी ऑफ यू क्या वो लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट मीन्स जब भी हम आइडेंटिटी लॉ ऑफ आइडेंटिटी की बात करेंगे तो फाई इज़ द आइडेंटिटी ऑफ यू यूनिवर्सल सेट की जब भी बात करेंगे तो उसमें जो एम टी सेट है वो उसका पार्ट होता है यूनिवर्स का पार्ट एमटीनेस होती है वैक्यूम होता ही है तो दिस इज लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए सेम वे में ए यूनियन ए यदि दो एलिमेंट एक जैसे हों मिल जाए तो इज इक्ल टू ए कहने का मतलब क्या हुआ ए यूनियन ए ऐसा नहीं होगा दो हो जाएगी यूनियन ही बनी ना दो लोगों की यूनियन बनी दोनों एक ही थे दोनों रामकुमार एक ए है एक दूसरा ए है पर दोनों हैं एक ही तो यदि इनका यूनियन करेंगे बेसिकली मतलब दे आर मर्जिंग मतलब हंड्रेड परसेंट ओवरलैप हो गया राइट right? तो दिस इज कॉल्ड मर्जिंग या बोल सकते हैं बट इट इज नॉट एडिशन ए प्लस ए नहीं हो रहा है दो नहीं हो रहा है टू ए नहीं हुआ ए यूनियन ए इज नॉट टू तो इसको बोलते हैं आई पोटेंट लॉ कौन सी लॉ बोलते हैं आई पोटेंट लॉ मैंने जान पूछ के ना डॉट लगाया सो दैट वी कैन प्रोनाउंस इट प्रॉपरली आई पोटेंट लॉ ठीक है बेसिकली इट इज अ मर्जिंग ऑफ टू सेट्स मर्ज होने पर उसकी वैल्यू सेम थी ए यूनियन ए इज़ ए ऑलवेज रिमेंबर दिस एंड द फिफ्थ इज़ यू यदि यूनिवर्सल सेट का यूनियन नू विद ए यूनियन यूनिवर्सल सेट का यूनियन वो ए तो वो क्या होगा हमेशा यूनिवर्स ही होगा यूनिवर्स ही होगा मीन्स मैं प्लानट और यूनिवर्स का यदि यूनियन बनाऊंगा तो यूनिवर्स ही बनेगा या यूनिवर्स का एम के साथ भी लूँगा तो भी यू ही होगा तो दोनों केस में एंड दिस इज़ लॉ कॉल लॉ ऑफ यू यूनिवर्सल लॉ लॉ ऑफ यूनिवर्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट तो दीज आर कॉल फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन तो यूनियन आपको क्लियर हो गया तो यदि क्लियर हो गया तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एंड दिस इज एग्जाम्पल नंबर ट्वेल्व लेट ए इज इक्वल टू टू फोर सिक्स एट दिस सेट एंड बी इज ईक्ल टू सिक्स एट टेन टेट तो वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी तो एक सेट ए है एक बी है इसका हमको यूनियन पता लगा रहा है सो so, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी बट पहले हम क्या करेंगे वेन डायग्राम से बनाएंगे सो so दैट आपको बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टूड हो जाएगा सो ए सेट को हम ऐसे ले सकते हैं सो so एक सर्कल बनाया उसमें हमने उसके एलिमेंट लिख लिए टू फोर सिक्स एट सिमिलरली बी को वी कैन राइट दिस वे अब ए यूनियन बी क्या होगा इन दोनों को मर्ज कर दें दैट मीन्स ए यूनियन बी वी कैन ड्रॉ अ सर्कल टू सर्कल दिस वे देखो अब टू और फोर सिक्स और एट क्या हुआ ए टू फोर सिक्स एट वेयर एज यदि मैं यहाँ बात करूँ सिक्स टेन एट ट्वेल्व तो देखो सिक्स एट टेन ट्वेल्व ये बी हो गया दैट मीन्स बी भी दिख रहा है मेरे को ए भी दिख रहा है तो वी कैन से ये वाला पार्ट मेरा ए है ये वाला पार्ट मेरा बी है और यदि मैं टोटेलिटी में देखूँ तो उसकी बाउंड्री क्या हुई ऐसे आई यहाँ तक और ये यहाँ तक आई इसके अंदर ए और बी के टोटल है दैट मीन्स दिस नाउ इट इज़ अ यूनियन ऑफ सेट्स टू सेट्स ए यूनियन बी जिसके अंदर सिक्स और एट कॉमन एलिमेंट है जबकि टू और फोर एंड टेन एंड ट्वेल्व आर नॉट कॉमन एलिमेंट बट इन टोटलिटी द ए यूनियन बी बोलेंगे तो उसके टोटल एलिमेंट कितने हुए सिक्स सो इट विल बी रिटर्न दिस वे और देखने में भी हमको समझ में आ रहा है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मीन्स इस सर्कल का एरिया और इस सर्कल का एरिया कॉमन पार्ट क्या होगा ये वाला जो सिक्स और एट वाला है बट अदर एलिमेंट्स क्या हैं उसके टू और फोर बट टोटेलिटी में हम बात करें तो ए यूनियन बी इस इस लाइक दिस तो दिस इज द वेन डाइग्राम अब यदि ए यूनियन बी ये है तो मैं इसको यदि एक सेट बोलूँ ए यूनियन बी इज़ अव आ सेट तो वी कैन राइट वी हैव ए यूनियन बी एज टू फोर सिक्स एट फ्रॉम द फर्स्ट वन टू फोर सिक्स एट मैंने ये जो ब्लैक में और कलर में दिखाया वो लिखूंगा एंड द रिमेनिंग वन इज टेन एंड ट्वेल्थ तो ये दो एलिमेंट हुए दो दो एलिमेंट मेरे ए से आए टू मेरे ये कॉमन एलिमेंट्स थे और रिमेनिंग टू जो बी के एलिमेंट्स थे तो ए एन बी इज अज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ ए एंड बी तो वो ये हो गया ठीक है कॉमन एलिमेंट्स को हमने इसमें से एलिनेट कर दिया सिक्स इसमें भी था इसमें भी था तो एक सिक्स लिखा एट इसमें भी था इसमें भी था खाली एट लिखा या वैन डायग्राम में लिखें तो वो अपने आप ही आपको समझ में आ जा रहा है क्लियर सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल जहां पे हम बिना वैन डायग्राम के भी डायरेक्ट आंसर लिखेंगे सो दिस एग्जाम्पल नंबर थर्टीन लेट ए इज अ सेट हैविंग एलिमेंट्स ए ई आई ओ यू एंड बी इज सेट हैविंग एलिमेंट ए आई ओ यू वी हैव टू शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड तो वी कैन राइट वी हैव ए यूनियन बी डायरेक्टली कैसे लिखेंगे तो पहले ए के सारे एलिमेंट लिख दो तो ए के लिख दिए और जो बी के एलिमेंट हैं जो कॉमन है उनको सेलेक्ट कर लो तो देखो ए भी आ गया आई भी आ गया यू भी आ गया उसके अलावा कुछ बचा कुछ नहीं बचा दैट मीन्स ए यूनियन बी क्या हुआ ये ही हुआ तो आपके पास ए यूनियन बी आ गया अब ए यूनियन बी को यदि आप ध्यान से देखो कि क्या है इट इज़ द सेम एज़ ए तो यू कैन से इज इक्वल टू ए सो दैट इज़ वट वी वर सपोज टू प्रूफ तो वी हैव प्रूव्ड इट इतना सिंपल है सो विल राइट इफ़ बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए ये जो बी है इज अ सबसेट ऑफ ए दैट मीन्स ए यूनियन बी इज इक्ल टू ए यदि बी ए का सबसेट है इससे यही प्रूव करा देखो बी जो है वो ए का सबसेट है ए सेट का देन यदि ए यूनियन बी निकालूंगा ऐसा कोई सेट जो कि पहले ही सबसेट है किसी सेट का तो उनका यदि यूनियन निकालेंगे तो वो क्या आएगा ए ही आएगा क्योंकि ये पहली बात है ये उसके अंदर ही है राइट right? ओके okay. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल दिस इज एग्जाम्पल नंबर फोर्टीन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं पर है बड़ी सिंपल लेट एक्स इज वन सेट जो उसके अंदर तीन एलिमेंट्स हैं राम गीता एंड अकबर ये क्या है बी द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास एलेवेंथ हु आर इन हॉकी टीम तो क्लास इलेवंथ के हॉकी टीम जो है उनके ये नाम है राम गीता एंड अकबर ये उसके मेम्बर हैं तो ये दे आर मेकिंग वन सेट क्लास इलेवंथ के बच्चे ऐसे लेट y इज इक्वल टू गीता ड्रेविड एंड अशोक दिस इज़ वन सेट P द सेट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास इलेवेंथ हु आर इन द स्कूल फुटबॉल टीम ये फुटबॉल टीम के पार्ट हैं तो वी हैव टू फाइंड आउट x यूनियन y, x और y का यूनियन पता लगाना है एंड इंटरप्रेटेड द सेट और उसका मीनिंग क्या हुआ है ये हमको इंटरप्रिटेट करना है कि उससे मतलब क्या निकल रहा है तो हम कैसे लिखेंगे सो वी विल राइट दिस वे क्या दिया हुआ है गिवन क्या है ये सेट है राम गीता नकबर ये क्या हॉकी टीम का का सेट है मीन्स ये तीनों के तीनों हॉकी खेलते हैं और ये सब क्या है क्लास एलेवं के स्टूडेंट हैं सिमिलरली एक वाई सेट है जिसमें गीता ड्राविडन अशोक हैं जो फुटबॉल टीम के मेंबर्स हैं तो ये हमारी फुटबॉल टीम के मेंबर हो क्लास एलेवंथ के और ये जो ऊपर वाला है वो हॉकी टीम के मेंबर हो गए क्लास एलेवंथ के अब हमको पता लगाना है एक्स यूनियन वाई एक्स यूनियन वाई मीन्स इनका टोटल कम्बाइंड तो कम्बाइंड हम देखो कैसे पता नहीं तो देफ ओ वी कैन राइट एक्स यूनियन वाई तो पहले क्या लिखते हैं किसी एक एलिमेंट किसी एक सेट के सारे एलिमेंट लिख दो तो वी विल राइट राम गीता अकबर राम गीता अकबर फिर दूसरे के देखो एलिमेंट्स को बस मैच कराओ कि कौन कौन से कॉमन है तो देखो गीता गीता यहाँ कॉमन है तो हम गीता पहले ही लिख चुके अब हैं अब ड्राइविड यहाँ नहीं लिखा तो वी विल राइट डेविड अशोक इसमें नहीं है तो विल राइट अशोक सो एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू राम गीता अकबर एंड ड्राइविड एंड अशोक तो ये हो गया तो दिस नाउ इज़ अ न्यू सेट ठीक है सो दिस इज़ अ सेट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास एलेवेंथ हु आर इन तो हम इसको अब इंटरप्रेट कर रहे हैं तो so, जो भी ये चारों के पांचों के जो सेट बना फाइव एलिमेंट्स का सेट बना एक्स यूनियन वाई तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें से कुछ बच्चे जो हैं हॉकी टीम खेलते हैं कुछ बच्चे जो हैं आइदर दे आर पार्ट ऑफ फुटबॉल टीम पाँच बच्चों की बात हो रही है राम गीता अशोक अकबर डेविड और अशोक ये पांच बच्चों की बात है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट हैं क्लास इलेवेंथ के जो ये सेट बना रहे हैं जिसका नाम है एक्स यूनियन वाई उसमें से कुछ बच्चे जो है हु आर इन द हॉकी टीम कुछ बच्चे फुटबॉल खेलते हैं और कुछ बच्चे दोनों चीज़ खेलते हैं दोनों चीज़ क्या कहते हैं जो इन दोनों ग्रुप में कॉमन हो अब देखो कॉमन कौन था गीता थी गीता इधर भी है और गीता इधर भी है, है कि नहीं तो यदि मैं इसको वैन डायग्राम बनाता हूँ उससे ज़्यादा अच्छा होता है एक्स मैंने एक सेट बनाया जिसमें राम अकबर गीता और यदि मैं वाई बनाता तो उसमें गीता को कॉमन लीता डेविड एंड अशोक तो ये क्या हो गया पूरी एक क्लास होगी कौन सी क्लास होगी क्लास एलेवंथ सो दिस इज़ द दैन डाइग्राम जहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ फाइव स्टूडेंट्स वी आर शोइंग और यदि मैं इसको थोड़ा कलरफुल दिखाऊँ तो और थोड़ा सा ना आपको ईजी हो जाएगा समझने में कि ये सर्कल में राम अकबर और गीता एक सेट के पार्ट हैं राइट साइड में वाई सेट के पार्ट हैं और गीता इन दोनों सेट्स के बीच में कॉमन है बट इन टोटेलिटी हम किसकी बात कर रहे हैं क्लास इलेवंथ के बच्चों की बात कर रहे हैं पांच बच्चों की बात कर रहे हैं यदि हम पांचों बच्चों की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेट कॉल्ड एक्स यूनियन वाई तो यूनियन ऑफ टू सेट्स दो सेट्स की बात कर रहे हैं उनके यूनियन की बात कर रहे हैं तो हम पांच बच्चों की बात कर रहे हैं दोज आर स्टूडेंट ऑफ क्लास इलेवन तो मैं काफ़ी बार इसको रिपीट कर दिया राइट right? तो आपको क्लियर हो गया यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है और उसका वेन डाइग्राम का कैसे हम उसको इंटरप्रिटेट करते हैं लेट्स टेक दिस डाइग्राम टू अंडरस्टैंड द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और दिस द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स ठीक है और हमने उसको कैसे बोलते हैं इंटरसेक्शन भी जहाँ दो चीज़ें कट होती हैं तो इनवर्स ऑफ यू लड़ाई झगड़े हो गए यही बोला था तो ये हमारी क्लास एलेवंथ है x सेट है y सेट है तो यदि मैं इंटरसेक्शन लिखूंगा तो आई विल राइट x इंटरसेक्शन y तो u की जगह इन्वर्स u लिखेंगे और इंटरसेक्शन की बात जब करते हैं कि दो चीज़ें आपस में कट हुई तो देखो यहाँ पे ये सेट और ये सेट दोनों कट हुए कट होकर जो बीच में जो कॉमन बचा है इंटरसेक्शन जो कॉमन है इन बौथ के बीच में वो कौन है गीता तो गीता इज़ द इंटरसेक्शन तो जो नया सेट बनेगा तो वो कौन सा सेट बना एक्स इंटरसेक्शन वाई इज़ ओनली दिस ग्रीन पार्ट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन और उसका एलिमेंट क्या हुआ गीता सो so, गीता इज़ अ कॉमन पार्ट तो वी वी से सपोज ये दो सेट्स एक्स वाई की जगह यदि मैं ए बी बोलता तो वाई कैन राइट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू गीता तो so, इसको हम यदि बोले तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी तो गीता इज कॉमन टू बोथ ए एंड सेट बी तो ए इंटरसेक्शन इज अनादर सेट उसका एलिमेंट इज अ कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ द सेट्स यहां तक क्लियर हुआ वेरी गुड तो सिंबोलिकली वी राइट दिस वे या हम सेट बिल्डर फॉर्म में बोले तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू इज इज सेट ऑफ एक्स सज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी मीन्स गीता जो है वो ए को भी बिलोंग करती है और गीता बी को भी बिलोंग करती है तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एंड एक्स बिलोंग्स टू बी दोनों को बिलोंग करती है तो यहाँ पे हम एंड का यूज़ करते हैं इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन uh, को और अच्छे समझने के लिए रोड्स होती हैं एक रोड मेरी ये जा रही है दूसरी रोड ये आ रही है तो जहाँ इंटरसेक्शन हुआ तो दैट इज़ दैट चौराहा राइट दैट सर्कल या इस केस में ये स्क्वायर बना तो ये जो एक लाइट ब्लू कलर का जो हमारा स्क्वायर बन रहा है सो दिस इज़ द कॉमन यदि मैं इस रोड की बात करूँगा तो भी वो इस रोड में है और मैं यदि वर्टिकल रोड की बात करूँगा वो भी इस रोड का पाता है सो इंटरसेक्शन मीन्स क्या हुआ इज द कॉमन थिंग बिटवीन टू डिफरेंट थिंग टू और मोर थिंग्स जो उन सब में कॉमन हो यदि मैं इसी डायग्राम को ऐसे बनाता कि बोलता एक सेट ए है और एक सेट बी है तो इसमें कॉमन चीज़ें बताओ तो इंटरसेक्शन ऑफ ए बी कुछ कॉमन है दोनों में देखने में बैठना क्या मैं नहीं क्योंकि देर इज नथिंग कॉमन ये तो मीट ही नहीं कर रहे जब ये मीट नहीं कर रहे तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा विल राइट इट अ नल सेट एम टी कोई एलिमेंट उसका नहीं होगा क्योंकि नथिंग इज कॉमन इधर वाली ए टीम खाली फुटबॉल खेलती है तो ये सपोज दिस टीम ओनली प्लेज हॉकी दो दे आर पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट कॉल क्लास एलेवेंथ और इस तरह के सेट्स ए और बी जो कि एक दूसरे में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं या उनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो उनको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स जो सेट्स ज्वाइंट ही ना करें एक दूसरे से नहीं जुड़े मान लो ये बिल्कुल आके जस्ट टच भी कर लेता तो टच करने से जस्ट बाउंड्री टच कर रही है पर कोई एलिमेंट उसमें कॉमन नहीं है ठीक है यदि मैं तीन सेट लूँ सपोज़ ए बी सी तो इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉमन इंटरसेक्शन सी विल बी दिस येलो पोर्शन जो कॉमन तीनों को है वो ए को भी है देखो इधर बी को भी है और सी को भी कॉमन है तो विल राइट इंटरसेक्शन येलो पोर्शन इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कह सकते हैं अब इसको देखो और या इसको देखो ए इंटरसेक्शन बी या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मीन्स दो का कॉमन पार्ट या तीन का कॉमन पार्ट वो क्या डिपेंड कर रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी बोलूँ या मैं ऐसे बोलूँ बी इंटरसेक्शन ए ए बी के साथ इंटरसेक्शन या बी का ए के साथ इंटरसेक्शन मतलब तो क्या हुआ ए ही हुआ ना तो दोनों केस में आंसर तो गीता ही आएगा इस केस में भी राइट सो वी कैन से ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू गीता इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी तो ये क्या चीज़ आया ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए हमने कौन सी लॉ पढ़ी थी क्यूमलेटिव लॉ तो यहाँ पे भी इंटरसेक्शन के अंदर भी क्यूमुलेटिव लॉ वैलिड है सेम वे में यदि मैं तीन को देखूँ तो मैं इनको ग्रुप बना सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ किया या मैं बोलूँ इक्वल टू ए लिया पहले बी इंटरसेक्शन सी किया फिर उनका इंटरसेक्शन निकालू मीन्स पहले दो के बीच में कॉमन और फिर उसका थर्ड वाले एलि सेट के साथ कॉमन निकालू तो ये यदि सही है तो ये कौन सा लॉ होता है इस कॉल असोसिएटिव लॉ तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की बी प्रॉपर्टी असोसिएटिव लॉ को फॉलो करती है सो दीज आर द टू प्रॉपर्टीज देन द रिमेनिंग प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो वैलिड लॉ ऑफ एम्प्टी सेट या लॉ ऑफ यू लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या ये भी फॉलो करते हैं यस दे फॉलो मीन्स फाइव इंटरसेक्शन ए खाली सेल और इंटरसेक्शन ऑफ ए यदि खाली करूँगा तो क्या आंसर आएगा फाइव ही आएगा सेम वे में यदि यू का यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करूँगा ए के साथ तो क्या आंसर क्या आएगा कॉमन ए ही होगा तो ए तो यूनिवर्सल सेट का पार्ट है पर यूनिवर्सल सेट के अंदर ए है तो कॉमन क्या हुआ ए ही हुआ ना तो दिस इज़ आल्सो वैलिड और आइटम पोटेंट लॉ जो हमने पढ़ी थी वो भी क्या वैलिड है यस इट इज़ वैलिड ए इंटरसेक्शन ए इज़ ऑलवेज ए मीन्स ये दो सेट यदि ए हैं उनके बीच में यदि कॉमन देखोगे तो ए ही होगा ना क्योंकि 100% परसेंट एलिमेंट ए के दूसरे एलिमेंट में है तो एक हंड्रेड परसेंट ओवरलैपिंग हो जाएगी सो दीज आर ऑल सेम प्रॉपर्टीज़ जो कि हमारी यूनियन के अंदर भी वैलिड थी बट इंटरसेक्शन में एक प्रॉपर्टी और होती है एंड दैट प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना वो लॉ जिसमें किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो और वो क्या होता है वो इट इज़ लाइक दिस ए इंटरसेक्शन बी किसके साथ कर रहा हूँ मैं किस सेट के साथ कर रहा हूँ बी यूनियन सी तो देखो यहाँ पे यूनियन है बी और सी का यूनियन हुआ और इनसे जो सेट बना उसका इंटरसेक्शन यदि मैंने ए से कराया तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली कि ए इंटरसेक्शन बी फिर बीच में यू है तो यू और फिर ए इंटरसेक्शन सी तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंड दिस लॉ इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अब इसको समझते हैं वेन डायग्राम से तब आपको समझ में आएगा कि जो ये हमने लिखा है वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट अब वेन डायग्राम में भी हम ना क्या करेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड को का वेन डायग्राम बनाएंगे एंड उसका रिजल्ट निकालेंगे एंड देन द राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम निकालेंगे और जो दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैंड हम यदि मैच कर गया तो दैट मीन्स जो हमने ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखी है वो करेक्ट है तो लेट्स स्टार्ट विद द साइड तो पहले हम इस साइड का कैसे बनाएंगे बी यूनियन सी बनाएंगे हम, हम पहले सो so, हमारे तीन सेट हैं ए बी सी और यदि हम यूनियन की बात करें तो बी और सी में जो कॉमन हूँ तो ये ग्रीन पार्ट ही कॉमन होगा हमारा सो वी विल राइट बी यूनियन सी इज़ दिस ग्रीन पार्ट अब यदि मैं इंटर ले लेता हूँ किसका ए इंटर बी यूनियन सी ये जो लेफ्ट एंड साइड है तो वो क्या होगा जो बी यूनियन सी मीन्स ग्रीन और ए में कॉमन होगा वो यही पार्ट होगा सो दिस इज़ वॉट दिस इज़ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकल आया तो लेफ्ट हैंड साइड का वैंडाग्राम बन गया अब राइट हैंड साइड का बनाते हैं सो राइट हैंड साइड में वी कैन मेक सेम वे में ए इंटरसेक्शन बी पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं सो ए और इंटरसेक्शन बी मीन्स ए और बी में जो कॉमन हो वो ये ग्रीन वाला पार्ट यही होगा तो दिस इज़ ए इंटरसेक्शन बी आ गया हमारा सेकेंड क्या निकालना है ए इंटरसेक्शन सी ए और सी के बीच में कॉमन ए और सी के बीच में क्या होगा यही पार्ट कॉमन होगा ए में और सी में बी को भूल जाओ देखो ही मत ए और सी के बीच में कॉमन क्या हुआ वो ये वाला पार्ट हुआ तो दिस इज़ वाट एव ए इंटरसेक्शन सी अब हमको क्या निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यहाँ देखो ऊपर राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी और उसका किसके साथ यूनियन निकालना है ए इंटरसेक्शन सी मीन्स अब एक ये ग्रीन वाला और एक ये ग्रीन वाले हमारा दो सेट्स हैं उनका हमको क्या निकालना है यूनियन मीन्स उसमें ये भी होगा और ये भी होगा यूनियन मतलब तो यही होता है सो द यूनियन विल बी ये भी होगा और ये भी होगा देखो ये पार्ट भी आ गया होरिजेंटल पार्ट और ये वर्टिकल पार्ट दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन विद ए इंटरसेक्शन सी इन दोनों का यही तो होगा आंसर अब देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या था यही था वैंड डाइग्राम और राइट हैंड साइड का वैन डाइग्राम ये है That means distributive law. Left hand side is equal to right hand side, and proved. kar diya na humne proof So this is the another important property of intersection of sets. That is, इसको एक और भी नाम दिया जाता है. इसको distributive law के साथ-साथ ये बोला जाता है, intersection distributes over union. How? इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन पार्ट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है यूनियन ऑफ तीन तीन सेट्स के राइट right? इसका एक ये नाम भी होता है आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ना बोल के आप ये बोल सकते हो क्योंकि क्या हो रहा है देखो ये इंटरसेक्शन जो है ये इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ओवर यू ये बीच में यू है यहाँ इंटरसेक्शन यहाँ इंटरसेक्शन उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो ये भी बोला जाता है सो so, इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं लेट ए ये है एक सेट बी दूसरा सेट है तो पहले तो हमको इंटरसेक्शन निकालें ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो क्या मतलब जो इन दोनों में एलिमेंट्स कॉमन हो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं सो वी विल राइट वी सी दैट सिक्स एंड एट सिक्स और एट इन दोनों में देखो देखो सिक्स और एट यहाँ पे सिक्स और एट टू फोर इधर है इसमें नहीं है दैट मीन्स सिक्स एंड एट आर द ओनली एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी वी कैन से और जो कॉमन एलिमेंट होता है वही तो इंटरसेक्शन होता है तो वी विल राइट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू अ सेट हैविंग एलिमेंट सिक्स एंड एट सो दिस द आंसर कितना ईजी है सॉल्व करना लेट्स एक वन मोर एग्जाम्पल दिस एग्जाम्पल नंबर सिक्सटीन लेट एक्स इजिकल टू राम गीता एंड अकबर बी द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास इलेवेंथ हु आर इन स्कूल हॉकी टीम एंड वाई क्या है गीता ड्रावनर सो बी द सेट ऑफ स्टूडेंट फ्राम क्लास इलेवेंथ हुर इन द स्कूल फुटबॉल टीम फाइंड एक्स इंटरसेक्शन वाई तो पहले हमने यूनियन निकालता था इस बार हम इसका क्या है इंटरसेक्शन निकाले मीन्स वो चीज़ जो कॉमन है तो कॉमन है तो कौन कॉमन है हमने निकाला ही था ना गीता इज ऑनली कॉमन सो यू विल राइट आंसर दिस वे कि वी सी दैट द एलिमेंट गीता इज द ओनली एलिमेंट विच इज कॉमन टू बोथ दैट मीन्स x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू अ सेट हैविंग एलिमेंट गीता विच इज अ कॉमन एलिमेंट तो इंटरसेक्शन का मतलब ही है आपको याद रखना है जहाँ दो रोड्स इंटरसेक्ट करें ऐसे याद रखो तो आपको कॉमन चीज निकालनी है अनदर एग्जाम्पल इज सेवनटीन लेट ए इज इक्ल टू दिस बी इज इक्ल टू दिस हमको क्या निकाला फाइंड ए इंटरसेक्शन बी मीन्स इनमें दोनों में कॉमन का है एंड हैं शो देट कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी के बराबर है आप देखो इसमें कॉमन निकाल सकते हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अपना बेसिकली लिखते हैं इसको इस तरीके से वी विल वी विल हैव ए इंटरसेक्शन बी इज इक्ल टू टू थ्री फाइव सेवन क्यों टू थ्री फाइव सेवन इसमें भी देखना टू थ्री फाइव और सेवन ये कॉमन एलिमेंट बाकी को लिखना ही नहीं है तो आंसर आ गया और ये टू थ्री फाइव सेवन क्या है यहाँ मैच कराओ रहा बी से मैच कर रहा है तो वी कैन राइट इज इक्वल टू बी सो दिस वे वी हैव सॉल्व ऑल दीज थ्री प्रॉब्लम्स अब यदि इसमें इस इस वाले से एक इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं यहाँ तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया पर एक चीज़ आपको और समझा रहे हैं कि यहाँ यू कैन यू कैन सी कि बी जो है वो किसका सबसेट है यदि ऊपर देखो बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए ये बोल सकते हैं सो बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए दैट मीन्स जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी इजिकल टू बी मैं क्या बचा कि बी जो है ए का सबसेट है और बी और ए का यदि हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कॉमन एलिमेंट क्या होगा सबसेट ही होगा तो जो छोटा सबसेट हुआ वही तो निकलेगा आंसर तो बी तो ये एक एक ये एक, एक, एक ना वो हो गई एक थ्योरम टाइप की चीज़ होगी जो आपको याद रखनी है कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऐसे आ जाएगा कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए देन प्रूव वैदा इट इज़ राइट टू रॉन्ग की ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू बी या ए लिखेंगे तो आपको आंसर उसमें चूज करना होगा नाव वी हैव कम टू द थर्ड ऑपरेशन इन सेट्स दैट इज कॉल द डिफरेंस ऑफ सेट दो सेट में डिफरेंस क्या है कि उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं ए माइनस बी दिस इज द वे इट इज़ रिप्रेजेंटेड कहने का मतलब क्या हुआ द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए जो ए को तो बिलोंग करते हैं बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी कि मीन्स ए जो है हमारा उस सेट को तो उसके एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं पर वो बी को बिलोंग नहीं करते हैं तो उसको कैसे लिखा जाता है ए माइनस बी कुछ समझे नहीं समझे तो चलो ऐसे समझते हैं आपके पास सपोज एक सेट है ए ए मीन्स सपोज एन एप्पल आपके पास एक सेब है अब आपने इसको इसमें से एक बाइट ली मीन्स यू कट इट ठीक आपने अब एक कट कर लिया तो वट इज़ रिमेनिंग क्या रहा आपके पास वट इज़ लेफ़्ट और रिमेनिंग आपके पास बचा ये ये क्या बचा कि मी स्विच बिलोंग्स टू ए बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी अब ए के पास यही बचा उसमें से बी वाला पार्ट जो है आपने बाइट तो खा लिया वो तो आपके पेट में चला बचा क्या बचा ये सो वट इज़ लेफ्ट और रिमेनिंग इज कॉल्ड द डिफरेंस उसी को डिफरेंस बोला जाता है कि इसमें से आपके पास ना हज़ार रुपये थे उसमें से आपने हंड्रेड रुपीज़ मान लो आपके लॉस्ट हो गए या कहीं पर आप हार गए किसी गेम में सो वट इज़ लेफ्ट इज़ नाइन हंड्रेड

ए सेट बड़ा है बड़े में से बी माइनस कर दिया तो ए में से बी माइनस कर दो मीन्स वो कॉमन एलिमेंट जो कि बी में है वो हटा दो यहाँ से तो वट एवर इज लेफ्ट इज ए माइनस बी तो विल राइट दिस वे गिवन ए इज इक्ल टू दिस बी इज इक्ल टू दिस और हमको क्या पता लगाना है देफोर ए माइनस बी क्या होगा जो ए में से बी हटा दो तो मीन्स जो भी कॉमन है तो देखो यहाँ टू है तो ए में यहाँ टू है तो टू हटा दो यहाँ फोर है तो यहाँ फोर है ये कट कर दो यहाँ सिक्स है तो यहाँ सिक्स है इसको भी कट कर दो तो जो जो बी में था एट यहाँ है नहीं तो जो जो बी में था वो हमने A में से हटा दिया सो वट एवर ए लेफ्ट इन ए इज़ वन थ्री फाइव सो ए क्या बचा वन थ्री फाइव तो दैट इज़ वट वी वी डिस्कस्ड और वी लर्न तो वी विल राइट इट मीन्स दैट द एलिमेंट वन थ्री फाइव बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी कि जैसे हमने सेव वाले एग्जाम्पल में था कि जो खा लिया वो तो खा लिया जो बचा हम उसकी बात करें रिमेनिंग पार्ट की तो ए में से बी को हमने माइनस कर दिया तो वाट एवर इज रिमेनिंग इन ए दैट इज आंसर सेम वे में अब हमको पता लगाना बी माइनस ए मीन्स बी में से मैं ए हट निकाल दूँ तो मीन्स जो बी में से ए निकालूंगा तो क्या क्या निकाल सकता हूँ देख देखो हम क्या निकाल सकते हैं बी में से निकालना है वो पार्ट जो ए में है तो वन इधर नहीं है टू है तो यहाँ टू कट कर दो थ्री इधर है नहीं है फोर यस yes, है इसको कट कर दो फाइव इधर नहीं है सिक्स है तो सिक्स कट कर दो तो बी में क्या बचा ओनली एट सो बी माइनस ए वट एवर रिमेनिंग इन बी इज़ ओनली एट सो इट मीन्स द सेम थिंग इट मीन्स द एलिमेंट ए बिलोंग्स टू बी बट नॉट बिलोंग्स टू ए यही मतलब था यही हमने सीखा था तो सप्रेक्शन करना आ गया मीन्स आप लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ में से चीज़ों को घटा रहे हो वो चीज़ें जो कि कॉमन है और जो बचेगा वो किसका बचेगा लेफ्ट हैंड साइड का ही बचेगा तो a माइनस बी इज इक्ल टू दिस वेरस बी माइनस ए इज इक्ल टू दिस इससे एक और चीज़ मालूम चली कि a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर नहीं है ये बोल सकते हैं राइट right? तो ये आपको याद रखना है लेट्स एक वन मोर एग्ज़ाम्पल लेट एलिमेंट ए इज इक्ल टू दिस एंड बी इज़ इक्ल टू दिस फाइन ए माइनस बी एंड बी माइनस ए तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है वी विल राइट कि ए हमको दिया हुआ है ए इज ईक्ल टू दिस ए ई आई यू यू बी क्या दिया हुआ है बी इज इक्ल टू ए आई के यू पता क्या लगाना है पहला ए माइनस बी तो ए माइनस बी क्या होगा जो B, A ए में है पर बी में नहीं है तो ए में ए है तो ए कट गया देखो आई था आई कट गया के था के नहीं है यू था यू कट गया बचा क्या ई e ओ जो ए में बच गया सेम वे में बी माइनस ए बी माइनस ए निकालो तो वी विल राइट दिस में बी माइनस ए इज ईक्ल टू के जो ए से हद कॉमन है वो सब ए कट गया आई कट गया यू कट गया कहली के बचा तो के सो बी माइनस ए इज़ दिस सॉरी ए माइनस ए इज़ दिस और बी माइनस ए इज़ के तो ये हमने पता लगा लिया इट मीन्स दैट द एलिमेंट के बिलोंग्स टू बी बट नॉट बिलोंग्स टू ए इसका मतलब यही होता है इसका ये मतलब ये भी हम सीख रहे हैं कि ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए तो हमने दोनों केसेस में दोनों एग्जाम्पल्स में देखा कि ए माइनस बी तो बी माइनस ए में अलग अलग चीज़ें आ रही हैं राइट तो यूजिंग द सेट बिल्डर नोटेशन यदि इसी चीज़ को सेट बिल्डर नोटेशन के फॉर्म में लिखना है वी कैन री राइट द डिफरेंस ऑफ सेट्स एज कैसे लिखते हैं कि ए माइनस बी इज इक्वल टू अ सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए ए को तो बिलोंग करेगा बट नॉट बिलोंग्स टू बी एंड एक्स इज़ नॉट बिलोंग्स टू बी नॉट मीन्स हमने कट कर दिया सिमिलरली यदि बी माइनस ए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू बी एंड नॉट बिलोंग्स टू ए वैसे लिख देंगे अब इसका वेन वैंडाइग्राम देखो वैसा होगा यूनिवर्सल सेट है एक ये ए ये है सेट बी हमको क्या निकालना है ए में से बी निकाल दो तो बचा क्या है ए माइनस बी वो ये वाला पोर्शन बचा जो बचा रिमेनिंग बी ने इतना काट दिया ये कट गया ग्रीन वाला कॉमन पार्ट और यदि मैं इधर पिंक वाले की तरफ से देखूँ तो ये क्या होगा बी में से ए ने कितना काट दिया इतना ग्रीन पार्ट तो ये बचा क्या बी माइनस ए और जो दोनों के बीच में होता है वो हमने सीखा ही था कि जो कॉमन पार्ट क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी तो ये बीच वाला पार्ट हुआ ए इंटरसेक्शन भी ए माइनस बी जो हुआ वो ये वाला पार्ट हुआ बी माइनस ए ये पिंक पार्ट हुआ ग्रीन वाला पार्ट ये हो गया तो हम वैन डाइग्राम से भी ऐसे बना सकते हैं नाउ द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सब्जेक्ट जो है आपके इस चैप्टर का पार्ट है दैट इज कॉल्ड द कंप्लीमेंट्स ऑफ अ सेट ये क्या होता है इसको भी समझते हैं एक एग्जाम्पल से सपोज एक मेरे पास यूनिवर्सल सेट है वो एक मान लो एक कार्ड है आपके पास एक हार्ड बोर्ड में कार्ड है वो ये जो कार्ड है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ सेट इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मान लो ये कलर ही है इसमें मैं क्या करता हूँ एक सेट सर्कुलर सेट है मीन्स मैं एक सर्कल बनाता हूँ जिसको मैं सेट बोलता हूँ ए इसमें ये पीला वाला पार्ट अब इसको मैं क्या करता हूँ काट के कट करके बाहर निकाल देता हूँ सो वट रिमेनिंग इज दिस एंड इसको ऐसे देखो या मैं ऐसे बोलूँ कि एक यूनिवर्सल सेट है मेरे पास और एक सेट ए है ये दो अलग अलग सेट हैं राइट तो अब इन तीनों के बीच में मैं क्या रिलेशन निकाल सकता हूँ तो देखो ध्यान से ये वाले पहले वाले को क्या बोलेंगे कि जो मैंने इत ये पार्ट निकाला था ना वो ये तो था ए तो ये ये क्या यू नहीं था ये है यू माइनस ए यू में से ए निकाल दिया इतना पार्ट हमने निकाल दिया वो ये राइट में आ गया जो फुल है दैट इज़ यू राइट और ये पूरा है सेट ए ये है u माइनस ए राइट या u माइनस ए बोलूँ या मैं इसको बोल सकता हूँ a डैश मीन्स यूनिवर्सल सेट में से मैंने a को सेपरेक्ट कर दिया u माइनस ए तो a डैश जो मैं लिख रहा हूँ a के पावर पावर पे ऊपर लिख रहा हूँ डैश दिस इज़ कॉल्ड द कम्प्लीमेंट ऑफ a मीन्स a का कम्प्लीमेंट a ये है तो इसका कम्प्लीमेंट क्या है जो यूनिवर्सल सेट में से मैंने निकाल दिया जितना पार्ट जो रिमेनिंग बचा यूनिवर्सल सेट का दैट इज़ ए कम्प्लीमेंट ऑफ़ ए या दूसरे तरीके से बोलें कि वो चीज़ वो एरिया जो कि ए का पार्ट नहीं है दैट इज़ कम्प्लीमेंट ऑफ ए ऐसे बोल सकते हैं राइट right. तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि ए डैश यदि मैं ए डैश की बात करूँ इस एरिया की जिसमें से हमने ये ए बाहर निकाल दिया तो ए डैश द कम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश इज़ ए सेट ऑफ एक्स सच देट एक्स बिलोंग्स टू यू जो ये पार्ट है एरिया ये बिलोंग्स टू तो यू तो करता ही है बट या एंड x डजेंट बिलोंग्स टू A, वो A को बिलोंग नहीं करता पर तो यही तो एरिया हुआ ये एरिया पूरा जो लाइट ब्लू एरिया है इसमें बीच में जो काट के निकाल दिया वो U को तो बिलोंग करता है बट वो किसको बिलोंग नहीं करता इट डजेंट बिलोंग्स टू A, वो इस पार्ट को बिलोंग नहीं करता है ये जो बीच में वो काट के निकाल दिया तो दिस इज कॉल्ड द कंप्लीमेंट सेट ऑफ A, दैट इज U माइनस A, ये आपको याद रखेंगे समझ में आया सो वी कैन राइट ए डाइज इज इक्वल टू यू माइनस ए इसकी डेफिनेशन यदि हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट ये यू हमारा एक यूनिवर्सल सेट है एंड ए इज द सबसेट ऑफ यू और ए जो है उसका सबसेट बोले यदि हम देन द कम्प्लीमेंट ऑफ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए मीन्स वो पार्ट जो ए का तो पार्ट है बट यू का पार्ट नहीं है वो जो पार्ट बचा रिमेनिंग दैट इज कॉल्ड द कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट आप बेसिक चीज़ समझ गए जो हमने यूनिवर्सल सेट में से निकाल दिया जो बचा दैट इज़ कम्प्लीमेंट और जो काट के निकाला दैट इज़ द सेट ये आपको याद रखना है ये याद रखोगे सब कुछ सॉल्व कर लोगे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल दिस इज एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी लेट यू इज इक्वल टू दिस सेट एंड ए इज़ इक्वल टू दिस फाइंड ए डैश यदि ये ए है और ये यूनिवर्सल सेट है तो हमको क्या करना है जो ए है उसमें से निकाल दो जो बचेगा वो क्या होगा

को एजुकेटेड स्कूल एंड ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास एलेवेंथ फाइंड ए डैश समझ में आया कुछ क्वेश्चन कि यदि पूरे क्लास जो है स्टूडेंट हैं यदि क्लास इलेवेंथ के यदि वो यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें ए सेट रिप्रेजेंट करते हैं सारी गर्ल्स को तो कंप्लीमेंट ऑफ ए डैश निकालो मीन्स यू माइनस ए वो क्या होते हैं बॉयज़

तो यो यू है और ए निकाल दो टू और थ्री निकाल दोगे टू थ्री कर दोगे वट एवर इज इमीनिंग वन फोर फाइव सिक्स डैट इज़ ये आ जाएगा तो लेट्स राइट डाउन तो विल राइट ए डैश इज इक्वल टू वन फोर फाइव सिक्स जो कॉमन है जो ए में तो है पर यू में नहीं है तो वो कॉमन हार्ड ने हटा दिया बी डैश बी डैश मतलब यू माइनस बी तो थ्री फोर फाइव थ्री फोर फाइव यदि काट दें तो क्या बचेगा वन टू सिक्स तो बी डैश क्या हो गया वन टू सिक्स

ओके ए यूनियन बी ए ये है बी है यूनियन निकाला मीन्स कॉमन सारे इकट्ठे एक, एक साथ लिख लो तो टू थ्री थ्री यहाँ कॉमन है फोर फाइव टू थ्री फोर फाइव तो दिस आंसर ए यूनियन बी कितना टू थ्री फोर फाइव सारे एलिमेंट्स ले लो कॉमन को हटा दो बस एंड हैं शो दैट ए यूनियन बी डैश अच्छा ए यूनियन बी डैश इसका भी क्या निकालना ए यूनियन बी डैश इसका भी वो निकालो क्या कम्प्लीमेंट तो कम्प्लीमेंट निकालो ए यूनियन बी डैश मीन्स यू ये है और यूनियन बी हमने निकाला ही था यह मीन्स ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकाला दैट मीन्स यू माइनस ये कॉमन तो टू थ्री फोर फाइव इसमें से हटा दो टू थ्री फोर फाइव हटा दो बचा 1, तो क्या वन सिक्स तो लेफ्ट हैंड साइड क्या एनियन बी का डैश वन सिक्स और ए डैश इंटर बी डैश भी हमने निकाला था देखो ये वन सिक्स तो ये दोनों देखो क्या हो गया बराबर हैंस ए यूनियन बी डैश इजिकल टू वन सिक्स एंड ए डैश इज ये इसके बराबर हो गया तो हैंस इट इज़ प्रूफ बट आप एक चीज़ ध्यान से देखो आपने जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सॉल्व कर दी इस ब्रैकेट लेफ्ट हैंड साइड में देखो ए यूनियन बी का ब्रैकेट में हमने कंप्लीमेंट लिया इज इक्वल टू ए डैश मतलब कम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश यहाँ देखो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है और जब हमने ब्रैकेट ट्राई तो क्या हुआ ए डैश और बी डैश तो हो गया पर यूनियन क्या होगा चेंज हो गया इंटरसेक्शन में सो द क्वेश्चन इज इज दिस रिजल्ट इज ट्रू इन जनरल इन जनरल मीन्स क्या इस सेट के लिए नहीं ये जो हमने ए और बी यहाँ लिए हुए हैं ये यूनिवर्सल सेट लिया है हम ये बोल रहे हैं कि ए यूनियन बी का यदि कम्प्लीमेंट लेंगे तो ऑलवेज होगा कम्प्लीमेंट ऑफ ए और इंटरसेक्शन कम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या ये जनरल फॉर्म में भी ये थ्योरम या बोले ये स्ट्रक्चर इस दिस प्रॉपर्टी इज़ ट्रू लेट सी दैट इसको समझ लेते हैं तो हम ये समझना चाहते हैं कि ए यूनियन बी यदि कोई सेट जो आपको मालूम नहीं है कौन से सेट्स हैं बट दो डिफरेंट सेट्स हैं राइट उसमें हो सकता है कुछ चीज़ कॉमन हो कुछ ना हो इनका यदि मैं कंप्लीमेंट लेता हूँ क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ ब्रैकेट हटाने के बाद ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश या इसका उल्टा भी है ऐसे भी उल्टा मैं बोलूँ कि ए इंटरसेक्शन बी डैश का कम्प्लीमेंट लूँ तो मैं उसको यदि ओपन करूंगा तो देखो इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जा रहा है ए डैश बी डैश क्या ये चीज़ ट्रू है एंड एक मैथमेटिशियन थे उनका नाम था डी मॉर्गन्स उन्हीं के नाम पे यह लॉ बनी डी मॉर्गन्स लॉ और ये लॉ है दैट मीन्स इट्स ट्रू क्या बोल रही है यदि हम पहले वाले को जब पढ़ें तो हम ये बोल सकते हैं द कम्पलीमेंट ऑफ़ द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट द कंप्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कंप्लीमेंट इज द इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ दर कम्प्लीमेंट ए डैश बी डैश क्या है उसके कंप्लीमेंट हैं उनका इंटरसेक्शन सेम वे में यदि यहाँ देखें ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट तो यू कैन राइट द कंप्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द यूनियन ऑफ द कंप्लीमेंट इज द यूनियन ऑफ देयर कंप्लीमेंट एंड दिस इज वाट इज कॉल्ड डी मॉर्गनस लॉ तो ये आपको याद रखनी होगी कि जब कंप्लीमेंट लेते हैं तो यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाता है और यदि अंदर में इंटरसेक्शन है तो बाहर यूनियन हो जाता है ये साइन चेंज हो जाते हैं एंड कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर टू यूनियन और इंटरसेक्शन वैसी प्रॉपर्टीज़ हैं डिफरेंट हैं तो लेट सी सो द कम्प्लीमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं बट याद रखने के लिए आपको ये डायग्राम हमेशा याद रखना है मीन्स यू इज़ अ यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर ए इज़ अ सबसेट ऑफ़ यू उसका पार्ट है बट यदि ये ए है तो जो ए में नहीं है जो बाकी पार्ट बचा दैट इज कॉल्ड ए डैश दैट मीन्स यू माइनस ए इज़ अ कंप्लीमेंट ये आपको डायग्राम याद रखना है सो so, इसकी पहली लॉ बोलती है दैट इज़ कॉल्ड कंप्लीमेंट्री लॉ उसको बोला जाता है ए यूनियन ए डैश ए यदि ए है तो ए डैश ब्लू वाला पार्ट है तो यदि मैं इनका यूनियन ले रहा हूँ दैट मीन्स एवरीथिंग ए प्लस ए डैश तो यू हो गया सेम वे में यदि मैं इसका इंटरसेक्शन लूँ ए और ए डैश का मीन्स ब्लू वाले पार्ट का और येलो वाले पार्ट का कॉमन क्या है इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन नथिंग इज कॉमन इज नल सेट तो कंप्लीमेंट्री लॉ याद होगी डी मॉर्गन लॉ हम पढ़ ही चुके हैं सो देर आर डी मॉर्गन लॉ क्या बोलती है यूनियन ऑफ टू सेट्स का कम्प्लीमेंट लूंगा तो वो उसके इंटरसेक्शन होता है उसके जो सेट्स हैं उनके कम्प्लीमेंट्स का सेम वे में यदि ए और पी सेट का इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट लूंगा तो वो क्या होता है उनके कंप्लीमेंट्स का क्या होता है यूनियन होता है ये अभी हमने डी मॉर्गलास में सीखा ही देन द थर्ड लॉ इसका द लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंटेशन डबल कंप्लीमेंटेशन मीन्स पहले ए डैश निकाला फिर उसके बाद एक और ए डैश निकाला तो मीन्स ए डैश ए डैश एक दूसरे से कट गए तो क्या बचा ए ही बचा ठीक ए ए डैश लिया फिर उसका ए डैश लिया मीन्स डबल डैश कट के ए हो जाता है जैसे डबल कंप्लीमेंटेशन दो बार आपने कंप्लीमेंट किया लॉ ऑफ एम टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट ये सेम है कम्पेयर टू यूनिवर्सल और इंटरसेक्शन सेट्स के थ्रे तो फाइव डैश का यदि निकालोगे फाइव मीस एम टी और उसका डैश निकालोगे यूनिवर्सल सेट यही होगा खालीपन यदि कुछ भी कोई भी एलिमेंट नहीं है उसका कंप्लीमेंट निकालोगे इज ए यूनियन और सेम वे में यूनियन का कंप्लीमेंट निकालोगे इज एन एम टी सेट सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कम्प्लीमेंट्री सेट्स लेट्स एक फ्यू एग्जाम्पल जिससे कि आपको ना इन लॉस को कैसे यूज करते हैं या कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं वो क्लियर हो जाएगा सो द एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी थ्री सो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटर एक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल इसको स्पेल करने के लिए और इसको स्पेल करने के लिए जो हमने लेटर्स या अल्फाबेट्स यूज किए हैं वो आर इक्वल बिल्कुल सेम ही है सो सोल्यूशन यू विल राइट लेट एक्स बी द सेट ऑफ कैपिटल लेटर कैटर एक्ट सो एक्स को यदि हम सेट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं एक्स इज इक्ल टू सी ए टी आर बिकॉज हम जो अल्फ़ाबैट्स रिपीट हो रहे हैं उनको बार बार नहीं लिखते हैं यही हमने सीखा था सेम वे में सब ट्रैक्ट है तो सपोज भी इसे इट रिप्रेजेंट बाई वाई लेट वाई बी द सेट ऑफ लेटर्स इन ट्रैक्ट देन वाई इज इक्ल टू क्या हो जाएगा जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक बार लिखो बाकी हम को मत लो तो टी दो बार रिपीट हो रहा है टी आर ए सी ये सब एक एक बार आ रहे हैं एंड नाउ इफ यू कम्पेयर बोथ ऑफ दैम एक्स और वाई को यदि आप कंपेयर करें दैन यू कैन से सिंस एवरी एलिमेंट इन एक्स इज इन वाई एंड एवरी एलिमेंट इन वाई इज इन एक्स मीन्स एक्स में जितने एलिमेंट है वो वाई में है और वाई में जितने एलिमेंट हैं वो एक्स में है दैट मीन्स वी कैन से एक्स इज इक्वल टू वाई दैट मीन्स एक्स सेट और वाई सेट दोनों बराबर हैं इसमें उनका ऑर्डर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती है इट्स द एलीमेंट नंबर ऑफ द एलिमेंट बिल्कुल सेम होनी चाहिए सो बहुत द ट इज़ वट वी वपोज टू प्रूफ एक मोर एग्जाम्पल सबसेट्स ऑफ दिस सेट एक सेट दिया जिसके एलिमेंट है माइनस वन जीरो एंड वन इसके सारे सबसेट लिखने हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वैसे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बट थोड़ा सा एक बार डिटेल में लिख देते हैं लेट ए हमारा ये सेट है देन द सबसेट ऑफ ए हैविंग नो एलिमेंट इज द एलिमेंट फाइव हमें मालूम है हर सेट का जो एक सबसेट होता है वो एम टी सेट होता है सो so, फाइव हो गया जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है फिर क्या लिखते हैं हम जिसमें वन एलिमेंट है वन एलिमेंट वाले कितने हो जाएंगे माइनस वन जीरो एन वन ऐसे लिख सकते हैं फिर हम क्या लिखते हैं टू एलिमेंट्स वाले तो टू एलिमेंट्स क्या होंगे माइनस वन जीरो माइनस वन वन एन जीरो वन ये हो गए तीन सबसेट्स और जिसमें तीनों एलिमेंट होंगे वो तीनों एलिमेंट वाला कौन सा होगा खुद ही सेल्फ इट सेल्फ ए तो टोटल सबसेट्स हमने लिख दिए फाइव माइनस वन जीरो वन माइनस वन जीरो माइनस वन वन एन जीरो वन और प्लस खुद एक तो टोटल हमने इस तरीके से पूरे सबसेट्स ऑफ दिस सेट्स वी हैव रिटर्न और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है मैंने पहले ही बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट जितने होंगे टू की पावर उतना हो जाएगा तो टू की पावर कितना हो जाएगा टू की पावर थ्री दैट मीन्स एट सेट होने चाहिए सबसेट्स तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो आपका आंसर करेक्ट है तो आपने कुछ चीज़ मिस नहीं की है right so in the end we will so all the subset of a are empty set minus 1 0 1 se leke yaha tak clear very good let's take one more example so this is example number 25 and is the last example of the chapter kya humko show kana? show that a union b is equal to a intersection b implies that a is equal to b हमको ये दिया हुआ है कि यदि ए यूनियन बी इस बराबर है ए इंटरसेक्शन B बी के तो हमको प्रूव करना है कि ए और बी दोनों सेट्स जो हैं बराबर हैं इक्वल हैं ये हमको प्रूव करना है तो थोड़ा सा ट्रिकी है एक दो तो बार ध्यान से समझेंगे सो लेट मी ट्राई सो वी विल राइट द सोल्यूशन दिस वे सपोज लेट ए एक एलिमेंट है जो A सेट को बिलोंग करता है क्योंकि हमको दिया हुआ है ए यूनियन बी दिया हुआ है दैट मीन्स वी कैन से ए एलिमेंट ऑल्सो बिलोंग्स टू यूनियन बी क्योंकि ए यूनियन बी में क्या होगा जो ए में होगा वो भी होगा और जो बी में होगा वो भी होगा इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है ए यूनियन बी को बिलोंग करता है राइट right? ए को तो बिलोंग करता ही है इट आल्सो बिलोंग्स टू यूनियन बी और हमको यहाँ दिया हुआ है ए यूनियन बी किसके बराबर है ए इंटरसेक्शन बी तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी इजल टू ए इंटर बी के बराबर है तो इसका मतलब जो हमने पहले बोला कि ए बिलोंग्स टू यूनियन बी इसका मतलब ए आल्सो बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी ये बोल सकते हैं और यदि ए बिलोंग्स टू ए है यूनियन के भी है और ए बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन भी है इसका मतलब क्या होता है ए आल्सो बिलोंग्स टू बी यदि इंटरसेक्शन ए इज कॉमन टू बोथ तो ए आल्सो बिलोंग्स टू बी अब देखो पहले सेट में हमने क्या लिखा था ए बिलोंग्स टू ए जो एलिमेंट ए है वो ए सेट को बिलोंग करता है और ये जो है ए जो है वो बी को भी बिलोंग करता है इसका मतलब क्या है हम ये बोल सकते हैं ना कि ए जो है इज़ अ सबसेट ऑफ बी कहा जा सकता है, नहीं कह सकता है दोबारा देखो देखो ध्यान से हाँ लेट हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक एलिमेंट ए है जो ए को बिलोंग करता है यदि ये ए को बिलोंग करता है और हमको दिया हुआ है ए यूनियन बी तो हम बोल सकते हैं कि ए जो है इट आल्सो बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और ए यूनियन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के ये दिया हुआ है इसका मतलब ए आल्सो बिलोंग्स टू इंटर ए इंटरसेक्शन बी और यदि ये ए इंटरसेक्शन को बी को बिलोंग करता है तो मीन्स ए इंटरसेक्शन बी मींस कॉमन एलिमेंट तो ए जो है बी को भी बिलोंग करेगा अब यदि ए स्टार्टिंग हमने की थी कि ए किस को बिलोंग करता है ए एलिमेंट को और हम कह रहे हैं अब एंड में हम बोल रहे हैं ए बी को भी बिलोंग करता है इसका मतलब क्या है ए जो सेट है पूरा सेट इज़ अ सबसेट ऑफ बी हम बोल सकते हैं सेम वे में हम उल्टा भी बोल सकते हैं सपोज अ एलिमेंट बी बिलोंग्स टू बी एंड बिकॉज बी आल्सो बिलोंग्स टू यूनियन बी ये तो हो गई यदि वो बी को बिलोंग करता है तो बीस ऑलवेज बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और ए यूनियन बी सेंस हमको मालूम है ए यूनियन बी जो है ए इंटरसेक्शन के बी बराबर है दिया ही हुआ है तो वी कैन से बी आल्सो बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यदि बी ए इंटरसेक्शन वो बी को करता है क्योंकि बी कॉमन होगा तो बी आल्सो बिलोंग्स टू ए वी कैन से जैसे हमने ऊपर किया था इसका मतलब क्या हुआ बी से हमने स्टार्ट किया बी बिलोंग्स टू बी और बी बिलोंग्स टू ए दैट मीन्स बी इज़ आल्सो सबसेट ऑफ ए अब देखो ए सबसेट है बी का और बी है सबसेट ए का दैट मीन्स इसका मतलब ही क्या होता है ए इज़ इक्वल टू बी दोनों एलिमेंट्स दोनों सेट्स दोनों क्या हैं बराबर इक्वल है, equal है. हैंस वी प्रूवड इट सो दिस वे हमने इस चैप्टर को क्लोज़ किया पूरा तो माई रिक्वेस्ट इज थोड़ा सा आप इसको दोबारा दो बार देखेंगे तो आपको सब चीज़ बिल्कुल क्लियर है बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है चैप्टर है ओके इफ यू हैव एनी क्वेरी फीडबैक और सजेक्शन प्लीज़ डू राइट टू अर्स एट मिलाप इंटीग्रेशन डॉट कॉम प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट वी कैन सपोर्ट यू इन ए बेटर वे थैंक यू वेरी मच नमस्ते